सो so, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काइनेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से काइनेटिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग देखिए काइनेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को देखिए हम लिख सकते हैं ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी से यहाँ पर रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है सी एंड डी तो यहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल लेटर में जो हमने लिखे हैं कॉफिशियन बेसिकली वो किसको डिनोट करता है स्टैचुमेट्रिक कॉफिशियंट और जो स्टैचुमेटिक कोफिशियंट होता है उसको हम लोग मोल्स में डिनोट कर सकते हैं मतलब वो मोल्स हो सकते हैं वहां पर है ना उसके अलावा वॉल्यूम या प्रेशर को भी वो डिनोट कर सकते हैं ओके डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्शन गैसियस रिएक्शन या फिर लिक्विड रिएशन तो देखिए हम यहां पर बात कर रहे थे सिंपल एक रिएक्शन मैंने लिखा है ए प्लस बी से सी प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर जो स्मॉल लेटर में जो हमने लिखा है कॉफिशेंट ये बेसिकली स्टेचोमेट्रिक कॉफिशियंट होता है तो ये सिंपल मोल्स मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम या प्रेशर किसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन क्या है नाउ अब देखिए स्टैचोमेट्रिक कॉफिशियंट बेसिकली हमको क्या बताता है कि आपका रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है ना कितने नंबर ऑफ मोल्स से कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके बन रहे हैं लाइक रिएक्शन में तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है वो है लिमिटिंग रिएक्शन ओके थैंक यू सो मच रघु ठीक है सो नेक्स्ट यहां पर मैं बता रहा हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली क्या होता है जो कि पहले कंज्यूम हो जाता है ना आपके पास लाइक like, यहां पर कंपोनेंट ए है कंपोनेंट बी है तो इसमें से जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा लाइक like, लाइक अगर ए के like, हमको मोल गिवन है एंड बी के मोल गिवन है और मतलब लाइक वन वन मोल यूज हो रहा है मतलब uh, uh, रिएक्शन के लिए तो जो ए के मोल है पहले कंज्यूम हो जाएंगे तो यहाँ पर ए आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा ओके गाइस तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको ये ये इससे ये आइडिया लगता है कि बेसिकली आपका रिएक्शन मतलब कि किस टाइम तक होने वाला जब तक आपका एक कॉम्पोनेंट मतलब दोनों कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है तब तक आपका रिएक्शन होगा अगर एक भी कॉम्पोनेट पहले कंज्यूम हो गया तो आपका रिएक्शन उसके बाद में आगे प्रोसीड नहीं होगा सो so, अब हम यहाँ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो डिफाइन करते हैं वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेसिकली हमको क्या देता है द द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना मतलब आप टाइम के साथ में चेंज देखते हो मतलब अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग लिख सकते हैं मतलब है, तो है, देखिए अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो माइनस के साथ इसको लिखोगे सो चेंज इन रिएक्टेंट चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन ऑफ टाइम ये हो जाएगा रेट सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे तो चेंज का मतलब क्या है फाइनल माइनस इनिशियल है ना डेल्टा यहां पर जो लिख रहे हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल होने वाला है तो उसके बाद देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम टू टाइप से लिखते हैं एक तो एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखते हैं वो रहता है माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डीसीए अपोन ऑफ डी टी

ये माइनस आ रहे हो ओके माइनस आ रहे हैं okay, है बेसिकली यहां पर जो है वो न, मतलब साइन है नोटेशन के लिए इसको आपको यूज नहीं करना कैलकुलेशन में यूज नहीं करना ये जो माइनस आ रहे है जो साइन है बेसिकली इसको आपको कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है like, लाइक अब हमने हमने रिएक्शन लिखा था देखिए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी से यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है सी प्लस सी प्लस डी यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है किसके लिए लिखा है रिएक्टेंट ए के लिए लिखा है सिमिली आप रिएक्टेंट बी के लिए लिख सकते हो माइनस आर बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई वन बाई बी इंटू डी एन बी इंटू डी एन बी अपन ऑफ डी टी

सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट डी के लिए लिख सकते हैं ये चीज क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं फॉर फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो अगर मतलब यूनिट की हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की देखिए यूनिट देखिए यहां पर सिंपल कंसनट्रेशन की जो यूनिट है वो यूनिट हो जाएगी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल हम लिख रहे हैं देखिए आर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम

ठीक है तो ये आपका जनरल इक्वेशन है जहां पर हमने ये मेंशन नहीं किया है कि यहां पर प्लस का साइन आ रहा है या फिर माइनस का साइन यहां पर आ रहा है ओके गाइस तो सिंपल देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं अगर रिएक्शन हमारे पास में है ए प्लस बी से यहां पर सी प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है साथ में कॉफिशियंट है जो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशियंट है बेसिकली तो यहां पर देखिए अगर आपको रेट का कोरिलेशन लिखना है है ना एक दूसरे के साथ रेट का कोरिलेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे माइनस आर एज डिवाइडेड बाई स्मॉल ए से डिवाइड कर दीजिए तो बेसिकली आप रेट ऑफ रिए मतलब एक कॉम्पोनेंट के रेट ऑफ रिएक्शन को दूसरे कॉम्पोनेट के रेट ऑफ रिएक्शन से तो यहाँ पर ये जो ये वाली जो रिएक्शन है जनरल रेट ऑफ रिएक्शन होता है okay, तो बेसिकली माइनस मतलब कि माइनस आ रहे जो है देखिए माइनस आ रहे मतलब किसके लिए लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ए माइनस आरबी हम किसके लिए लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट बी तो ये मतलब क्या दिखा रहा है कि आपका जो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा मतलब ए और बी तो कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में तो हम यहां पर माइनस आ रहे और माइनस आरबी को क्या बोलेंगे ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस Now, उसके बाद हम लिख रहे हैं आर सी एंड आर डी ये बेसिकली क्या होगा रेट ऑफ अपेयरेंस बिकॉज सी एंड डी जो है वो प्रोडक्ट है वो यहां पर फॉर्म हो रहा है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं रेट ऑफ अपेयर क्लियर है ना इसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन की देखिए कन्वर्जन हम कन्वर्जन uh, जो है फ्रैक्शन कन्वर्जन भी बोल सकते हैं और परसेंटेज कन्वर्जन भी बोल सकते हैं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शनल कन्वर्जन की फ्रैक्शनल कन्वर्जन सो कन्वर्जन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से सिंपल so, देखिए आपको लाइक आपके पास रिएक्शन थी ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है तो आपको लिखना है कि कन्वर्जन ऑफ कितना होगा A reacted, A reacted, A of of A तो कितना उसमें थे ना? और कितने मोल्स ए की डिवाइड हुए इससे हमको क्या मिल जाएगा कन्वर्जन मिल जाएगा और कन्वर्जन जो हम डिफाइन करते हैं वो किसके लिए डिफाइन करते हैं ओनली फॉर रिएक्टेन प्रोडक्ट के लिए आप कन्वर्जन नहीं लिखोगे ना सिर्फ जो कन्वर्जन हम लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर ए और बी के लिए हम कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हैं एक्सएन करेंगे और एस बी डिफाइन करेंगे तो सिंपल देखिए इस कन्वर्जन को हम आगे और लिखते हैं एक्से इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन ए नोट माइनस ऑफ एन एज डिडेड बाई एन ए नोट यहां पर देखिए मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन मोल्स ऑफ ए फिट तो सिंपली देखिए यहां पर एन 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 नॉट बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है कि इनिशियल नंबर ऑफ इनिशियल इनिशियल ए के कितने मोल्स थे एन ए नोट और यहां पर देखिए फाइनल मतलब मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड कितने कैसे पता चलेगा हमको एन ए नोट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स से फाइनल नंबर ऑफ मोल्स जो ए के अगर वो हम सपरेट करेंगे तो यह, यहाँ पर पर हमको डिफरेंस मिल जाएगा मोल ऑफ रिएक्टेड तो सिंपल देखिए जो यहाँ पर हर ने बोला था कि सर प्रीवियस स्लाइड निकालिए तो यहाँ पर देखिए जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है फॉर एंड प्रोडक्ट पर जो एन ए है एन बी है एन एन सी एन एन डी ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है फाइनल मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में फाइनल नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कितने परजेंट है ना

कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम और वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम दोनों बट के okay? अगर के के लिखते हैं सिस्टम uh, के लिए वैलिड रहता है वो okay? तो यहां पर uh, आप लिख भी सकते हो तो देखिए फ्लोरेट हम लिख रहे हैं मोलार फ्लोरेट मोलार फ्लोरेट हम जो लिख रहे हैं नोट ये बेसिकली क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स

ठीक है कल प्लान करेंगे हम लोग कल मॉर्निंग में अभी तो सियारी कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का प्लान करेंगे देखते हैं थ्री आवर्स में कितना कंप्लीट कर पाते हैं सो सिंपल देखिए यहां पर हम जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन डिफाइन कर रहे हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन वो आपका कित, कितना होगा फ्रैक्शन है तो मतलब जीरो सेवन के बीच होगा अगर परसेंटेज लिख रहे हैं तो वो जीरो से हंड्रेड के लिए हो जाएगा सो so, अब यहां पर अगेन मैं एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ देखिए ए प्लस बी से सी प्रोड्यू सी प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है तो so, यहाँ पर देखिए हम इनिशियली लिख रहे हैं कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे लाइक like,

इनिशियल नंबर ऑफ मोल जो है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे कन्वर्जन से तो हमको ये मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए में यहां पर रिएक्शन में नाउ रिमेनिंग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेफ्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेफ्ट कितना हो जाएगा देखिए एन एन ए जो है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है तो देखिए वो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एन ए नोट एन ए नोट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है उसमें से हमने सप्टेट कर दिया जितने मोल्स ऑफ ए रिएक्ट किए एन ए नोट इंटू एक्स है तो ये हमने सब्टेट कर दिया फाइनली हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं एन इज इक्वल टू एन ए नोट कॉमन लेके हमने लिख दिया पर एन नोट इंटू वन माइनस एक्स तो यहां से हमको ये मिल गया फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेफ्ट है ना सिमिलरली अब देखिए ये ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिए मैं नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहा हूं तो ये दोनों के लिए वैलिड रहेगी जो भी इक्वेशन में लिख रहा हूं मींस के सीवीआरएस सिस्टम के लिए और वीवीआरएस सिस्टम के लिए तो यहां से हमने ये लिखा कि मोल्स ऑफ ए जो लेफ्ट है कितना रहेगा यहां पर एन ए इज इक्वल टू एन ए नोट इन टू वन माइनस एक्स है सिमिलरली अभी देखिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख सकते हैं मतलब फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी

ए मोल अगर ए का रिएक्ट करता है तो बी मोल बी के कंज्यूम होते हैं तो अगर एन ए नोट इंटू एक्स ए मोल अगर ए का रिएक्ट करता है तो बी के कितने मोल रिएक्ट करेंगे बी बाई ए बी बाई एज मल्टीप्लाई बाई एन ए नोट इंटू एक्स क्लियर है तो ये यह यहां पे हम लोग सपरेट कर देंगे देखिए एनबी नोट माइनस ऑफ सिमिलरली आप सी के लिए लिख सकते हो डी के लिए लिख सकते हो लेकिन वहां पर साइन आ जाएगा बिकॉज वहां पर लाइक मैं सी के लिए लिख रहा हूँ कि फाइनल कितने होंगे रियक्शन में तो इनशियल्स के लाइक हमको गिवेन है एनसी नोट अब उसमें से सब्टेक्ट नहीं होगा उसमें एड होंगे मतलब वो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा तो एक मोल ए जब रेड कर रहा है तो सी मोल स्मोल है सी के फॉर्म हो रहे हैं तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब एन ए नोट इंटू एक्स मोल्स ये रिएक्ट करता है तो कितने मोल से के प्रोड्यूस होंगे? C by A, C by A into N A note into X से क्लियर रहेगी सिमिलरी आप D के लिए लिख सकते हो N D, N D is equal to N not, D note plus of N D note plus of small d upon of small a into N A note into X से इस तरीके से हम लिख सकते हैं फाइनल कितने मोल रिएक्शन में प्रेजेंट है? ओके गाइस सिंपल है सो so, ये बेसिकली क्या दे रहा है कि अमाउंट ऑफ बी कितना रिएक्ट हुआ ये दे रहा है अमाउंट ऑफ सी कितना प्रोड्यूस हुआ ये दे रहा है अमाउंट ऑफ डी कितना प्रोड्यूस हुआ नाउ नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम और वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की है ना सीवीआरएस एंड वीवीआरएस तो सीवीआरएस किसको डिनोट कर रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम एंड यहां पर हम लिख रहे हैं वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम ऑस्मोसिस ओके ये यहां पर सूरज लिख है मास ट्रांसफर का ऑस्मोसिस रिवीजन था सर थैंक्स अवैसे लिख रहे हैं क्या पता नहीं ओके वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम ओके तो अब यहां पर हम सीवीआरएस और वीवीआरएस की बात कर रहे हैं देखिए तो सीवीआरएस में सिंपली क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का जो रहेगा वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल रहेगा इनिशियल वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है और v, जो है वो फाइनल वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है ओके okay? लेकिन यहां पर v -VRS में क्या होता है जो है जो वॉल्यूम बेसिकली वो किसका फंक्शन रहता है वो टाइम का और कन्वर्जन का बेसिकली फंक्शन रहता है मतलब टाइम के साथ आप देखोगे कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है वो डिपेंड कन्वर्जन पे भी करेगा और टाइम पे भी करेगा ओके okay? तो सिंपल अगर मैं लिखूं एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर केस में एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशन के लिए अगर हम लिखे फाइनल वॉल्यूम तो फाइनल वॉल्यूम क्या होता

चेंज फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज ओके तो सिंपल देखिए यहां पर हम सीवीआस uh, की अगर हम बात करें तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जो इनिशियल वॉल्यूम रहता है वही आपका मतलब किसी भी पॉइंट पर आपके पूरे सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम ऑलवेज इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल होगा और जो वॉल्यूम है ना तो वो फंक्शन होगा टाइम का और ना ही वो फंक्शन होगा कन्वर्जन का है ना कितना भी कन्वर्जन हो रहा है कितना भी किसी भी टाइम पर आप इंस्टेंट पर देख रहे हो तो आपको फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल मिलेगा ओके okay? बट यहां पर जो टाइम मतलब टाइम के साथ में अगर टाइम जब इंक्रीज करेंगे मतलब टाइम के साथ हम देखेंगे कि, कि कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है बट कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज होगा तो अब अगर सीबीआरएस का हम एग्जांपल देखें तो सीबीआरएस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जितने भी लिक्विड फेस रिएक्शन है ओल द लिक्विड फेस ओल द लिक्विड फेस ओल द लिक्विड फेस एंड एक्वस फेस रिएक्शन एक्वे रिएक्शन आर एज सिस्टम अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसमें अगर लिक्विड फेस रिएक्शन है तो आपको कंसिडर नहीं करना है कि वॉल्यूम चेंज होगा वहां पर लिक्विड जैसे ही गिवन है क्वेश्चन में कि आपका जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है ना तो लिक्विड फेस या फिर एक्वस्ट फेस अगर गिवन है सिस्टम में तो वो एग्जाम्पल होगा सीवीआरएस सिस्टम का सीवीआर सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा क्लियर है और इसके अलावा देखिए अगर तो अगर रिमेनिंग लाइकियस सिस्टम आपको दे दिया तो आपको VVRS के लिए जाना है वहां पर चेक करना पड़ेगा आपको ओके okay, हो रहा रहा है वहाँ पर कितना ये सब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर वीवीआरएस सिस्टम अब देखिए अगर आपके पास कोई गैसियस सिस्टम है क्या वो भी सीवरएस का एग्जाम्पल हो सकता है तो हम देखते हैं यहां पर सीवीआरएस एंड वीवीआरएस हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे देखिए सीवीआरएस जो है इसमें रिएक्शन गेस रिएक्शन इन गैस पेस रिएक्शन अगर स्टेच्यूमेट्रिक कॉफिशन का जो सम है लाइक मैं यहां पर रिएक्शन लिख देता हूं ए प्लस बी से सी प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है

अगर जीरो मिल रहा है है ना वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर तो उस केस में अल्टीमेटली वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा तो आपका सिस्टम क्या होगा सीवीआरएस होगा ना हम वापस बात करते हैं यहां पर वीवीआरएस सिस्टम की तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन आपको बताया कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए फाइनल वॉल्यूम जो है वो होता है वी नॉट इंटू वन प्लस एफसाइल ए इंटू एक्स ए अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है है ना अगर वेरी कर रहा है देन उस केस में ये हमने लिखा कंडीशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशन अगर टेंपरेचर एंड प्रेशर वेरी कर रहा है है ना इफ टेंपरेचर एंड प्रेशर आर चेंजिंग देन उस केस में हमारा जो फाइनल वॉल्यूम का इक्वेश वो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस एफसाइल ए इंटू एक्स ए इज मल्टीप्लाई बाय t फाइनल टेंपरेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेंपरेचर इंटू फाइनल प्रेशर अपॉन ओके इंटू इनिशियल प्रेशर अपॉन ऑफ फाइनल प्रेशर तो ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है सिंपली ना ये कहाँ से लिखा हमने हमें पता देखिए आइडियल गैस लो अगर हम लोग अप्लाई करें आइडियल गैस लो आइडियल गैस लो अगर हम अप्लाई करें तो पी इक्वल टू आर होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं देखिए कि जो वॉल्यूम है बेसिकली वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पी वन वी वन अपा ऑफ टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन ऑफ टी टू तो वही मैंने देखिए यहां पर वॉल्यूम वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है टेम्परेचर को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है प्रेशर को तो इस तरीके से मतलब आप याद रख सकते हो ओके कि ये फाइनल वॉल्यूम वाला कंडीशन जो है मैंने कहां से लिखा है

वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर एप्साइल ए या फिर एप्साइल बी जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं फॉर हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन फॉर हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं ओके विच ट्रिक कौन सी ट्रिक के लिए बोल रहा है ये रघु रघु कौन सी ट्रिक आपको अभी पता चली फाइनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम आई थिंक फाइनल वॉल्यूम के लिए तुम बोल रहे हो ठीक है नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर और वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर की हम बात कर रहे थे कि हम 100 परसेंट कन्वर्जन पे कैलकुलेट करते हैं मैटर आपको रिएक्शन में कितना कन्वर्जन गिवन है doesn't matter आपको में कन्वर्जन है ना मैटर कि फिफ्टी परसेंट ए का कन्वर्जन हो रहा है बट आपको जो एप्साइल ए और एप्साइल बी है वो हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन पे कैलकुलेट करना है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल कन्वर्जन गिवन इन द रिएक्शन नाउ अब वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर टी एंड प्रेशर वाली बात यहां पर रघु बोल रहे थे कि कहां से हमको मिलती है सिंपल है आइडियल गैस लो से ही हमको मिलता है पीवी इक्वल टू आरटी वहां पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो गाइस यही बेनिफिट होता है यहां पर रिवीजन क्लास का जिससे मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप साल भर पढ़ते हो बट स्टिल आप कुछ और एज्यूम करके चलते हो ना उसको मगअप करने का याद करने का ट्राई करते हो लेकिन इतना मतलब याद करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है सिंपल सा है अगर आप भूल भी जाते हो एग्जाम में कभी तो सिंपल लिख लीजिए ओके वॉल्यूम okay, मेरा टेम्परेचर के परपोर्शनल और प्रेशर के है तो इजिली लिख सकते हो ये इक्वेशन आप है ना तो इस तरीके से ऑलवेज ट्रिक के टाइम में अगर याद रखोगे तो कभी भी चीजें आप मिस नहीं करोगे मतलब कि फॉर्मूला जो आप गलत नहीं लिखोगे एग्जाम में ओके गाइस तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर की तो वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे एप्साइल ए इज इक्वल टू डेल ए इन टू वाई ए नोट है ना मैं यहां पर जस्ट ए के लिए आ, मतलब कि ए के लिए लिख रहा हूं एप्साइल ए एप्साइल मैंने इस तरीके से लिखा कि डेल ए इंटू वाई ए नोट तो देखिए ये दोनों केसेस के लिए वैलिड है चाहे आप सी, मतलब कि जब CVRS में तो एप्साइल आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा और वीवीआर वी वी आर एस का केस होगा तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो मैं सेम रिएक्शन लिख रहा हूं देखिए ए प्लस बी सी प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है सी प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर देखिए डेल ए कैसे लिखेंगे डेल A, डेल A जो हम हम डेल डेल जो लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा देखिए जो मतलब है प्रोडक्ट के लिए डी प्लस सी और जो है रिएक्टेंट के लिए वो सपरेट कर देंगे माइनस ए माइनस बी मैं सारे स्मॉल लेटर लिख रहा हूं यहां पर डेल ए में है ना इस डिवाइडेड बाय ए मतलब जिस कंपोनेंट जिसके लिए आप लिख रहे हो डेल ए लिख रहे हो तो यहां पर डिनोमेटर में ए आ गया डेल बी लिखोगे तो डिनोमेटर में बी आ जाएगा क्लियर गाइस और इसके अलावा ये यह वाईए नोट किया यहां पर ये नोट हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ इनिशियल हो गया जो एन ए नोट है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहां पे मैं लिख भी देता हूं ठीक है एन इज द इनिशियल 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 मोल ऑफ ए इनिशियल मोल ऑफ ए एंड एंटी क्या हो जाएगा एंटीनोट टोटल टोटल मोल्स परजेंट टोटल मोल्स परजेंट एट इनिशियल कंडीशन ओके तो ये हो गया सीवीआर वीवीआर सिस्टम कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए सीबीआई सीवीआर वीवीआर सिस्टम में तो में के केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो यहां पर जो एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर है वही है अगर वो कैलकुलेट आप इजीली कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे ओके okay गाइस अब नेक्स्ट हैं हम लोग देख रहे हैं पर डिपेंडेंसी जो रेट कांस्टेंट है है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता रेट रेट कांस्टेंट मतलब जो हम लोग रेट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं वो रेट फंक्शन होता है बेसिकली टेंपरेचर टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन का है ना रेट जो है हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं वो फंक्शन होता है टेंपरेचर का एंड

एल्फा so, और एल्फा प्लस अगर बीटा कर दो तो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा अगर हम एल्फा प्लस बीटा कर देते हैं एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नाउ गाइस अब हम यहां पर बात करते हैं यूनिट ऑफ के, जो रेट कॉन्स्टेंट हम लिख रहे हैं इसकी यूनिट क्या रहेगी यूनिट ऑफ के अगर आपको यूनिट पता है देन, आप वहां से बता सकते हो कि आपके रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर rate constant की unit आपको है, तो आप रिएक्शन का बता सकते सकते हो। comment कर सकते हो कर ना। ये यूनिट है रेट कॉन्स्टेंट की अब यहां पर एन की वैल्यू आप पुट करोगे तो वहां से आपको ऑर्डर पता लग जाएगा देखिए और उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू आपको के की जो यूनिट है वो मिल जाएगी एन किसको डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ

अगर रिएक्शन गिवन आपको तो वहाँ पर के की जो देखिए की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे एन की जगह में टू तो माइनस वन मतलब कि कर सकते रिएक्शन so, जो डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएटा ऑरऑल ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है

स्टेचुमेट्रिकिशन uh, की हम बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑफ रिएक्टेंट तो लाइक हमारा जो रिएक्शन था लाइक इस मतलब ए प्लस बी जो है वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है है ना मैंने प्रोडक्ट को पी लिख दिया और हमें गिवन है कि ये जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है इफ दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन देन रेट लो आप इसके लिए लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू सी ए पावर एल्फा इंटू सी बी पावर बीटा तो यहां पर देखिए अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है उस केस में हम लिखेंगे कि एल्फा जो है वो ए के इक्वल होगा बीटा जो है बी के इक्वल होगा और ओवरऑल ऑर्डर जो है रिएक्शन का एल्फा प्लस बीटा मीनस की ए प्लस यहां पर हो जाएगा तो ये कब हम कर हैं डायरेक्टली मतलब जो आ, एल्फा और बीटा जो कॉफिशन ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर तभी होता है जब हमको एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है क्लियर गाइस उसके बाद हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी देखिए मोलिकुलरिटी क्या होता है पहली चीज तो मोलिकुलरिटी हम डिफाइन करते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन है ना ओनली फॉर ओनली फोर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं मोलिकुलरिटी फॉर फोर ओनली फोर एलिमेंट्री रिएक्शन अब देखिए लाइक मोलिकुलरिटी किसी रिएक्शन का वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है ना इस तरीके से आपका एक लाइक पॉजिटिव वैल्यू है सो so, अब ये जो मोलिकुलेटी हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली ये हम, हम ये जो मोलिकुलरिटी डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली क्या होगा फोर एलिमेंट्री रिएक्शन ये ऑर्डर मतलब जो आपका रिएक्शन रिएक्शन का ऑर्डर होगा बेसिकली वही किसके कुल होगा उसकी मोलिकुलरिटी के इक्वल होगा सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द मोलिकुलरिटी ओके तो यहां पर देखिए मैंने वन टू थ्री लिखा है बिकॉज अभी तक आ, मतलब जो हम मोलिकुलरिटी डिस्कस करते हैं वो मतलब थर्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक मतलब हम लोग मोलिकुलरिटी की बात करते हैं मतलब कोई रिएक्शन जिसका ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है वो आपका एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है उससे अगर हायर ऑर्डर की रिएक्शन रहती है देन वो मतलब उसका uh, जो रेट ऑफ काइनेटिक्स होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो वहाँ पर रिएक्शन आपका एलिमेंट्री नहीं रहता है ना सो इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंड मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट है ना उस केस में आपका जो मोलिकुलरिटी होता है वो ये डिनोट करता है कि आपके रिएक्शन का ऑर्डर क्या है लाइक मैंने यहाँ पर एग्जाम के लिए वन टू थ्री लिख दिया अब जो मोलिकुलरिटी है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है नेगेटिव नहीं हो सकती है ना नेगेटिव नहीं हो सकती

वो इंक्रीज होगा और ए की जो कंसेंट्रेशन है ए की जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी बिकॉज ए आपका रिएक्टेंट है तो जैसे जैसे कन्वर्जन ए का इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो है ए का वो डिक्रीज होगा देन सिमिलरली जब कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज होगा फॉर ए पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन तो यहां पर जो रेट हम लिख रहे हैं वो रेट भी बेसिकली क्या होगी डिक्रीज होगी और अगर आप यहां पर वन अपॉन माइनस आर ए लिखो तो वन अपॉन माइनेस आर क्या होगा इंक्रीज होगा ये जस्ट मतलब ऐसे एनालाइज करना आपको आना चाहिए ओके okay? सिमिलरली अगर हम लोग लिखे फॉर फॉर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो निगेटिव देखिए सिंपलशनल टू कंसनट्रेशन पावर माइनस मतलब कंसन की पावर कुछ भी माइनस में रहेगी नेगेटिव ऑर्डर है तो यहां पर जस्ट रिवर्स होगा देखिए मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कन्वर्जन जो है वो तो इंक्रीज होगा कन्वर्जन जो है वो तो इंक्रीज होगा बट ओके okay, कन्वर्जन इंक्रीज होगा और जो कंपोनेंट मतलब कि जो आ, एक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपका रिएक्टेंट है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है फाइनल कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होगी बट जो माइनस आर ए है वो देखिए क्या होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसकी पावर नेगेटिव है तो यहाँ पर ये यह जो रेट माइनस आर ए बेसिकली इंक्रीज हो रहा है जस्ट यहाँ पर ये यह रिवर्स हो गया इसका सिमिलरली ये वन अपॉन माइनस आर ए जो है ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो तो यहाँ पर ये यह डिक्रीज हो जाएगा और इसके अलावा देखिए रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेट रेट लो जो हम लिखते हैं बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होता है टाइप ऑफ रिएक्टर से ये नोट आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रेट रेट लो जो हम लिखते हैं रेट लो वो इंडिपेंडेंट होता है रेट लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्टर टाइप ऑफ रिएक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि, कि किस टाइप का रिएक्टर आप यूज कर रहे हो रेट लो टाइप ऑफ रिएक्टर पर डिपेंड नहीं करता है अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं बेसिक डिस्कशन हमारा हो गया ना रेट इक्वेशन की हम बात करते हैं ना काइनेटिक इक्वेशन और रेट इक्वेशन की बात करेंगे रेट इक्वेशन इक्वेशन एंड काइनेटिक अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीवीआरएस सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हो या फिर वीवीआरएस सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हो है ना तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि अगर ओनली फॉर सीवीआरएस की मैं बात करूं ओनली फॉर सीवीआरएस देखिए हम लिखेंगे माइनस आर ए माइनस आर एज इक्वल टू माइनस डी सी एप ऑफ डी टी अगर यहां पर हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कॉम्पोनेट ए के लिए तो वो क्या हो जाएगा माइनस डी सी अपन डीटी ना सीवीआरएस सिस्टम है तो हम लोग देखिए कंसंट्रेशन लिख सकते हैं फाइनलेशन इज इक्वल टू इनिशियल इज मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एक्स ये किस केस के लिए हम लिख सकते हैं ओनली फॉर सीवीआरएस देन यहां से हम लोग देखिए कन्वर्जन लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन ऑफ सी ए नोट ये हम लिख सकते हैं देन इसके अलावा यहां से अगर हम लोग इस इक्वे

टू वन माइनस एक्समिलरली एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एन ए अपन देखिए वॉल्यूम चेंज के टाइम में लिख सकते हैं और जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो फाइनली ये इक्वेशन है सेम मिल जाती है आपको ना तो ये इसलिए मैं बोला है कि सीवीआरस और वीवीआर ए दोनों के लिए वैलिड है ना अब नेक्स्ट देखिए डी एन ए डीएनए मतलब इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डी एन ए अपोन ऑफ डी हमको क्या मिल जाता है माइनस ऑफ ऑफ अपॉन यहां तक क्लियर है अब मैं वन बाय वन ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहां पर uh, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको uh, क्या इक्वेशन मिलती है वो हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बात कर रहा हूं देखिए हमको गिवन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन लाइक हमको गिवन है और मैं यहां पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूं सीवीआर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं तो so लाइक like, मुझे गिवन है एक मतलब कि रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर रेट कांस्टेंट के गिवन है और जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो जीरो गिवन है तो यहां पर ये यह सबको पता होगा जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम डेफिनेटली जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या रिएक्शन होती है ना वो सब आपको पता होगी एक बार बार हम यहां पर रिवीजन कर रहे हैं हो सकता है कोई ऐसी टाइम जो आपने गलत याद कर रखी हो वो आपकी अभी करेक्ट हो जाए तो सिंपल देखिए

पावर जीरो तो सी ए पावर जीरो तो वन हो जाएगा तो यहां पर माइनस आर इक्वल टू क्या मिल गया हमको के मिल गया डायरेक्टली माइनस आर इक्वल टू के तो यहां से यहां से सिंपली हम हम जो इक्वेशन डिराइव करते हैं वो हमें मिलती है देखिए सी ए नॉट माइनस ऑफ सी ए इज इक्वल टू के इन टी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी जो आपको याद रखनी होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगर आप रिएक्शन हो सकता है एग्जाम में कभी आप प्रेशर में एग्जाम के प्रेशर में आप ये चीज भूल जाओ तो सिंपल यहां से आप ये लिखो इजिली आप ये रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो ना सो सी ए नोट माइनस ऑफ सी एज इक्वल टू के टी और अगर आप इसको कन्वर्जन की टर्म में लिखो तो कन्वर्जन के टर्म में यह क्या हो जाएगा सी ए नोट इंटू एक्स ए इज इक्वल टू के इन टी ये लिख सकते हो तो अब डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कन्वर्जन है या फिर कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन यूज करनी है और जो भी अननोन वैल्यू वो आप कैलकुलेट कर सकते हो तो यहां से हमको ये मिलता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो कन्वर्जन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो कन्वर्जन होगा वो किसके पर किसके इनिवर्सिटी पर इनिशियल कंसंट्रेशन के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो कन्वर्जन होता है कन्वर्जन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के ओके okay, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हाई है तो आपका जो कन्वर्जन है वो कम हो रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए का लो है तो वहां पर जो कन्वर्जन ऑफ ए है वो हाई रहेगा सिंपल चीज यही है तो आप यहां पर ग्राफ की टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपली देखिए अगर हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेज कंसंट्रेशन वर्सेज अगर टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है यहां पर सिंपल इस फॉर्म इस इसको लिख सकते यह हो KT, KT, uh, KT, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा सी एज इक्वल टू के टी सी एज इक्वल टू के टी माइनस ऑफ के टी सी एज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ सी ए नोट जस्ट यहां पर इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो देखिए यहां पर Y इक्वल टू एम एस प्लस सी लीनियर इक्वेशन हमको मिल रहा है जिसका स्लोप है माइनस के और उसके अलावा यहां पर इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा ये इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नोट तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन जब होता है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं रहती है लाइक like आपको कोई कव दे दिया है ना ग्राफ आपको दे दिया वहां से आप कैलकुलेट करो तो वहां से आप लाइक सी एन इस तरीके से इंटरसेप्ट जो है इंटरसेप्ट वहां पर जो होगा वो आपका क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा सिमिलरली देखिए आप कन्वर्जन के इस वाली इक्वेशन से लिख सकते हो कि कन्वर्जन वर्सेज कन्वर्जन वर्सेस टाइम में ग्राफ क्या होगा एक्स ए वर्सेस टाइम में हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली देखिए हमको मिल रहा है सी ए इज इक्वल टू सी मतलब सी एज इक्वल टू के अपॉन सी ए नोट इंटू टी हो जाएगा तो यहां पर हमको एक लीनियर uh, इक्वेशन मिल रही है और उसकी स्लो पॉजिटिव स्लोपे के अपॉन ऑफ सी ए नोट ये क्लियर है तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन है उसको मतलब ग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हो यहां पर देखिए माइनेस आर एक्वल टू के है तो डायरेक्टली अगर आपको लिखना है मतलब रेट को अगर आपको कन, मतलब कि किसके साथ को रिलेट करना है कंसंट्रेशन के साथ में तो रेट जो है वो चेंज नहीं होती है देखिए रेट जो है यहां पर कांस्टेंट रहती है रेट जो है और कांस्टेंट है और यहां पर ये यह जो है के के इक्वल है कांस्टेंट जो है है ना तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आपकी जो कोई भी रिएक्शन है उसको या ग्राफ की फॉर्म में अब उसके बाद देखिए एक बार फिर से हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं सी ए नॉट माइनस ऑफ सी ए इज इक्वल टू के टी एंड सी ए नॉट इंटू एक्स ए इज इक्वल टू टी ये दो इक्वेशन ये दो इक्वेशन है जो आपको जीरो ऑर्डर के लिए याद रखनी है एन इक्वल टू जीरो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और ये कौन सा सिस्टम के लिए हम लिख रहे हैं फॉर सी वी आर एस सिस्टम ओके गाइस अब अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है आपको कैलकुलेट करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा तो आपको एक फाइनाइट टाइम की वैल्यू यहां पर मिलेगी है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है और वो फाइनाइट टाइम कितना होगा देखिए

रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? अपॉन ऑफ़ और ये एक आपको फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। नेक्स्ट okay, हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन अगेन फॉर सीवीआरएस की मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां पर मैं लिख रहा हूं सीवीआरएस सिस्टम देखिए रिएक्शन हमने लिख दिया कोई ए रिएक्टेंट ए से पी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर रेट कांस्टेंट के है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वन हमको गिवन है तो सिंपल हम लिखेंगे माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू सी ए नॉट इन टू

ए इज इक्वल टू सी ए नोट इंटू पावर माइनस के टी और अगर कन्वर्जन की टाइम में लिखनी है तो देखिए कन्वर्जन की टाइम में हमको इक्वेशन मिल जाएगा माइनस ऑफ एल एन इंटू वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टी ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है तो मैं आपको जो भी जो भी ऑर्डर के लिए इक्वेशन आपको लिखाने वाला हूं वो ऑलवेज आपको पहले कंसेंट्रेशन की टाइम में लिखाऊंगा फॉर सी सिस्टम और उसके बाद में आपको कन्वर्जन की टाइम में लिखाऊंगा सेम यहां से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो देखिए

यहाँ पर कन्वर्जन वर्सेज टाइम कन्वर्जन वर्सेस अगर टाइम आप ड्रो करोगे तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना आपको टी इक्वल टू इनिशियली जीरो पुट करके देख लो जब टी इनिशियली जीरो पुट करोगे तो यहां पर देखिए ये पावर माइनस वन बेसिक ई पावर जीरो बेसिकली आपको वन मिल जाएगा तो वन माइनस वन जीरो मतलब इनिशियली कन्वर्जन आपको जीरो मिलने वाला है देन फाइनली जब ई e पावर इसमें इफिनिटी पुट करोगे तो वो जीरो हो जाएगा तो फाइनल आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी ओके एक्सपॉन्शिय वो है इस तरीके से exponential इसको एक्सपॉन्शियल लीनियर नहीं होगा एक्सपॉन्शियल होगा ये और फाइनल मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी मिल रही है आपको वन मिल रही है जब आपका ये एट टी इक्वल टू इंफिनिटी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहां पर आपको एक्स से इक्वल टू कन्वर्जन जो है मैक्सिमम कितना मिल गया वन मिल गया तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन अगर मतलब ग्राफ की फॉर्म में आपको गिवन है तो वहां से इजीली आपको वैल्यू पिक करना आना चाहिए है ना रिएक्शन किस तरीके से मतलब वो ग्राफ बेसिकली किस रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है वो आपको पता चलना चाहिए तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखना है अगर आपको कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो तो पहली पहली क्वेशन हमने ये लिखी एंड इसके अलावा हमने एक लिखी थी कंसंट्रेशन की टाइम है सी इक्वल टू सी ए नॉट ई पावर माइनस के टी यहां से देखिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है माइनस ऑफ एल एन वन माइनस एक्स ए अपॉन ऑफ के कंप्लीट होने के लिए अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो वहां पर आपको कन्वर्जन कितना पुट करना पड़ेगा वन पुट करना पड़ेगा तो यहां पर तो ये माइनस ऑफ एलन जीरो अपॉन ऑफ के तो ये तो बेसिकली इनफाइनाइट मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लग रहा है मतलब कि फाइनाइट टाइम में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को गिवन है तो वो फाइनाइट टाइम में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन के लिए ओके गाइस ना अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तो हमने पहले जीरो देखा उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर देखा ना अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सारी जो रिएक्शन है, तो है, है रिएक्टेंट ए से और रेट कांस्टेंट के गिवन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो टू गिवन है यूनिमोलिकुलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यूनिमोलिकुलर सिस्टम तो सिंपल यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमको रिएक्शन मिलेगा स्टार्ट ऑलवेज आपको यहाँ से करना देखिए माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए अपोन ऑफ डी टी इज इक्वल टू सी ए नॉट इन टू डी एक्स ए अपॉन ऑफ डी इक्वल टू के इन टू सी एक्टर ये मैं से करता अगर आप रिएक्शन बाई चांस भूल जाते हो तो इंटीग्रेट कर कर करके अगर ये वाला पार्ट आप लोगोंट्रेशन तो वाली मिल जाएगी अगर ये दोनों पार्ट आप लेते हो तो आपको कन्वर्जन वाली इक्वेशन मिल जाएगी तो यहां पर देखिए आपको इक्वेशन मिलती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन के टाइम में वन अपॉन सी ए माइनस ऑफ वन अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के टी ये पहली इक्वेशन होगी कंसंट्रेशन की टाइम में फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम एंड अगर कन्वर्जन की टाइम में हम लिखे तो एक्स ए अपॉन ऑफ वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के इंटू सी नोट इंटू टी ये इक्वेशन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं सीआरई में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सीवियर सिस्टम के लिए बिकॉज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहां से एक्स ए अपॉन ऑफ वन माइनस एक्स ए इक्वल टू के क्लियर है अगेन देखिए अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना हो यहां पर अगेन आपको अगर टाइम कैलकुलेट करना हो फॉर हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन तो सेम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो भी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी फाइनाइट टाइम में सेम यहां पर देख लीजिए ना आप कन्वर्जन इक्वल टू वन पुट करके देख लीजिए अगेन इन्फिनिटी आपको टी इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा यहां पर टी इक्वल टू इनफिनिटी मिलेगा फॉर कन्वर्जन हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन एक्से इक्वल टू वन है ना ये चीज क्लियर है अब हम बात करते हैं कॉमन अभी हमने लाइक जीरो ऑर्डर के लिए देखा फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा सेकंड ऑर्डर के लिए देखा अब मैं पर कॉमन बात कर रहा कि ऑर्डर रिएक्शन अगर गिवन आपको आपको सीवीआरएस सिस्टम के लिए तो रिएक्शन आपको क्या मिलेगी फॉर एन एथ ऑर्डर रिएक्शन फॉर एन एथ ऑर्डर रिएक्शन और सिस्टम आपको गिवन है सीवीआरएस ओके okay, इंदरजीत ने अभी ज्वाइन किया लगता है हाय हाय इंदरजीत ठीक है सो so, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एन एथ ऑर्डर रिएक्शन जिसमें सी वी आर एस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो फाइनल हमको जो इक्वेशन मिलती है वो मैं लिख रहा हूं देखिए सी ए पावर वन माइनस एन माइनस ऑफ सी ए नॉट पावर वन माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू के टी अब ये जो रिएक्शन है ये देखिए एन इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है ना दिस, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर एन इक्वल टू वन इक्वेशन एन इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है बाकी सब सिस्टम के लिए यह वैलिड रहेगी क्लियर है।, है तो लाइक आपको देखिए फ्रैक्शनल कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ ऑफ गिवन गिवन है, है, है अगर अगर फ्रैक्शनल तो वहां से आप लिख सकते हो फ्रेक्शनल कि कितना लेफ्ट रहेगाक्वल टू वन माइनस एक्स ए जितना जितना कन्वर, जितना कन्वर्ट होगा तो वन में से अगर माइनस कर देंगे तो उतना फ्रैक्शन आपका परजेंट रहेगा तो सिमिलरली यहां ये हम लिख सकते हैं देखिए कि, कि कन्वर्जन जो क्या हो जाएगा वन माइनस एन ए अपन एन ए नॉट सो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि परसेंटेज ऑफ ए कितना रिमेनिंग रहेगा परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फाइनल रिमेनिंग रहा है और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो आपको गिवन था उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना लाइक परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग कैलकुलेट करो ये हमने कॉमन लिखा लेकिन सीवीआरएस सिस्टम में आप डायरेक्ट कर सकते हो कंसेंट्रेशन से सीवीआरएस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा डायरेक्टली सी ए अपॉन ऑफ सी ए नॉट इन टू हंड्रेड ये आपका कौन से सिस्टम के लिए हो गया सिस्टम के लिए जैसे परसेंटेज रिमेनिंग की मैंने जो बात की है परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अगर के कैलकुलेट करना है अगर आपको सिस्टम नहीं पता है या सब तो आप लिख सकते एन एन ऑफ ए नॉट इंटू तो हंड्रेड और अगर डायरेक्टली आपको पता है कि सिस्टम की सिस्टम आपका है तो सी ए एपन ऑफ सी ए नॉट इंटू हंडेड करोगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग इसके अलावा एक और भी लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग जो हमने लिखा है देखिए परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग

काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर बायमोलिकुलर फॉर बायिकुलर सिस्टम और इसके अलावा अगेन अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं सीवीआर सिस्टम के लिएक्शन सिस्टम की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो बायमोलिकुलर एग्जाम्पल के लिए देखिए हमने रिएक्शन ले लिया प्लस बी यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट ए प्लस बी जो है कॉम्पोनेंट वो प्रोडक्ट कर रहा है मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट और यहां पर रेट रेड हो गया और जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो सेकंड ऑर्डर हमने लिया है और यहां पर हम कंसडर कर कि जो कॉफिशेंट है वो वन है और यहां पर भी कॉफिशियंट वन है मीन के एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा वन प्लस वन मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम गिवन है जहां पर अल्फा प्लस बीटा है वो ए प्लस बी डायरेक्टली हो जाएगा तो अगर इसके लिए हम लिखे माइनस आर ए माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी सी ए माइनस डी सी ए अपॉन ऑफ डी टी माइनस माइनस uh, e हो जाएगा और यहां पर हम लोग हम लो रेट लो लिख सकते हैं देखिए ना यहां पर एल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो टू गिवन है, uh, मतलब है, मतलब है, तो है, है और हम कंसीडर कर रहे हैं पर alpha, alpha यहां पर जो इक्वेशन आपको मिलने वाली है यहां पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम बाईम सिस्टम के लिए ऑफ मल्टीप्लाई बाई एम माइनस वन इंटू के इंटू सी ए नॉट इंटू टी सी ए नॉट इंटू टी अब यहां पर ये जो एम लिखा है हमने ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और हम सीवीआर सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए हम कंसंट्रेशन के नाम में लिख सकते हैं डायरेक्टली ओके तो यहां पर ये यह एम याद रखना और यह है और ये आपका फाइनल इक्वेशन है फॉर यूनिमोलिकुलर सिस्टम ओके okay, और ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं सेम जैसे हमने आ, अभी जस्ट जनरल इक्वेशन मैंने लिखी थी जो एन एथ ऑर्डर के लिए वहां पर मैंने लिखा कि ये N के लिए वैलिड नहीं है सिमिलरली ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये एम एम इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है तो यहां पर इस रिएक्शन में एम नॉट इक्वल मतलब एम जो है आप वन पुट नहीं कर सकते हो है ना एम इक्वल टू वन के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है अगर आपको एम इक्वल टू वन मिल रहा है जो कंसंट्रेशन है मतलब बेसिकली क्या है फाइनल मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर ये आपको वन मिल रहा है तो उसके लिए देखिए एम इक्वल टू वन के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन आपको मिल जाएगी फॉर सेकंड ऑर्डर फॉर सेकंड ऑर्डर बाई बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए आपको मिलेगा एक्स एक्स ए इज इक्वल ए अपॉन ऑफ वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के इन सी ए नॉट इन टी तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है अगर एम जो है अगर वो वन मिल जाता है तो ये सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी बन जाती है जो कि फॉर यूनिमोलिकुलर था देख सकते हो आप यहां पर के लिए आपको यही इक्वेशन मिल रही थी एक्स एपोनस एक्स इक्वल टू के इन टू सी ए नोट इंटू टी तो सेम जो आपको मतलब कि यूनिमोलिकुलर के लिए मिल रही थी वही वही इक्वेशन आपको मिल जाती है फोर बाईमोलिकुलर सिस्टम फॉर सेकंड ऑर्डर फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट कंडीशन क्या है कि एम इक्वल टू अगर वन होता है तो नाउ अब नेक्स्ट देखिए यहां पर हमने यूनिमोलिकुलर कंसिडर किया है ना उसके बाद लाइक जो वो हम कुछ डिफरेंट कंसिडर कर लेते हैं लाइक देखिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं पर कि ए प्लस बी मीस वन मोल ऑफ ए टू मोल ऑफ बी से रिएक्ट करके यहाँ पर कोई प्रोडक्ट पी बना रहा है और जो एन है ऑर्डर वो सेकंड ऑर्डर ही आपको गिवन है मतलब कि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन ये हो जाएगी और रेट कॉन्स्टेंट के गिवन है तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ देखिए माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए अपन ऑफ डी टी इज इक्वल टू सी ए नॉट इंटू डी एक्स ए अपी टी इज इक्वल टू के इंटू सी ए पावर वन इंटू सी सी बी पावर वन है ना यहां पर बिकॉज हम सेकेंड ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं तो अल्फा देखिए यहां पर एल्फा जो है वो ए के इक्वल नहीं होगा और जो बीटा है वो भी बी के इक्वल नहीं होगा स्टाच्यूमेटिक जो कॉफिशियंट है ना उसके इक्वल नहीं होगा बट ओवरऑल ऑर्डर जो है एल्फा प्लस बीटा वो यहां पर टू है इसलिए मैंने देखिए वन वन कंसिडर कर लिया यहां पर मीन्स वो हमारा जमशन है कि हमने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू वन कंसिडर कर लिया So, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इसके लिए रिएक्शन तो रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरा एल एन इज इक्वल टू एल एन इज इक्वल टू एम माइनस टू एक्स ए अपोन ऑफ एम इंटू वन माइनस एक्स ए इक्वल टू एम माइनस टू इंटू के इंटू सी ए नॉट इंटू टी तो ये रिएक्शन जो हमने लिखी है देखिए अब ये रिएक्शन किसके लिए वैलिड नहीं होगी जब एम इक्वल टू टू होगा मतलब एम इक्वल टू टू के लिए ये रिएक्शन वैलिड नहीं है और एम हमारा क्या यहां पर सी बी नॉट अपॉन ऑफ सी ए नॉट अगर एम इक्वल टू टू है तब आप डायरेक्टली क्या लिखोगे जो रिएक्शन हमने जस्ट यहां पर एम इक्वल टू वन के लिए लिखी थी यहां पर जस्ट टू एकफिशियन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर अगर ये एम इक्वल टू टू है सेकंड ऑर्डर बाई मोलिकुलर सिस्टम के लिए पर मोलिकूल बी से रिएक्ट मतलब कि टू मोलिक्यूल बी से रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर आपको रिएक्शन मिलेगी अपॉन ऑफ वन माइनस एक्से इक्वल टू टू इंटू के इंटू सी ए नॉट इंटू जस्ट ये मोलिकुलर 2 यहां पर आ गया है ना मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूं इसलिए

कॉन्स्टेंट प्रेशर आपको गिवन है कॉन्स्टेंट प्रेशर सो कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए लाइक आप कोई एक मतलब कि एक ए मतलब कि एक मोल ए है वो प्रोड्यूस कर रहा है पी मोल है ना प्रोडक्ट के पी मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लाइक कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में है गाइस okay, इसके साथ ही मैं आपको ये बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जो है केमकेट अकेडमी का उस पर आपको मतलब कोई भी डाउट अगर आपका है तो ईजिली आपको वहाँ पर उसका सोल्यूशन किसी ना किसी आपके ही फ्रेंड के द्वारा मिल जाता है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जो टेलीग्राम ग्रुप है केमकेट अकेडमी का वो ज्वाइन कर लीजिए उसमें ऑलरेडी अगर मैं बताऊं आपको तो 4200 थाउजेंड टू हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट ऑलरेडी उसमें है अभी तक ना तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे देखिए कांस्टेंट सिंपल में कंसेप्ट की बात कर रहा था कि अगर आपको लाइक like, सिस्टम में गिवन है कि कांस्टेंट प्रेशर है है ना कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम बात कर रहे थे तो देखिए कि अगर रिएक्टेंट ए है तो वन मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो थ्री मोल ऑफ रिएक्टेंट पी प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए इस ऐसी हम mm बात कर रहे हैं तो सिंपली वहां पर क्या हो रहा होगा बिकॉज प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो, है, तो हम बोलेंगे कि जब कन्वर्जन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जो वॉल्यूम है वो वहां पर इंक्रीज हो रहा होगा बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं वन मोल अगर थ्री मोल प्रोड्यूस कर रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो जो वॉल्यूम आपके सिस्टम का है वो इंक्रीज होगा लाइक मैंने क्या किया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो अगर वन मोल ऑफ ए अगर वन मोल ऑफ ए अगर थ्री मोल ऑफ पी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो जब कन्वर्जन ए का जब कन्वर्जन होगा एक जब A का जब का कन्वर्जन इंक्रीज होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर इंक्रीज होगा है हाँ ना बिकॉज आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया बट वहां पर मोल मोल ए ऑफ पी अगर प्रोड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा ओके okay? उसके बाद देखिए अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं और हम देखते हैं कि वन मोल अगर वन मोल ही प्रोड्यूस कर रहा है मोल मोल ऑफ ऑफ रिएक्टेंट अगर वन मोल ऑफ प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है देन उस केस में हम बोलेंगे कि कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में जो वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होगा अगर वन मोल ऑफ ए वन मोली पी प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पर जब कन्वर्जन इंक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा सिमिलरली आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में अगर अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं वन मोल्स है वन मॉल ही अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, है, प्रोड़। प्रोड़। रहा है तो वहां पर भी प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा प्रेशर भी है सेम रहेगा ये बेसिक चीज़ें ये आपको समझ में आनी चाहिए गाइस नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सी वी सिस्टम हम देख रहे थे सी सिस्टम में जस्ट एक कॉमन uh, कंसेप्ट की हम बात करते हैं सीवीआरएस सिस्टम सी सिस्टम लाइक आपको कोई रिएक्शन गिवन है ए प्लस बी सी प्लस डी प्रोड्यूस कर रहा है सी प्लस डी प्रोड्यूस कर रहा है तो सिंपली देखिए लाइक आपको प्रेशर के टाइम में लिखना है पर प्रेशर की टाइम में मतलब कि इंडिविजुअल प्रेशर की हम बात करके पार्सल प्रेशर ऑफ ए पार्सल प्रेशर ऑफ मतलब ए इनिशियल तो क्या लिख सकते हो कि ए का पार्शियल प्रेशर फॉर सी सिस्टम ए का फाइनल पार्शियल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनिशियल एन इनटू द टोटल प्रेशर पीटी माइनस ऑफ द टोटल इनिशियल प्रेशर इस तरीके से आप पार्शियल प्रेशर जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो लाइक अगर आपको लाइक प्रोडक्ट सी के लिए कैलकुलेट करना है ना आप यहाँ पर रिएक्टेंट ए के लिए बी के लिए प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी के लिए लिख सकते हो लेकिन प्रोडक्ट के टाइम में ये जो माइनस uh, वाली टाइम जो आएगी ये क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी देखिए यहां पर सिंपली अगर आपको फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे पी सी नॉट मतलब इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस ऑफ सी अपॉन ऑफ डेल्टा एन इन टू पी टी माइनस ऑफ पी टी नॉट यहां पर जो मैं डेल्टा एन लिख रहा हूँ देखिए डेल्टा एन अगर आप रिएक्टेंट ए के लिए लिख रहे हो डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करोगे डेल्टा एन बेसिकली क्या हो जाएगा फाइनल जो प्रोडक्ट के हैं सी प्लस डी उसमें से सेपरेट कर दोगे जो है फॉर रिएक्टेंट ए प्लस बी तो इस तरीके से आपको डेल्टा मिल जाता है इस केस में भी डेल्टा सेम ही होगा डेल्टा जो है सी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस बी इस तरीके से हम लोग यहां पर पार्शियल प्रेशर जो है कॉम्पोनेंट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं ओके सिंपल देखिए मतलब अगर यहां पर जो पीटी है बेसिकली वो क्या है टोटल टोटल प्रेशर एट एनी स्टैंड ये जो पीटी यहाँ प्रेशर पर्टिकुलरली टोटल प्रेशर हो गया और उसके अलावा यहाँ पर देखिए पी ए नोट जो है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए हो गया वो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जिस भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो ना या फिर आप उसको बोल सकते हो फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इतना मतलब यूज नहीं है इस कंसेप्ट का बट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है देन यहां से भी आप क्वेश्चन मतलब कि कर सकते हो ना इस पॉइंट से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाउ अब हम इंपॉर्टेंट पे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिए बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन है ना सी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जस्ट यहाँ पर कंसंट्रेशन की ओके okay, रघु बोल रहा है कि लास्ट वाले स्लाइड में यहाँ पर जो है हम लोग प्रेशर के टाइम में बात कर रहे हैं हो सकता है क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन गिवन नहीं है ठीक है अभी तक तो सारा डिस्कशन हमारा कंसंट्रेशन और कन्वर्जन पे था तो हम लोग यहाँ पर प्रेशर की टाइम में अगर आपको एक फाइनल मतलब प्रेशर पूछा है एक पार्शियल प्रेशर पूछा है और अगर आपको इनिशियल पार्शियल प्रेशर गिवन है टोटल पार्शियल प्रेशर सिस्टम के लिए गिवन है अना? और पर्टिकुलरली जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है फाइनल पार्शियल प्रेशर तो आप ये फॉर्मुला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल सीवीआर सिस्टम के लिए इतना ही है इसमें अब पी, मतलब कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ए कंपोनेंट ए के लिए भी लिख सकते हो कंपोनेंट बी के लिए भी लिख सकते हो लेकिन जब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट uh, के लिए लिखोगे तब यहां पर ये जो है माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा ना मतलब कि उसके इनिशियल पार्शियल प्रेशर में कुछ टाइम जो है वो एड होगा इससे लास्ट वाला कन्वर्जन ओके okay? इससे लास्ट वाले में तो कुछ भी नहीं है सिंपल देखिए मैंने ये बताया था कि एक एक सिस्टम है सिंपल मतलब हम कंसीडर कर रहे कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम हमने देखा तो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम में अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं एक

पी प्रोड्यूस हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन हमने रखा है तो वॉल्यूम भी वहां पर कांस्टेंट रहने वाला सेम रहेगा सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है एक नंबर ऑफ एक नंबर ऑफ मोल मतलब रिएक्टेंट रिएक्टेंट से अगर एक नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है देन उस केस में बोलेंगे कि प्रेशर भी सेम रहेगा सिंपल कंसेप्ट है कुछ भी नहीं है इसमें बट अगर इतना सिंपल मतलब आप सोच सकते हो तो आप इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में मतलब हो सकता है आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहां पर आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ये बेसिक ट्रिक मतलब अप्लाई करके

ए आर में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर रिवर्सिबल भी रिएक्शन होगा आपका वापस आर जो है वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन तो K1 जो है यहां पर देखिए इसका फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट होगा एंड के टू जो है वो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होगा ना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट केवन हो गया एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट जो है वो के टू हो गया तो यहां पर हम कंसिडर रहे कि वन मोल ऑफ ए से वन मोल ऑफ आर प्रोड्यूस हो रहा है क्लियर गाइस तो देखिए अब यहां पर अगर आपको रेट लो लिखना हो माइनस आर ए तो माइनस आर ए कैसे लिखेंगे हम

वन और K2 है अभी ये क्या इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए तो यहां पर हम लोग क्या कॉमन केसी अभी इंट्रोड्यूस करेंगे और वो कॉमन केसी बेसिकली क्या होगा K1 अपॉन ऑफ के टू ये सिंपल क्या हो जाएगा इस 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 रिएक्शन के लिए ये रेट कॉन्स्टेंट हो जाएगा कॉन्स्टेंट अब सिंपल देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर इक्विबिरियम की बात करें तो इक्विबेरियम पे जो नेट रेट होता है इक्विबीरियम पे अगर हम देखें तो नेट रेट जो होता है बेसिकली वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है इक्वीबीरियम पे तो नेट रेट इक्विबेरियम पे जीरो रहेगा और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की मतलब आर की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो जीरो है तो फाइनली यहां पर देखिए हमको मिलता है कैपिटल के सी के वन अपॉन के टू जो है वो हमको मिलता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक्स ए अपन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक्स ए न माइनस एक्स ए और इसके अलावा देखिए इक्विबिरियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा यहां पर केसी की टाइम में हम लिख सकते हैं इक्विबिरियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू केसी अपॉन ऑफ वन प्लस के सी ये दोनों टाइम आपको याद रखना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं फिर से एक बार लिख रहा हूँ के सी इज इक्वल टू एक्स ए अपोन ऑफ वन माइनस एक्स ए ये हमने लिख दिया और उसके अलावा इक्विबरियम कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं के सी अपॉन ऑफ वन प्लस के सी और के सी यहां पर है के वन अपॉन के टू तो यहां पर देखिए जो इक्विबीरियम कन्वर्जन है इक्विबीरियम कन्वर्जन जो है वो किसका फंक्शन है ओनली केसी का मतलब रेट कांस्टेंट का फंक्शन होता है आपका जो कन्वर्जन होता है वो ओनली किसका फंक्शन होता है केसी रेट कांस्टेंट का मींस अगर केसी इंक्रीज होता है अगर केसी इंक्रीज होता है तो यहां पर इक्लिबीरियम कन्वर्जन क्या होगा इंक्रीज होगा अगर केसी डिक्रीज होता है तो इक्विबीरियम कन्वर्जन क्या होगा डिक्रीज होगा ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अब फाइनल रिएक्शन में यहां पर लिख देता हूं देखिए फाइनल रिएक्शन जो आपको मिलेगी वो रहेगी फॉर रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यहां पर फाइनल रिएक्शन लिख रहे हैं माइनस ऑफ एल एन इंटू वन माइनस एक्स ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एक्स इज मल्टीप्लाई बाई टी ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और यहां पर एम सेम क्या होगा

फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इसको याद रखना इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाएगा नो अब नेक्स्ट देखिए लाइक आपको किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन पे कन्वर्जन की बात करनी है ना कन्वर्जन की तो देखिए फोर एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जहां पर आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है रिएक्शन के लिए ना हीट प्रोवाइड करना पड़ता है वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और जहां पर हीट जनरेट होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा इंक्रीज होगा बिकॉज रेट कॉन्स्टेंट जो है रेट कॉन्स्टेंट रिएक्शन के लिए वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो रेट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा और रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज करने पे इक्लिबीरियम कन्वर्जन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वो इंक्रीज होगा ना इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन

देखिए सिस्टम जहां पर आपका वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है कॉन्स्टेंट नहीं रहता है तो यहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में इक्वेशन लिखेंगे सो इनिशियल नंबर ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एक्स ओके गाइस अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन ले लेते हैं जहां पर फाइनल वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा वी नॉट इंटू वन प्लस एफ ए इंटू एक्स ए है ना अगर हम लोग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन लेते हैं तो वहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का टाइम नहीं आता है हमारे फाइनल वॉल्यूम के फॉर्मुले में तो सिंपल देखिए यहां से एन ए इक्वल टू एन ए नॉट इंटू वन माइनस एक्सए है यहां से हम लिख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके डी एन ए अपन ऑफ डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए नॉट इंटू डी एक्स ए अपोन ऑफ डी टी ये लिख सकते हैं हम उसके अलावा हम यहां पर लिख सकते हैं देखिए माइनस आर ए जनल इक्वेशन माइनस आर एज इक्वल टू वन अपॉन वी बट हम यहां पर रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं इसलिए माइनस का साइन आ गया सो माइनस वन बाई वी इंटू डी एन ए अपॉन ऑफ डी टी फाइनल देखिए ये जो इक्वेशन है माइनस आर एक्वल टू माइनस वन बाई वन बाई वी इन टू डी एन ए अपन ऑफ डी टी ये रिएक्शन ये, ये जो टाइम है बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा देखिए ये हमको मिल जाएगा यहां पर अगर मैं इसमें कन्वर्जन की टाइम लिख दूं तो ये हो जाएगा देखिए यहां पर माइनस आर इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट कर देंगे वी नोट इंटू वन प्लस एफसाइल ए इंटू एक्स ए तो यहां पर हम पुट कर देंगे वी नॉट इंटू वन प्लस एफसाइल ए इंटू एक्स ए और उसके अलावा यहां पर हम लिख रहे हैं देखिए डी एक्स ए अपोन ऑफ डी ओके यहां पर क्या है कि एन ए अपोन वी नोट जो है बेसिकली वो आपका कन्वर्जन होता एन ए अपोन ऑफ वी नॉट है ना उसको हम लोग जस्ट डी डी एन ए अपोन ऑफ डी टी को क्या लिख रहे हैं डी एन ए अपन ऑफ डी टी इज इक्वल टू माइनस एन ए नोट इन टू डी एक्स ए अपोन ऑफ डी टी तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहां पर डी एक्स ए अपोन ऑफ डी टी और यहां पर आ जाएगा एनए नोट नाउ और माइनस माइनस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा उसके बाद ये एन ए नॉट अपोन वी नोट है इसको हम क्या लिख सकते हैं कंसनट्रेशन लिख सकते हैं इनिशियल कंसनट्रेशन सी ए नोट इक्वल टू डी एक्स ए अपोन ऑफ डी टी और डिनोमिटर में क्या रहेगा वन प्लस एफ साइल ए इंटू एक्स ए ओके okay, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं माइनस आर एज इक्वल टू सी ए नॉट इन टी एक्स एपॉन ऑफ वन प्लस इंटू टी टी ये हो गया आपका माइनस मतलब रेट लो के लिए इक्वेशन फॉर वीवीआरएस सिस्टम इसको कंसंट्रेशन यहां से कंसंट्रेशन अगर हम लिखेंगे फॉर वीवीआरएस सिस्टम देखिए कंसंट्रेशन के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा सी एज इक्वल टू सी ए नोट इंटू वन माइनस एक्स ए इज डिड बाई वन प्लस एफ ए इंटू एक्स ए ये चीज क्लियर है अगर आपका यही सिस्टम अगर सीवीआरएस होता तो वहां पर तो डायरेक्टली हम लिखते थे सी ए इक्वल टू सी ए नॉट इंट वन माइनस एक्स ए है ना ये हम लिखते थे फॉर सी वी आर एस सिस्टम बट आपका यहां पर वी आर एस सिस्टम है इसलिए जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी सी ए वो किसके इक्वल हो जाएगी सी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए अपोन ऑफ वन प्लस एफसाइल ए इंटू एक्स ए क्लियर यहां तक Now, अब सिंपल हम फॉर वी सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं सिस्टम के लिए इक्वेशन देखिए कॉनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं और अगेन यूनिमोलिकुलर की पहले बात कर रहा हूं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो रिएक्शन सिंपल हमारे पास में एक रिएक्टेंट ए से पी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है रेट कांस्टेंट के है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वन है

ये जो काइनेटिक्स हम लिख रहे हैं द काइनेटिक्स ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम द काइनेटिक्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेम फॉर सी वी आर एस एंड वीवीआरएस वी वी आर एस और सीवीआरएस में हमको ये जो रिएक्शन है ये सेम मिलती है क्लियर गाइस यहां तक उसके अलावा देखिए यहां पर हम जो डिफाइन करते देखिए यहां पर हम डिफाइन करते हैं जो वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं हम 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 ए ए ए ए ए ए इक्वल टू क्या लिखते लिखते हैं हैं डेल 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 वाई वाई नॉट देन सिमिलरली एफ्साइल बी लिख सकते हैं एफ्साइल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल बी इंटू वाई बी ठीक है वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर में आपको मैंने आपको बताया था तो वहां से मैं लिख रहा हूं सिंपल ये अब लाइक आपको मोलर फ्लोरेट गिवन है ना तो मोलर फ्लोरेट की यूनिट देखिए क्या रहेगी मोलर फ्लोरेट फ्लोरेट को एफ एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट यहां पर इसकी हो जाएगी मोल पर सेकेंड और उसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट जो है उसको हम लिखते हैं न्यू नोट्स हैं तो न्यू नोट की जो यूनिट है या तो आपको देखिए मीटर क्यूब पर सेकंड में गिवन रहेगी या फिर आपको गिवन रहेगी लीटर पर सेकंड में ओके ये क्यों लिख रहा हूं देखिए बताता हूं तो अगर सीवीआरएस सिस्टम की हम बात करें फोर्थ सिस्टम जस्ट आप इसको को, कोरिलेट मत कीजिए से से लास्ट स्लाइड उसको हम कंटिन्यू करेंगे तो फोर्थ सी सिस्टम हम लिखते हैं देखिए सी ए नोट इक्वल टू पी ए नोट पी ए नोट बार अपॉन ऑफ आर टी ये हम लिख सकते हैं सी ए नोट इक्वल टू पी ए नोट अपॉन ऑफ आर टी यहां पर पी ए नोट क्या है पार्शियल प्रेशर इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है ओके और इसके अलावा देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं सी ए नॉट इक्वल टू क्वल टू वाई ए नॉट इज मल्टीप्लाई बाई पी सी ए नॉट इक्वल टू वाई ए नॉट अपन ऑफ पी अपन काफी बार क्वेश्चन में क्या होता है आपको कंसंट्रेशन गिवन नहीं रहती है इनिशियल कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहती है बट आपको वहां पर गिवन रहता है इनिशियल प्रेशर इनिशियल मोल फ्रैक्शन यहां पर यह y not क्या हो गया वाइनोट हो गया मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए

फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको इक्वेशन मिला काइनेटिक्स जो है वो मिला हमको फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम हमने देखा कि सेम सीवीआर में जो इक्वेशन मिल रही है वही हमको यहां पर मिल जा रही है एल एन ऑफ वन माइनस एक्स एन टू के टी ये हमको मिल गई नाउ अब हम बात कर रहे हैं देखिए फॉर जीरो ऑर्डर ऑर्डर जीरो हम देखिए रिएक्शन का हो जाएगी फॉर वीवीआरएस सिस्टम सिंपल माइनस आर ए इक्वल टू के इन टू सी ए नॉट इक्वल टू के तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए ln एन ऑफ एल एन ऑफ वन प्लस एप्साइल ए इंटू एक्स ए अपॉन ऑफ एप्साइल ए इंटू इक्वल टू के टी इंटू सी ये जीरो तो ऑर्डर के लिए अगर मैं सीवियर सिस्टम की बात करूँ सीवियर सिस्टम की तो सीवियर सिस्टम में यही इक्वेशन मेरे को मिली थी सी ए नॉट इंटू एक्स ए कन्वर्जन की टाइम में इक्वल टू के टी तो डिफरेंस है इक्वेशन

सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस्टम के लिए ना तो देखिए इक्वेशन मिलती है अपोन ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू ओके प्लस ऑफ एपसाइल ए इन ऑफ वन माइनस

सेम रहता है बेसिकली जो काइनेटिक्स होता है ओके okay गाइस तो गेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर सेकंड ऑर्डर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सीवीआर सिस्टम ही रहता है ना ये इक्वेशन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टिल डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है बट मैं बस जनरल बता रहा हूं आपको जितने क्वेश्चन मैंने सोल्व किया उस पर बेस्ट आपको मोस्टली सीवीआर सिस्टम गिवन रहता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए बट जीरो ऑर्डर और जो फर्स्ट ऑर्डर है वहां पर फर्स्ट ऑर्डर में तो कुछ भी दो ना सीवीआर सीवीआरसो रियक्ट रिएक्टर जो काइनेटिक्स रिएक्शन काइनेटिक्स जो हमको मिलता है वो सेम ही मिलता है

कन्वर्जन के लिए जो टाइम बेसिकली लग रहा है वो आपका होता है मतलब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट है ना सिंपली हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिफाइंड ऑफ क्लियर है तो हमने कंसिडर कर लिया कि इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है ए के लिए सी ए नोट देन इसके अलावा देखिए अब मैं हाफ लाइफ जो है उसको डिनोट कर रहा हूं टी मतलब जो टाइम है उसको मैंने टी हाफ से टी हाफ से हम इसको डिनोट कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम जो होगा तो जो टाइम मेरा है वो टी इक्वल टू तो टी हाफ हो गया उसको हम लोग टी फिफ्टी परसेंट भी लिख सकते हैं तो फाइनली जो मेरा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए है इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए सी ए नॉट है तो फाइनल कंसंट्रेशन जो मेरा है बेसिकली वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा

हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं सीवीआर सिस्टम देखिए तो सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी तो यहां से हमको देखिए सिंपल टी हाफ बेसिकली कहां से मिलेगा जो टी है उसको हम टी हाफ पुट कर सकते हैं और जो फाइनल कंसंट्रेशन सी है उसको हम पुट कर देंगे सी नॉट बाई टू तो सिंपली इस रिएक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको मिल जाएगा पर टी हाफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखिए सी ए नॉट अपॉन अपॉन टू तो सी ए नॉट सी ए नोट कैंसिल हो जाएगा और है यहाँ पर, और है पर इक्वल में ई पावर माइनस पावर के डी तो यहाँ पर जस्ट एक्सपोनेंशियल को रिमूव करके लोगे तो आपको मिल जाएगा एल एन ऑफ टू अपॉन ऑफ के ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ओके और इसको इक्वल टू एल एन टू की जगह वैल्यू आप लिख सकते हो पॉइंट नाइन थ्री अपन ऑफ के ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपको याद रखनी है सिंपल है जस्ट मैंने यहां से कैलकुलेट किया ये दोनों वैल्यू पुट करके इसमें

रिएक्शन हमारे पास होती है सी ए नॉट इंटू एक्स ए इक्वल टू के टी अगर आपको काइनेटिक्स पता है तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो है ना आपको चाहे हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए गिवन हो आप, आप पूछा गया हो चाहे आपको कन्वर्जन के लिए पूछा गया हो फाइनल कंसंट्रेशन पूछा गया हो कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसलिए काइनेटिक्स जो है वो आपको ऑलवेज याद रखनी है वो आपको नहीं भूलना है ना तो सिंपल देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है टी हाफ तो टी हाफ यहाँ से मिल जाएगा आपको सी ए नॉट अपॉन ऑफ टू के सिंपल कन्वर्जन को हमने फिफ्टी परसेंट पुट कर दिया मीन वन बाई टू

इज इनवर्सली परोर्शन ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही प्रिपेयर किए जाते हैं है ना ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन के सियाई uh, के अंदर अभी तो आपको और भी मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे बिकॉज एम एस भी इंट्रोड्यूस कर दिया इस बार है ना तो चीजें काफी कंसेप्चुअल हो जाएगी मतलब एम एस क्वेश्चन में और आपको ये भी नहीं पता है कि एमएस क्वेश्चन क्या सेपरेटली दिए जाएंगे गेट एग्जाम में या फिर लाइक वन मार्क्स क्वेश्चन और टू मार्क्स क्वेश्चन के बीच में कोई एमएस आ गया है ना आपको पता नहीं अगर आपको पता नहीं है कि किसी क्वेश्चन में कि वो MSQ है तो आप ट्राई क्या करते हो आप जनरली ट्राई करते हो कि उसमें से कोई एक आंसर करेक्ट है आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करता है तब आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बार अगर अलग से गिवन है तब तो आपके लिए ईजी रहेगा लेकिन अलग अलग से गिवन नहीं है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ओके गाइस तो हमने यहां पर लिखा एन ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ लिखा नाउ अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं यहाँ पर देखिए इस पार्ट से हाफ लाइफ से परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर एन आफ्टर एन हाफ लाइफ आफ्टर एन हाफ लाइफ आफ्टर एन हाफ लाइफ तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू पावर एन इज मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पावर एन इज मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड बिकॉज परसेंटेज में मैं लिख रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट है और ये सभी ऑर्डर के लिए बाई हंड्रेड लाइक आपको दे दिया कि आफ्टर एट हाफ लाइफ है ना परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग कितना रहेगा तो वहां पर आपको लिखनाज मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो और यह सेम रहेगा फॉर ऑल रिएक्शन ओके लास्ट स्लाइड की डिमांड थी यहां पर रघु

एल एन एल एन टू अपॉन ऑफ के सिमिलरली यहाँ पर ये यह वाला फॉर्मूला मिल जाएगा इजी है जस्ट एक स्टेप था मैंने जस्ट मिस कर दिया आपको मैं बता देता हूँ ठीक है देखिए सीए की जगह मैंने पुट कर दिया सीए नॉट अपॉन ऑफ टू यहाँ से लिख रहा हूँ मैं सी ए की जगह पुट कर दिया सी ए नॉट अपॉन ऑफ टू इक्वल टू सी ए नॉट इन टू ई पावर माइनस के टी यहां से सी ए नॉट सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा बेसिकली देखिए इसमें आप लोग एल एन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन टू इक्वल टू माइनस ऑफ के टी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा उसके बाद में यहां से आपको मिल जाएगा टी इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई एल एन टू बाई के डन ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट क्लियर है यहां पर जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है याद रखनी देखिए मतलब कि टी हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है है ना उसके अलावा ये कॉमन फॉर्मूला आपको याद रखना है और अगर आपको पूछा जाए परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग कितना है आफ्टर एन हाफ लाइफ तो वो हो जाएगा वन अपॉन टू पावर एन इन टू हंड्रेड सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ ए रिएक्टेंट फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ ए रिएक्टेंट नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ ए रिएक्टेंट फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ ए रिएक्टेंट सीवीआर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो देखिए सिंपल क्या है कि फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें हम लिखेंगे कि जितना कन्वर्जन है एक्स प्लस जितना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए रिमेनिंग है इसको अगर हम लोग एड कर देंगे तो ये वन बन जाएगा दोनों फ्रैक्शन रिएक्टेंट रिमेनिंग रिमेनिंग और एक्स किसको डिनोट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्ट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट

एफ इज इक्वल टू एफ पावर वन माइनस एन माइनस ऑफ वन इज मल्टीप्लाई बाय सी ए पावर सी ए नॉट पावर वन माइनस एन इज डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इन टू के तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना और यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है कि देखिए जो फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ रिएक्टेंट है बेसिकली वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है एफ पावर वन माइनस एन माइनस ऑफ वन ये डिपेंडेंट डिपेंडेंसी जो है ये आपको याद रखनी है क्लियर है अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंटली जो हम बात कर रहे थे के की तो देखिए हमें पता है कि रेट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेसिकली किसका फंक्शन होता है कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का यह हमने ऑलरेडी बात किया था तो रेट हम लिखते हैं के इंटू सी ए पावर एल्फा इंटू सी बी पावर

रिगार्डिंग मतलब जो इफेक्ट ऑफ टेंच हम देख रहे हैं रिएक्शन uh, रेट पे तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ लोज पढ़ते हैं लाइक आरेनियस लो पहला है आरियनियस लो हम डिस्कस करते हैं तो देखिए आरिनियस लो का स्टेटमेंट सबसे पहला जो लो है वो है यहां पर आरियनियस लो आर एनियस लो तो आर्नियस लो का जो स्टेटमेंट है देखिए रेट कॉन्स्टेंट के लिए वो हमको मिलता है के इज इक्वल टू के नोट के इज इक्वल टू के नोट इन टू ई पावर माइनस ई पावर माइनस ई ए पावर माइनस ई ए अपोन ऑफ आर टी ये स्टेटमेंट किसका है आर एन एस लो का ये इसे हम आर एन एस इक्वेशन बोलते हैं है ना पर के नॉट बेसिकली क्या है जस्ट आप कॉन्स्टेंट बोल सकते हो के नॉट जो है वो है प्री एक्सपोनशियल फैक्टर और इसके अलावा जो ई ए यहां पर हम लिख रहे हैं ए, बेसिकली क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एक्टिव होगा और यहां पर अगर के डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आर ए जो है वो डिक्रीज होगा यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होने वाली है जूल पर मोल या फिर लोजूल किलो पर किलोमोल हो सकती है किलोजूल है ना ये भी हो सकती है तो सिंपल यहां पर देखिए तीन फॉर्मूला हम देखेंगे उसका भी हम फॉर्मूला देखेंगे K के लिए तो सिंपल हमने सबसे पहले देखा आर लो लो का जो फॉर्मूला भी हमने लिखा देखिए आर एन लो का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू के नोट इन टू ई पावर माइन ई पावर माइनस ए अपॉन ऑफ आर टी इसी क्वेश्चन को याद रखिए अब यहां पर देखिए अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर ना डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट हमको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन गिवन है वहां से हम लोग कि एलन ऑफ एल एन ऑफ के टू एल एन ऑफ के टू अपॉन ऑफ केवन एलन ऑफ के टू अपॉन केवन जो है वो हो जाएगा ई e ए अपॉन ऑफ आर अगर हो जाएगा। आपको मिलता है, लो से। उसके अलावा अगर इसको आप टाइम के साथलेट करो इसको अगर आप टाइम के साथलेट करो तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एलन के टू अपॉन के वन जो है एलेन ऑफ टी वन अपोन ऑफ टी टू एलन ऑफ

है ना तो यहां पर देखिए ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा ये इंटरसेप्ट हो जाएगा एल एन ऑफ के नोट उसके अलावा लीनियर रिलेशन मिल रहा है और स्लोप जो है वो हो जाएगी ई ए अपोन ऑफ आर यहाँ पर आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सकता है क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन हो तो वहां से आपको स्लोप कैलकुलेट करनी हो उसके बाद में आपको यहां पर लाइक कोई रेट पूछ लिया हो के वन या है ना डिफरेंट पे तो का फंक्शन होता है कि इसलिए आप देख सकते हो कि लाइक ये जो टीवन टी, टी टेमपरेचर पे रेट कॉन्स्टेंट के वन है टी टू टेम्परेचर पर रेड कॉन्टेंट के टू है जस्ट इसी इक्वेशन से मैंने ये रिलेशन डिराइव किया है ओके गाइस तो अब एक चीज आप ये देखिए कि अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी है तो हाइर एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है बेसिकली वो मोर टेपरेचर सेंसिटिव होता है ना मतलब टेपरेचर आप लाइक स्लाइटली चेंज करते वहां पर आपकी जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाएंगे तो वो इक्वेशन जहां पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी है वो मोर मोर टेम्परेचर सेंसिटिव सिस्टम होगा आपका मोर टेम्परेचर सेंसिटिव सिस्टम क्लियर है तो यहां पर देखिए मैं सिंपल लिख रहा हूं पहले जब तक आप देख लीजिए मैं सिंपल लिख रहा हूं थ्योरीज ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के रिगार्डिंग जो थ्योरीज अभी हमने देख रहे हैं हम लोग आर इक्वेशन हो गया पहला देखिए फर्स्ट है थ्योरीज ऑफ रेट कांस्टेंट थ्योरीज ऑफ रेट कांस्टेंट तो रघु अगर आप यहां पर नोट डाउन कर रहे हो नोट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब ये तो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तो आप उसके बाद में भी मतलब कोई चीज अगर मिस हो जाता है आपका तो आप चेक करके नोट डाउन कर सकते हो तो सबसे पहला हमने देखा आरएनएस लो तो आरएनएस लो के लिए इक्वेशन तो आपको याद हो गया होगा ये बार-बार मैं आपको बता रहा हूं Go ahead, ओके, है 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 ना सबसे पहले के लिए तो तो हमने लिखा कि जो के है वो के, के जो है वो है, वो तो पर मैं के का डिपेंडेंसी देख रहा हूं तो के का डिपेंडेंसी जो है आर एन एस लो में वो हमको मिलता है ई पावर माइनस ई ए ऑफ आर टी देन उसके बाद में सेकेंड देखिए कोलिजियन थ्योरी होती है कोलिजियन थ्योरी में जो रेट कॉन्स्टेंट है वो डिपेंड करेगा किसके देखिए टेम्परेचर पावर वन टू के और पावर भी। मतलब कोलिजन थ्योरी में इसका जो डिपेंडेंसी हो इसको रूट ऑफ टेम्परेचर भी आ जाता है Then उसके बाद में थर्ड होता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी so, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी उसमें जो के है बेसिकली वो डायरेक्टली परपोर्सनल होता है टेम्परेचर पावर वन के और एक्सपोनशियल पावर ई ए पावर अपॉन आर टी तो रहता है वहां पर तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखना है तो टी यहाँ पर टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और गेट एग्जाम में आपको ये पूछा गया चीज है ना कि मतलब आर मतलब कि या तो लाइक मेज द कॉलम बताओ है ना आर एन के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है कॉलिजन मतलब डायरेक्टली यहीं पर मिल रहा है इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टली टेमपेचर डिपेंडेंसी मतलब परपोर्शनल भी मिल रहा है एक्सपॉन्शियल की पावर में भी टेम्परेचर का टाइम है मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं सिर्फ टाइप टेपरेचर पावर वन बाय के डायरेक्टली परपोशनल लेकिन ये जो टेम्परेचर की टाइम है यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेचर पावर जीरो लिख सकते हो पावर हो जाएगा तो यहां पर आप ये याद कर सकते हो कि मतलब फर्स्ट थ्योरी हमने देखा Araneus, हमने देखा उसके बाद में हमने देखा तो इन तीनों के लिए टेम्परेचर पावर यहां पर फंक्शन होता है ओके okay गाइस तो अगर लाइक आपको इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए आपको लिखना है सेम ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला अगर आपको लिखना है एल एन ओफ मतलब जो हमने लिखा रहे तो आप यहाँ से लिख सकते हो बेसिकली आपको मिल जाएगा देखिए एल एन ऑफ के टू अपॉन ऑफ के वन इन टू टी वन अपॉन ऑफ टी टू इज इक्वल टू ई अपॉन ऑफ आर इंटू वन अपॉन टी वन माइनस ऑफ वन अपॉन टी टू सिमिलरली आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पर कोलिजन थ्योरी के भी लिख सकते हो तो यहाँ पर जो टी वन पॉवर वन बाई टू टी टू पावर वन बाई टू आ जाएगा है ना

ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए लिखा है ना टेम्परेचर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए अगर इसमें कोलिजन स्टेट थ्योरी होता है तो टेम्परेचर जो पावर है टी वन पावर वन बाई टू अपॉन टी टू पावर वन बाय टू होता है एल में एलन की मैं बात कर रहा हूं एलेन के अंदर में जो टाइम लिखी है सो so, कंटिन्यू करते हैं हम यहां से देखिए बी आइडियल रिएक्टर है सो आइडियल रिएक्टर देखिए आइडियल रिएक्टर मतलब आइडियल रिएक्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं जो डिजाइन इक्वेशन है बेसिकली आइडियल रिएक्टर्स के लिए वो हम डेवलप करने वाले हैं डिजाइन इक्वेशन डिजाइन इक्वेशन की हम बात करेंगे तो देखिए आइडियल रिएक्टर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब आइडियल रिएक्टर होता है लाइक रिएक्टर हो गया है ना उसके बाद में मैं लिख देता हूं यहां पर जस्ट सबसे पहले हो गया बेच रिएक्टर आइडियल बेच रिएक्टर देन उसके बाद में सेकेंड हो गया आइडियल फ्लो आइडियल फ्लो रिएक्टर जो होता है मतलब फ्लो रिएक्टर जो होता है बेसिकली उसको हम या तो सी एस टी आर बोलते हैं या फिर हम एम एफ आर बोलते हैं या फिर हम सी एस टी आर और एम एफ आर हो गया उसके बाद में पी एफ आर

सो गाइस so आप सभी होपफुली 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो भी कमेंट कर सकता है यहां पर सो so मुझे आइडिया लग जाए सो so गाइस ये जो क्लास है मैक्स मैं 130 तक एक्सटेंड कर सकता हूं है ना 130 तक ट्वेल्व ट्वेल्व फिफ्टी हो गया है बिकॉज आफ्टर वन थर्टी दो बजे से मेरा ड्यूटी रहेगा सो so मैं वन थर्टी तक मैक्सिमम ये क्लास लेने वाला हूं उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो या तो हम आफ्टर टेन आफ्टर टेन ले पाएंगे अदरवाइज कल मॉर्निंग में मैं प्लान करूंगा है ना अगर स्टूडेंट रेडी रहेंगे आफ्टर टेन थर्टी तो मैं नाइट में टेन थर्टी पर क्लास को कंटिन्यू करूंगा जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा सीआर का अदरवाइज कल मॉर्निंग में है ना अभी बिकॉज काफी पोर्शन है इसमें तो थोड़ा मतलब चीजें मैं कंप्लीट कवर कर रहा हूँ जिससे कुछ भी चीज मिस ना हो ना जस्ट ऊपर ऊपर से जस्ट सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको बताऊंगा तो प्रॉब्लम होगा ओके रघु बभी आफ्टर सर आफ्टर टेन के ओके okay, मतलब टेन के मतलब आफ्टर टेन ठीक है कंटिन्यू करूंगा मैं अगर स्टूडेंट रहेंगे तो टेन थर्टी टेन थर्टी हम लोग प्लान करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन होगा अभी वन थर्टी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं देखिए हम लोग स्टार्ट uh, कर रहे हैं बेच हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेच रिएक्टर की बेच रिएक्टर में मतलब जो हम लोग फीड इंट्रोड्यूस करते हैं जो फीड इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग वो मतलब कंटिन्यूस नहीं करते है ना अपने लाइक फीड और इनपुट जो है मतलब वो डिस्क्रीट अलग अलग टाइम पे लाइक एक बार आपने फीड इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद जब जब आपका जो मतलब जो रिएक्शन हो रहा है बेसिकली उस रिएक्टर में जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मतलब कि हम लोग जो आउट मतलब कि प्रोडक्ट है उसको सेपरेट कर देते हैं उसे हम बोलते हैं बेच रिएक्टर मतलब आपका इनपुट एंड आउटपुट डिस्क्रीट होता है ओके ये रोहित यहाँ पर पूछ रहा है रघु पब्बी आज कितने बजे तक क्लास होगी वन थर्टी में बता रहा हूँ वन थर्टी तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ उसके बाद मेरा ड्यूटी रहने वाला दो बजे है ना और सोहित यहाँ पर पूछ रहा है कि सर प्लीज़ अपलोड पी डी सी एंड सीआरी शॉर्ट नोट्स तो सीआरी की तो हम लोग क्लास ले रहे हैं यहाँ पर आप सीआरी देख लीजिए और पी डी सी के शॉर्ट नोट्स की डिमांड कर रहे हैं है ना ऑलरेडी मार्च ट्रांसफर का जो शॉर्ट नोट्स है वो भी अवेलेबल है कंप्लीट यहाँ पर जो सब्जेक्ट के जो मतलब क्योंकि uh, रिजन वाले जो लेक्चर है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स में जो चीज़ें वो सारी ऑलमोस्ट मिल जाएगी अगर उसके बाद भी अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए देन जस्ट मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ है ना जस्ट लिंक शेयर कर देता हूँ वहां से आप आ, देख सकते हो जो नोट्स है शॉर्ट नोट्स बेसिकली है ना जस्ट मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ नोट्स के शॉर्ट नोट्स के लिए लिंक गाइज so अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए शॉर्ट नोट्स की देन में आप इस लिंक से मतलब एनरोल कर सकते हो उसमें अदरवाइज अदरवाइज मैं यहाँ पर ले ही रहा हूँ ना जो शॉर्ट नोट्स में जो कंटेंट है मोस्टली वो तो मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगा है ना हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट जो है मतलब शॉर्ट नोट्स में आपको इससे ज्यादा एक्स्ट्रा थोड़ी थ्योरी मिल जाएगी है ना हो सकता है ऐसा तो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग अगर आपको जो भी बेटर uh, लगे तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी देखिए बेच रियक्टर तो बेच रिएक्टर में हम बात कर रहे थे कि आउटपुट एंड इनपुट जो है वो डिस्क्रीट होता है ना अलग अलग होता है तो एजम्पन देखिए जो मिक्सिंग होता है बेसिकली हम लोग यूनिफॉर्म मिक्सिंग कंसिडर करते हैं बच रिएक्टर में हमारा एजम्शन होता है कि जो मिक्स mix, जो मिक्सिंग है बेसिकली वो यूनिफॉर्म रहती है और जो हमारा प्रोसेस है वो अनस्टडी प्रोसेस होता है बिकॉज उसमें कंटिन्यूसली हम लोग इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हम लोग आउटपुट मतलब सेपरेट नहीं कर रहे हैं ना इनपुट एंड आउटपुट अगर आपका डिस्क्रीट है तो आपका प्रोसेस जो है वो अनस्टडी स्टेट रहेगा बट स्टिल हम कंसिडर करेंगे जो मिक्सिंग है वो आइडियल मिक्सिंग रहेगा ओके तो सिंपल यूनिफॉर्म जब मतलब कि फॉर स्टेडी स्टेट फॉर अनस्टेडी स्टेट सिस्टम की state, uh, हम बात कर रेट ऑफ इन माइनस रेट ऑफ आउट रेट ऑफ इन माइनस रेट ऑफ आउट प्लस जनरेशन माइनस ऑफ कंजम्पशन इक्वल टू अक्यूमलेन हम ऐसे लिखते हैं यहां पर देखिए जब आप कंटिन्यूअसली रेट ऑफ मतलब अमाउंट मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो रेट ऑफ इन और रेट ऑफ आउट जो है वो तो जीरो हो जाएगा तो सिंपल यहां से हमको जो इक्वेशन है वो मिलती है देखिए माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई वी इन टू डी एन ए अपोन ऑफ डी टी डी एन ए ऑफ डी टी ये इक्वेशन आपको मिलती है फॉर बेच रिएक्टर फॉर बेच रिएक्टर आपको इक्वेशन जो याद रखनी है वो है माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई वी इंटू डी एन ए बाई तो यहां पर देखिए फाइनली जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को तो इंटीग्रेट की फॉर्म में अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा देखिए जस्ट करके इसको जब हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मतलब तो तो यहां पर मैं क्या करूंगा? जो डी एन ए अपॉन ऑफ डी टी है उसको हम लोग लिख देंगे माइनस ऑफ एन ए नोट इंटू डी एक्स ए अपोन ऑफ डी टी तो यहाँ पर इंटीग्रेशन यह के बाहर आ जाएगा और जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जन की फॉर्म में हो जाएगा डी एक्स ए अपोन ऑफ माइनस आर ए इ और यहां पर जो लिमिट है वो हो जाएगा कन्वर्जन मतलब जीरो से एक्स से तो यहां पर देखिए ये वी मतलब वॉल्यूम भी परजेंट है तो ये आपका जो रिएक्शन है मतलब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है बेसिकली ये मतलब कि केस में अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है उस केस में भी ये मतलब यूज होने वाला है यहां पर वॉल्यूम हमने लिखा है वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा है और इंटीग्रेशन के बाहर हमने नहीं निकाला है ना तो सिंपल इसे हम बोलेंगे रेजिडेंस टाइम रेजिडेंस टाइम और होल्डिंग टाइम हम इसे बोलते हैं रेजिडेंस टाइम एंड होल्डिंग टाइम ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये सिंपल मतलब ओके uh, okay, जो बेच रिएक्टर हम लिख रहे हैं यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए हम जो काइनेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं उन्हीं काइनेटिक इक्वेशन को हम यूज करते हैं एज ए एज ए डिजाइन इक्वेशन एज ए डिजाइन इक्वेशन फॉर बच रिएक्टर बिकॉज यही सेम इक्वेशन हम, हम, हमें वहां पर मिलती है माइनस आर इक्वल टू माइनस माइनस तो सिंपल हम लोग डायरेक्टली मतलब जो बेच रिएक्टर होता है उसमें जो आपको रिएक्शन रिएक्शन मतलब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन मिल रही है वही रिएक्शन यहां पर आप एज ए डिजाइन इक्वेशन यूज करते हो इन बेच रिएक्टर क्लियर है सो so, देखिए अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस का वो डिजाइन का हो कि ना फॉर बेच रिएक्टर अगर हम लोग परफॉर्मेंस करो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करो को हम डिजाइन करो भी बोलते हैं डिजाइन का ड्रॉ करें तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे लाइक like पहला प्लॉट जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं पहला प्लॉट बिटवीन वन अपॉन माइनस आर ए कन्वर्जन आना? तो सिंपली मैं रिएक्शन लिख देता हूं और लिमिट हमारी थी कन्वर्जन जीरो से एक्स ए तो यहां पर देखिए अगर इसको हम लोग प्लॉट करें ग्राफ पे देखिए तो ये हो जाएगा मतलब हम प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन वन अपोन माइनस आर ए वर्सिस वी को भी आप कंसिडर कर सकते हो यहां पर वन अपॉन माइनस आर ए लोग कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं पहले कन्वर्जन में ड्रॉ कर रहे हैं ओके वन अपॉन माइनस आर ए इंटू वी वर्सिस कन्वर्जन में हम यहां पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए जो हमको ग्राफ है कुछ इस तरीके से मिलता है हमको जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है और इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बेसिकली आ रहा है वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ऑफ माइनस आर एंटू वी है ना इस ग्राफ के अंदर होगा ना जो एरिया देखिए ये हो जाएगा डी एक्सए अपन माइनस आर ए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा टी अपॉन ऑफ एन नोट तो इस ग्राफ के अंदर जो आपको एरिया मिल रहा है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा T upon of N0 is equal to area under the curve. Now second अगर plot में देखिए design curve plot करूँ और plot हम कर रहे हैं between हम यहाँ पर plot करेंगे between the 1 upon minus R. So between हम लोग second जो plot है वो 1 upon minus R versus ca Con conversion में basically जो concentration basically उसके साथ हम plot कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए पहल जो हमारे पास में जो relation था T equal to N0 जो design equation है डी एक्सए अपन ऑफ माइनस आर ए वी और इंटीग्रेशन यहां पर है जीरो टू एक्स ए तो यहां पर देखिए ठीक yeah, है चंद्रशेखर भी यही बोल रहा है हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग इसी स्पीड से तो यहां पर देखिए सिंपली टी इक्वल टू एन ए नोट यहां पर हमको यह मिल रहा है अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं ये जो एन एन ए नोट है ना इसको हम लोग कंसंटेंस के टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है देखिए तो एन ए नोट अपोन ऑफ वी जो है उसको हम लोग कंसेंट्रेंस के टाइम में लिख देंगे तो यह बन जाएगा टी टी okay, इंटू अब यहां पर जो डी एक्सॉन ओके डी एक्ट डी टी जो बेसिकली uh, uh, okay, मतलब उसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सो so, इसके लिए देखिए सिंपल हमें फाइनल जो इक्वेशन मिल रही है हमको टी इज इक्वल टू डी सी ए अपन ऑफ माइनस आर ए है ना यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आएगा और लिमिट जो बेसिकली हमारी हो जाएगी इनिशियल कंसल्टेशन सी ए नॉट से फाइनल सी ए फॉर्मुला आपको मिलेगा तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे देखिए यहां पर माइनस वन अपन आर ए को अगर हम लोग कंसलटेंस के साथ प्लॉट करें तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग ये जो प्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से होगा देखिए वन अपॉन माइनस आर ए वर्सेज कंसंट्रेशन तो अब देखिए ए तो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने वाली है तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नोट कहीं इस पॉइंट पे रहेगी यहां पर यहां पर सीए नोट है और फाइनल कंसंट्रेशन सी ए यहां पर मिलेगी तो आपको जो काउ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा इस तरीके से आपको ये कॉ मिलेगा देखिए इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा है ना यहां पर वन अपॉन माइनस आर ए जो है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होगी ना तो यहां पर एरिया अंडर द कॉ जब आप कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा वो टाइम ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा जो कन्वर्जन में आपको टाइम मिल रहा है वो बेसिकली इस इस के अंडर जो एरिया बेसिकली मिलेगा वो किसके इक्वल है टाइम के इक्वल तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ है मतलब उसको मतलब कि कोई भी इक्वेशन है उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट आप कर सकते हो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से ना ना उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट टाइम है पहली है स्पेस 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 टाइम 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 पहली बेसिकली टाउ होता है और ये टाउ बेसिकली क्या है देखिए टाउ यहां पर है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टाउ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टाइम टाउ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम वन रिएक्टर वॉल्यूम one reactor volume of feed measured of feed measured at a specified feed measured It is specified at a specified condition

The volumetric flow rate at the inlet condition, at the inlet condition. तो यहां पर देखिए ये जो फॉर्मुला में लिख रहा हूं वोटिक फ्लोरेट के टाइम में बात कर रहा हूं तो ये सीवीआरएस के लिए भी वैलिड होगा और वीवीआरएस के लिए भी वैलिड होगा तो सिंपली हमको टाउ मिल जाता है स्पेस टाइम वी आर अपॉन ऑफ न्यू नोट तो क्वेश्चन में देखिए मोस्टली केसेस में आपको ये गिवन रहता है ना या तो लाइक आपको स्पेस टाइम दे दिया तो वहां से आप वोल्यूमेटिक फ्लोरेट कैलकुलेट कर सकते हो मतलब कोई दो टाइम आपको डेफिनेटली एग्जाम में गिवन रहती है तो इस टाउ टाउ की जो यूनिट है बेसिकली वो क्या हो जाती है जो टाइम की यूनिट रहती है वोल्यूमेटिक फ्लोरेट देखिए वो आपका वॉल्यूम पर पर टाइम होगा तो टाइम की यूनिट आपको मिल जाएगी स्पेस टाइम की जो यूनिट है वो फोर सीवीआरएस सिस्टम और फोर वीवीआरएस सिस्टम नौ ये हो गया स्पेस टाइम लेकिन अगर आपको एग्जाम में लाइक स्पेस वेलोसिटी गिवन है तो स्पेस वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है जस्ट इनिवर्स हो जाता है यहाँ पर स्पेस वेलोसिटी इज द दूनिवर्स ऑफ स्पेस टाइम क्लियर है और इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी वन अपॉन वन अपॉन टाइम की जो यूनिट मतलब टाइम टाइमर्स की जो यूनिट है यहां पर हो जाएगी है ना टाइम इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी टाइम टाइमर्स तो सिंपली स्पेस

ताव, ताव and ताव बार में बेसिकली देखिए रिलेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं टाउ जो है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होता है कि आपके रिएक्टर में बेसिकली क्या हो रहा है आप देख सकते हो वापस बैक करके कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इज डिवाइडेड बाय द वॉलिक फ्लोरेट एट इनलेट कंडीशन मतलब जितना रिएक्टर का वॉल्यूम है उसको मैंने डिवाइड किससे किया द दॉल्यूमेटिक फ्लोरेट एट इनलेट कंडीशन अब मतलब कि रिएक्टर के बीच में क्या हो रहा है वहां पर आपका वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट लाइक रिड्यूस हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वो कोई मैटर नहीं करता है जो टाउ बेसिकली है वो रिएक्टर के बीच में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता बट जो टाउ बार जो होता है मीन मेन रेजिडेंस टाइम वो बेसिकली डिपेंड डिपेंड करता है कि आपके रिएक्शन में बेसिकली आपके रिएक्टर में बेसिकली क्या मैकेनिज्म हो रहा है ओके और अगर मैं बार की बात करूं तो टाओ बार बेसिकली क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर मीन रेजिडेंस टाइम जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इज डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट होता है बट जो वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट हम लिखते हैं टाउ बार में वो होता है एवरेज वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट एवरेज वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट वो होता है एवरेज वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट तो अगर मैं सीवीआर सिस्टम के लिए लिखूं फॉर सीवीआर सिस्टम तो सीवीआर सिस्टम के लिए टाउ बार जो होता है टी बार जो होता है वो टाउ के इक्वल होता है और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल होता है वॉल्यूम वो, वो, ऑफ द रिएक्टर इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट इनिशियल वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट फॉर सीवीआर सिस्टम जो टाउ है वो टाउ जो है वो टाउ बार के इक्वल रहता है ओके गाइस तो अभी हम नेक्स्ट देखिए सिंपल बेच रिएक्टर नेक्स्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी एस टी आर जिसे हम लोग एम एफ आर भी बोलते हैं और सेकंड हम डिस्कस करेंगे इसमें ट्यूबलर ट्यूबलर रिएक्टर या फिर उसे हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं ना ट्यूबलर रिएक्टर या फिर प्लग फ्लो रिएक्टर सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सी एस टी आर सी एस टी आर का देखिए ये जो होता है वो रहता है कि परफेक्ट अगेन सेम यहां पर परफेक्ट मिक्सिंग रहता है परफेक्ट मिक्सिंग का मतलब होता है कि जो लाइक like, आप कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहे हो या डेंसिटी डिफाइन कर रहे हो आपके रिएक्टर के बीच में तो किसी भी पॉइंट पे रिएक्टर में अगर आप कंसंट्रेशन और डेंसिटी या फिर कोई भी पैरामीटर लाइक टेम्परेचर हो गया तो वो पैरामीटर यूनिफॉर्म रहता है हर एक पॉइंट पे मतलब आपको इनसाइड द रिएक्टर वो पैरामीटर सेम मिलता है उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना परफेक्टली मिक्सिंग का बेनिफिट ये होता है कि जो कंपोजिशन हमको मिलता है रिएक्टर में वो यूनिफॉर्म मिलता है देन उसके बाद में सी एस टी आर जो प्रोसेस है वो एक स्टडी स्टेट प्रोसेस होता है तो सेम हम चीज हम इस पर भी जब बैलेंस अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमको फाइनली जो रिएक्शन मिलती है वो मैं लिख रहा हूं जनरेशन प्लस कंजम्पशन इक्वल टू अक्यूमेशन करके हम लोग जब बैलेंस अप्लाई करते हैं इस पर तो उसके बाद हमको देखिए जो रिएक्शन मिलती है फॉर सी एस टी आर वो मिलती है देखिए वी अपॉन ऑफ एफ ए नोट इज इक्वल टू एक्स ए अपोन ऑफ माइनस आर ए तो यहां पर कोई इंटीग्रेशन वाली टर्म नहीं आ रही है डायरेक्टली हमको वैल्यू मिल जाती है एक्जैक्टली वी अपोन एफ ए नॉट इक्वल टू एक्स ए अपोन ऑफ माइनस आर ए अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये वैलिड है फॉर बोथ सी वी आर एस एंड वी वी आर एस कैस ये CV, CV, uh, मतलब सी वी आर एस और वी वी आर एस वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत बार हम लोग मतलब uh, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं वी वी आएस वाली कंडीशन को मिस कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि वो सी वी आर ए के लिए पूछ रहा है या फिर वी वी आर एस के लिए पूछ रहा है ना फोर सी वी आर एस हम इसको कन्वर्ट कर, तो कर सकते हैं देखिए हमारे पास टाउ हमने किया अपॉन न्यू नॉट ये हमने हमने ये मतलब यूज किया था जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने हमने देखा तो हम यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये हो जाएगा देखिए टाउ एम अपॉन ऑफ सी ए नोट बिकॉज ये जब हम यहां पर v की जगर, v की जगह जगह कर देंगे जस्ट टाउ इन न्यू नॉट है ना तो ये हो जाएगा टाउ और जो एफ ए नोट अपॉन न्यू नॉट है उसको हमने क्या लिख दिया कंसंट्रेशन सी ए

इक्वल टू एक्स ए अपन ऑफ माइनस आर ए हमको मिलता है ये क्वेश्चन याद रखनी है ना यहाँ पर देखिए टाव एम हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन है लिख रहा हूँ टावम इक्वल टू क्या हो जाएगा टावम इक्वल टू तो डायरेक्टली वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में कंसिडर कर रहा हूँ so, टावम इक्वल टू तो जाएगा सी ए नोट इन टू एक्स ए अपन ऑफ माइनस आर ए अभी तक सारी इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो सीवीआरएस एंड वीवीआरएस दोनों सिस्टम के लिए वैलिड है ना लेकिन अगर हम लोग सीवीआरएस की बात करें अगर हम लोग सीवीआरएस की बात करें ओनली फॉर सी वी आर एस तो देखिए क्या रिएक्शन हो जाएगी हमारी ओनली फॉर सी वी आर एस तो जो टावम की रिएक्शन है ये टावेम के लिए जो रिलेशन है वो हो जाएगा देखिए इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस ऑफ सी ए अपॉन ऑफ माइनस आर ए यहां पर हम लो, हम लोग लिख सकते हैं सिंपली बिकॉज यहां पर हमें पता है कि जो सी ए है कंसंट्रेशन वो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए है ना फोर सी वी आर एस सिस्टम और वहां से हम लोग ये जो सी ए नॉट इंटू एक्स ए उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सी ए नॉट माइनस सी देखिए सी ए इक्वल टू सी ए नॉट माइनस ऑफ सी ए नॉट इंटू एक्स ए और यहां से ये हो जाएगा सी ए नॉट टू एक्स इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस ऑफ सी ए तो मतलब विदाउट कन्वर्जन आप डायरेक्टली सी ए नोट माइनस सी ए लिख के उसको डिवाइड कर दोगे माइनस आर ए माइनस आर ए से तो आपको यहां पर टावर मिल जाएगा बट ये किसके लिए वैलिड है ओनली फॉर सी वी आर एस क्लियर है इस तो यहां पर देखिए जो टाइम हमने यूज किया एफ ए नॉट वो आपका मोलर फ्लोरेट हो जाएगा मोलर फ्लोरेट ऑफ द ए उसके अलावा हमने यूज किया है ओके एन ए एन ए हमने यूज किया है ठीक है एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएगा उसके अलावा एक्सए जो है वो कन्वर्जन हो जाएगा और सी ए जो है वो सी सी ए मतलब uh, final, final उसके अलावा सी सी ए नोट जो हम यूज कर रहे हैं वो फीड कंसंट्रेशन हो जाएगी और यहां पर जो ये वी है बेसिकली ये क्या है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर वी इज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर तो अगर सी एस टी आर में इतनी चीज आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे ये आपको डायरेक्टली इक्वेशन याद रखने यहां पर बिकॉज डेरिवेशन करने नहीं बैठोगे एग्जाम में आप है ना इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए तो नेक्स्ट अभी हम अगर सी एस टी आर परफॉर्मेंस की बात करू ना इक्वल टू सी माइनस ऑफ माइनस कर सकते हैं इसको देखिए तो यहां पर ये एरिया अंडर द कर्व तो नहीं देगा हमको है ना जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं देखिए वन अपॉन माइनस आर ए वर्सिज हम लोग अगर प्लॉट करें कंसंट्रेशन वर्सेस अगर कंसंट्रेशन अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये हमको एरिया अंडर द कव तो नहीं देगा बेसिकली यहां से जो हमको टावर मिलेगा यहाँ पर देखिए ये कव कुछ इस तरीके से मिल रहा है कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन लाइक सी ए नोट हो गया एंड फाइनल कंसंट्रेशन हमको यहां पर सी ए मिल गया इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए फाइनल कंसंट्रेशन सी ए नोट तो यहां पर देखिए अब हमको कैलकुलेट करना है यहां पर कि वन अपॉन माइनस आर ए और सी ए नोट के बीच में मतलब कौ बेसिकली हमको क्या देगा यहां पर ना अगर मैं टावर टाव मुझे कैलकुलेट करना है तो इस एरिया अंडर द अगर मैं कैलकुलेट करूं, करूंगा तो वो सिंपली मेरे को टावम नहीं मिलेगा मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा रहा है है इस जो 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 पर सीए बन इसके साथ जो जो ये बेसिकली मेरा फॉर्म हो रहा है बेसिकली इस कंप्लीट एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो एरिया बेसिकली इस रेक्टेंगुलर का जो एरिया होगा वो क्या होगा टाव होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली क्या होगा

तो इसके लिए हमने लिखा टावर इज इक्वल टू सी ए नोट इन टू एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर है तो यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो सिंपली देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं वन अपॉन माइनस आर ए वर्सेस वर्सेस कन्वर्जन है versus, versus ना वर्सेस कन्वर्जन तो ये आपको मिल जाएगा यहां पर वन अपॉन माइनस आर ए वर्सेस कन्वर्जन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का कब आपको मिलेगा और यहां पर देखिए सेम जो फाइनल कन्वर्जन होगा जो फाइनल कन्वर्जन होगा बेसिकली उसके साथ जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उसका एरिया हमको कैलकुलेटर उस रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट करना होता है वो बेसिकली यहां पर क्या मिल जाएगा हमको एरिया जो होगा इसका होगा यहां पर देख इस रेक्टेंगुलर का एरिया जो होगा वो हमको देगा एम अपॉन ऑफ सी ए नोट सिंपली यहां पर एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर एम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके टाव अपॉन ऑफ सी ए नोट तो इस तरीके से ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब सी एस टी आर है तो सी एस टी आर के केस के में हम लोग एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट नहीं करते हैं जो मैक्सिमम मतलब कन्वर्जन के केस में जो मैक्सिमम कन्वर्जन है कंसंट्रेशन के केस में जो मतलब जो आपका इनिशियल 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 कंसंट्रेशन और जो फाइनल कंसंट्रेशन के टाइम पे जो आपका वन अपॉन माइनस आ रहा है उसके साथ जो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है उसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो इजीली आपको यहां पर जो मतलब कि जो टावर एम स्पेस टाइम है वो वहां से मिल जाता है ना अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पी एफ आर फ्लो रिएक्टर जो है वो है पी एफ आर जिससे हम लोग बोलते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर तो इसमें देखिए इसमें मतलब जो है सेम स्टेडी स्टेट प्रोसेस रहेगा उसके अलावा आइसोथर्मल प्रोसेस और जो मिक्सिंग होता है बेसिकली मतलब इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो मिक्सिंग है बेसिकली वो एक्सेल डायरेक्शन में नहीं है वो रेडियल डायरेक्शन में मिक्सिंग होता है ना रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पर पी एफ आर में मिक्सिंग रहता है तो सिंपली देखिए पी एफ आर का अगर मैं आपको एक डायग्राम ड्रो कर देता हूँ जस्ट देखिए ये पी एफ आर कंसिडर कर रहे हैं हम

इक्वल टू ये कहां से मैंने कैलकुलेट किया सिंपल स्पेस वेलोसिटी का रिलेशन यहां पर पुट कर दिया मैंने तो टाउपी अपन ऑफ सी ए नोट इज इक्वल टू वी अपन ऑफ एफ एनोट है ना टाउपी मुझे पता है कि वोल्यूमेटिक फ्लोरेट अपॉन न्यू होता है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है तो सिंपली पर देखिए टाउपी अपॉन ऑफ सी एनोट इज इक्वल टू वी अपॉन ऑफ मतलब आप ये भी याद रखिए मतलब मैं आपको सिर्फ ये भी बता सकता हूँ लेकिन मैं ऑलवेज साथ में आपको अपॉन ऑफ सी टाउप टाउप की टाइम में भी कन्वर्ट करके देता हूँ आपको डायरेक्टली गिवन होता है तो हम ये कंसेंट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपॉन सी सीनोट इज इक्वल टू डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर रे और यहां पर कन्वर्जन के लिए लिख रहे हैं तो जीरो से फाइनल कन्वर्जन जो होगा ये आपका फाइनल फॉर्मूला है फ्लो रिएक्टर के लिए तो इनिशियली में बेच रिएक्टर के लिए हमने देखा कि हमको इंटीग्रेशन की फॉर्म में मिल रहा है उसके बाद में पी एफ आर के लिए भी हमको इंटीग्रेशन की फॉर्म में मिल रहा है तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये सीवीआरएस एंड वीवीआरएस दोनों के लिए वैलिड है अगर मैं यहां पर देखिए फॉर्मुला लिखू पी इज इक्वल टू ये जो सी ए नॉट है इसको जस्ट इंटीग्रेशन में हम लेके जाए ये यह यहां पर हो जाएगा सी ए नॉट इंटू डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए उसके बाद हम उसको मतलब कि जो सी ए नॉ इंटू डी एक्स है उसको हम लोग कंसंट्रेशन के टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज सी ए इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वन माइनस एक्स होता है तो यहां पर हम टाइम के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कि डी सी ए जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ सी ए नॉट इंटू डी एक्स ए तो हम मतलब कि ये यह यहां पर जो सी ए नोट इंटू डी एक्स है उसको हम कंसनटेशन के टाइम में डी सी ए लिख सकते हैं बट वो किस केस में हम कर सकते हैं ओनली फॉर सी वी आर एस सिस्टम ओनली फॉर सी वी आर एस सिस्टम के लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा टाउपी अपॉन ऑफ तो सी ए नोट यहाँ पर यूज हो जाएगा तो फाइनली हमको मिल जाता है टाउपी इक्वल टू टापी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी सी ए अपन ऑफ माइनस आर ए और यहां पर कंसनट्रेशन देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नोट से फाइनल कंसनट्रेशन सी एफ होने वाला है तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है फॉर सी वी आर एस सिस्टम ओनली तो यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस कव की तो परफॉर्मेंस कव ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यहां पर आपको क्या मिलेगा एरिया अंडर द कॉ है बेसिकली वहां से आप अपॉन सी टाउप और जो भी आप आ, मतलब परफॉर्मेंस ड्रॉ कर रहे हो फॉर फ्लग फ्लो रिएक्टर देखिए पहले रिएक्शन लिख देते हैं तो अगर सीवीआरएस वीवीआरएस सिस्टम दोनों के लिए जो इक्वेशन थी वो अगर हम देखें सीवीआरएस एंड वीवीआरएस के लिए जो इक्वेशन है वो है टाउ अपॉन ऑफ सी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ऑफ माइनस आर ए तो यहां पर कन्वर्जन है जीरो से एक्स उसके अलावा सेकंड देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ओनली फोर सी वी आर सिस्टम तो हमको तो मिलता है माइनस ऑफ डी सी एपोन अपॉन ऑफ माइनस आर ए और यहां पर लिमिट जो है वो हो जाएगी सी ए नोट से सी एफ तो यहां पर अभी हमको परफॉर्मेंस काउट ड्रॉ करना है तो सिंपल देखिए यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं वन अपॉन माइनस आर ए वर्सेस

रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर और यहां पर मैं सीवीआरएस की बात कर रहा हूं ना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सीवीआरएस में देखिए हमको काइनेटिक इक्वेशन क्या मिलती है माइनस ऑफ एल एन वन माइनस एक्स ए इक्वल टू के इन टू ये इक्वेशन हमको मिलती है तो इसी इक्वेशन को देखिए हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं PFR के लिए पी एफ आर के लिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी देखिए इक्वेशन यहां पर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे जब ये हम लोग जब ये इक्वेशन जब हमको मिलती है तो हम वहां पर कन्वर्जन लाइक इनिशियल कन्वर्जन मुझे दे रखा है एक्से वन और फाइनल कन्वर्जन एक्से एफ दे रखा है तो ये जो इक्वेशन है ये फाइनली किससे रिप्लेस हो जाएगी देखिए वन माइनस एक्सएफ अपॉन ऑफ वन माइनस एक्सए वन इक्वल टू के इन टू टाउप ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तो टाउ मिल टाव हम यूज करते थे लेकिन जो प्लग फ्लो रिएक्टर है उसके लिए हम लोग पी यूज करते हैं तो टाउ को हम लोग

जो हमने इनिशियल में जो काइनेटिक्स देखी थी है ना फॉर सीवीआर सिस्टम तो बेच रिएक्टर और पीएफआर के लिए सारी जो इक्वेशंस है वो आइडेंटिकल रहती है फॉर एंड रिएक्टर पीएफआर इक्वेशंस आर आइडेंटिकल नहीं नहीं होगा नहीं, जीरो होगा जीरो अगर आपको इनिशियल कन्वर्जन कुछ देर का है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से ना जरूरी नहीं है कि जीरो से स्टार्ट हो है ना कन्वर्जन जो इनिशियली है वो आपको कुछ किसी पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है ना उस केस में जस्ट मैं बता रहा हूं अदरवाइज वो यहां पर आप जब जीरो इनिशियल कन्वर्जन पुट करोगे तो सेम माइनस एलेन ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू जस्ट यही इक्वेशन आपको मिलेगी माइनस एलेन ऑफ वन माइनस एक्से इक्वल टू के इन टू टाउ जस्ट टाओ को मैंने टाउ पी से रिप्लेस कर दिया ये वाली इक्वेशन हो जाती है अब वैसे भी प्लग फ्लो रिएक्टर पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो ईजी हो जाता है बिकॉज डायरेक्टली लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन की प्लग फ्लो रिएक्टर में तो डायरेक्टली ये इक्वेशन हम अप्लाई करके वहां पर लाइक like, टाउप पूछा या जो भी पूछा है कन्वर्जन वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो फोर्थ सीवीआर सिस्टम देखिए फोर्थ सीवीआर सिस्टम बेच रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर जो है इसमें जो इक्वेशन होती है बेसिकली वो क्या होती है आइडेंटिकल्स होती है इक्वेशन आर आइडेंटिकल बट अगर मिक्स फ्लो रिएक्टर अगर पूछा है मिक्स फ्लो रिएक्टर और सी एस टी आर वहां पर रिएक्शन आपकी डिफरेंट रहेगी ना वहां पर ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है v अपॉन एफ ए नॉट इक्वल टू upon माइनस r है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सी एस टी आर का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है उसके अलावा बेस रिएक्टर और पी एफ आर में जो इक्वेशन आपको मिलती है वो सिमिलर मिलती है ना आइडेंटिकल इक्वेशन रहती है ओनली फॉर सी वी आर एस सिस्टम क्लियर यहाँ तक तो अगर मैं वीवीआरएस की बात करूँ सी आर एस में तुमने तो बोल दिया कि जो रिएक्शन है वो आइडेंटिकल होती है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है ना तो प्लग फ्लो रिएक्टर में वीवीआरएस की इक्वेशन देखते हैं फॉर वी रिएक्शन काइनेटिक्स इन प्लग फ्लो रिएक्टर तो देखिए सिंपली हमको प्लग फ्लो रिएक्टर में इक्वेशन क्या मिलती है पी इज इक्वल टू सी ए नॉट सी ए नॉट इंटू डी एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर ए कन्वर्जन जीरो से एक्स एफ है ना ये इक्वेशन हमारे पास में है. तो सिंपल में अगर वीवीआरएस सिस्टम की बात कर रहा हूं फ्लो रिएक्टर में अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर गिवन है के केस में तो सिंपल देखिए इक्वेशन में लिख रहा हूं पहले जीरो ऑर्डर के लिए टाउपी इंटू के इक्वल टू सी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है ओके okay, तो यहां पर देखिए ये इक्वेशन ये इक्वेशन क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है फॉर वीवीआरएस बट अगर हम देखें कि सीवीआरएस के लिए भी सेम इक्वेशन होती है तो यहां पर एक और मतलब सिमिलरिटी हो गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सीवीआरएस और मतलब प्लग फ्लो रिएक्टर में सीवीआरएस और वीवीआरएस के लिए आपको इक्वेशन जो है वो सेम मिलती है तो ये जो इक्वेशन थी ये सेम इक्वेशन है फॉर सीवीआरएस एंड वीवीआरएस बट जीरो ऑर्डर याद रखना है यहां पर आपको फॉर फॉर सीवीआरएस एंड वीवीआरएस अगर हम लोग बेच रिएक्टर की बात करें ये सेम आपको वीवीआरस के के केल्कुलेट करने फॉर बेच रिएक्टर तो बेच में यहाँ पर मैं साइड में जस्ट लिख देता हूँ पर इक्वेशन अलग रहती है एल एन ऑफ वन प्लस एफसाइल ए इंटू एक्स ए अपॉन ऑफ एफ्साइल ए अपॉन ऑफ ए इक्वल टू के इंटू टी अपॉन ऑफ सी ए नॉट वहां पर आपको डिफरेंट इक्वेशन मिलती है नाउ सिमिलरली आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए देख सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर वी फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए जो इक्वेशन हमको मिलती है फर्स्ट ऑर्डर के आ, के लिए प्लग फ्लो रिएक्टर में है ना प्लग फ्लो रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं तो इक्वेशन हमको मिलती है पी इंटू के इक्वल टू वन प्लस एफसाइल ए इंटू एल एन ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स ए माइनस ऑफ एप्साइल ए इंटू एक्स ए तो मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस इक्वेशन को आप याद रखिए इस इक्वेशन को याद करने की नीड नहीं है यहां पे जब आप कंडीशन पुट करोगे माइनस आर इक्वल टू जो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है वो आप पुट करोगे उसके बाद में ये इक्वेशन आप डिराइव कर लीजिए ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसको याद करने के लिए बट जो चीज लाइक यूनिक होती है ना लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है जो सीवीआरएस में होता है रिएक्टर में वही आपका यहाँ पर वीवीआरएस में होता है तो इसको डिराइव करने की नीड नहीं है डायरेक्टली आप लिख सकते हो है ना एक स्टेप आपका कम हो जाएगा कैलकुलेशन में तो उसके अलावा अगर फर्स्ट ऑर्डर वीवीआरएस में देखें तो वो इक्वेशन तो पॉपुलर हमको पता है

मतलब जो मैंने लास्ट देखिए के लिए सिंपल ये जो यहां पर है reactor, तो सी DxA A, और इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो पर आपको system, के लिए इस से. तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम आरस की इक्वेशन देखते हैं तो मैंने डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी यहां पर रिएक्शन यहां पर जस्ट पुट कीजिए माइनस आर इक्वल टू के तो वहां से आप जब डिराइव करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा जस्ट छोटा सा पार्ट इंटीग्रेट करने के लिए वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया है तो ये इक्वेशन मिल जाती है लेकिन आप अपने नोट्स में देखिए कि जीरो ओडर, जीरो ऑर्डर ऑर्डर जो रिएक्शन है है फॉर ना पीएफआर में जस्ट सीवीआरस के लिए जब मतलब देखोगे फ्लो रिएक्टर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो वो सेम आपको मिलती है वो सेम आपको मिलती है मैंने लिखा नहीं है बिकॉज बट डायरेक्टली यहां पर मैंने ये लिखा था देखिए सीवीआरस के लिए जो इक्वेशन होती है फ्लो रिएक्टर में वो सेम जो हम लोग आ, हम लोग जो काइनेटिक्स जो हमने पढ़ा था पहले वो उसके इक्वल रहती है वो इक्वेशन है ना बेच रिएक्टर वाली इक्वेशन जो होती है तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर में प्लेक फ्लो रिएक्टर में वीवीआरएस में इक्वेशन सेम मिल रही है बट हमने फिर देखा कि क्या बेच रिएक्टर के लिए जो इक्वेशन है फॉर वीवीआरएस वो कौन सी है तो वो हमने देखा ये ऑलरेडी ये सब चीज हमने लिख रखा है ना बार बार डिराइव बार बार मतलब इन इक्वेशन को डिराइव करने का कोई सेंस नहीं है ना वो वैसे भी हम लोग यहाँ पर क्योंकि विविजन कर रहे हैं तो डिराइव तो मैं कुछ करने करने वाला नहीं ना डायरेक्ट इक्वेशन ही आपको बताऊंगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बेच रिएक्टर में जो वीवीआरएस के लिए जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो वो ये है इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल अलग अलग इक्वेशन है मतलब कि वी के सिस्टम में प्लग फ्लो रिएक्टर और बेच रिएक्टर में जो है वो डिफरेंट होगी जस्ट ने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि सीवीआरएस के, के केस में सीवीआरएस के, के केस में चाहे प्लग फ्लो रिएक्टर हो चाहे बेच फ्लो रिएक्टर चाहे बेच रिएक्टर हो दोनों में जो जो आपको काइनेटिक्स मिलती है फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वो सब आपको इक्वल मिलती है सेम मिलती है बट उसके बाद फिर हमने देखा कि ठीक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वीवीआईस की इक्वेशन देखते हैं तो यहां पर आप देखिए माइनस आर एक्वल टू तो क्या पुट करोगे के इंटू सी ए पावर वन पुट करके इसको जब मतलब जब सोल्व करोगे तो फाइनली ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी ये इक्वेशन फाइनली आपको वी के लिए मिल जाएगी ओके बाकी रिमेनिंग चीजें भी आपको चेंज करनी पड़ेगी वहां पर और उसके अलावा हमें ये पता है कि बेच रिएक्टर के लिए जब हम वी में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखते हैं तो हमको क्या मिलती है माइनस एल ए इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू के टी तो वो इक्वेशन पॉपुलर है इसलिए मैंने जस्ट यहां पर लिख दिया और इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो अलग अलग मिल रहा है तो यहां से सिर्फ यही कंक्लूजन है कि पीएफआर के केस में अगर वीवीआरएस का केस है तो पीएफआर और बेच रिएक्टर में जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो आपको अलग अलग मिलती है ओके okay? तो अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर कंपेरिजन बिटवीन द सी एस टी आर एंड पी एफ आर कंपेरिजन बिटवीन सी एस टी आर एंड पी एफ आर कंपेरिजन बिटवीन द सी एस टी आर एंड पी एफ आर तो देखिए गाइस मतलब ये आपका होता है सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर के पार्ट में आता है कि कौन सा रिएक्टर आपके लिए बेटर है आपके प्रोसेस के लिए तो वो आप कंपेयर करके ही बता सकते हो है ना कौन सा रिएक्टर आपके प्रोसेस के लिए बेटर है तो सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बेटर रिएक्शन बेसिकली बेटर रिएक्टर कौन सा होगा आपके प्रोसेस के लिए वो रिएक्टर जो कन्वर्जन आपको ज्यादा देगा

उसका मतलब देखिए क्या होता है बाइफर्केशन जो पॉइंट होता है वो हमको मिलता है एन इक्वल टू जीरो पे एन इक्वल टू जीरो जीरो ऑर्डर जो है बेसिकली एन इक्वल टू जीरो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताता है बाइफर्केशन पॉइंट जो आपको एन इक्वल टू जीरो पे मिलता है इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ देखिए सिंपल मैं सबसे पहला केस यहाँ पर ले रहा हूँ सबसे पहला केस जो मैं ले रहा हूँ फॉर एन एन ग्रेटर देन जीरो है ना मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है देन उस केस में देखिए क्या होगा सिंपल डिस्कशन यहाँ पर कि टाइम इंक्रीज होने के साथ में टाइम के साथ में कन्वर्जन ऑफ ए इंक्रीज होगा और जो कंसंट्रेशन है ए का वो डिक्रीज होगा बिकॉज ए कन्वर्ट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ केस में रेट लो रेट लो जो है, है मतलब like one, one ले लिया तो इंटू सी सी हो जाएगा मतलब सीए पावर पॉजिटिव है मतलब कि जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो माइनस आ रही भी क्या होगा डिक्रीज होगा ये चीज ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था वही चीज यहां पर फिर से डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अलावा वन अपॉन माइनस आर ए आपका क्या होगा इंक्रीज होगा ये वन अपॉन माइनस आर ए क्यों लिखते हैं परफॉर्मेंस कर्व उसमें हम लोग अपॉन को ही कन्वर्जन या फिर के साथ ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्राफ पर गॉट इट सर ओके ठीक है उसके बाद देखिए अब यहां पर मतलब कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका ग्रेटर देन जीरो है उस केस में आपके लिए कौन सा रिएक्टर बेटर है वो चीज मैं बता रहा हूं तो सिंपल देखिए मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर ग्राफ वन अपॉन माइनस आर ए और वर्सेस कन्वर्जन तो सिंपली हमें पता है हम लोग कंपेयर uh, किसके बीच में कर रहे हैं सी एस टी आर एंड पी एफ आर के बीच में सीएसटीआर पी एफ आर के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सिंपल देखिए हमने दोनों चीज पढ़ा है अभी सी एस टी आर भी पढ़ा है पी एफ आर भी पढ़ा है लाइक like मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये कव मुझे मिल रहा है, है ना वन अपॉइन माइनस आर ए वर्सेज कन्वर्जन के लिए जब हम करोड़ करोड़ जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको ये कव मिल रहा है लाइक like पर मेरा कन्वर्जन है फाइनल कन्वर्जन पर मेरा फाइनल कन्वर्जन है XA.

ये एरिया जो होगा एरिया अंडर द कव आपको टाउपी अपॉन सी ए नोट मिल रहा है लेकिन और वो एरिया अंडर द कऊ होगा नाउ लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सी की तो सी के केस में हम क्या करते हैं जो फाइनल कन्वर्जन पर जो फाइनल कन्वर्जन पर जो रेक्टेंगल बन रहा है उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा बेसिकली इस रेक्टेंगल का जो कंप्लीट एरिया होगा बेसिकली वो क्या होगा वहां पर फॉर सी एस टी आर फोर सी एस टी आर में यहां पर लिख रहा हूं फॉर सी एस टी आर इसका जो एरिया होगा बेसिकली मतलब इस रेक्टेंगुल का जो एरिया होगा वो आपको मिलेगा टाउ एम अपॉन ऑफ सी ए नॉट देखिए ये पी यहां पर डिनोट कर रहा है जो आपका स्पेस टाइम जो लग रहा है प्लग फ्लो रिएक्टर में और टावर यहां पर डिनोट कर मतलब टावर हम लिख रहे हैं किसके लिए सी एस के लिए जो टाइम लग रहा है अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं इस ग्राफ से क्लियरली आप ये देख सकते हो कि प्लग फ्लो रिएक्टर जो एरिया अंडर द कव है वो आपका स्मॉल रहेगा सी एस टी आर के लिए जो रेक्टेंगुलर का एरिया रहेगा उससे ओके ये चीज क्लियर है लेकिन हम जब ये ड्रॉ कर रहे हैं वन अपॉन माइनस आर ए वर्सिस कन्वर्जन तो सिंपली यहां से मैं इनको इस यहां पर ये कमेंट कर सकता हूं मैं कि टाउपी अपॉन ऑफ सी जो है वो लेस देन किससे टाउ एम अपॉन ऑफ सी रिएक्टर और ये हमने लिखा फॉर ओके okay. तो यहां पर देखिए यहां पर सिंपली मैं बोल सकता हूं लाइक इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों केसेस में इक्वल है तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने स्किप कर दिया तो उसके बाद यहां पर टाउपी यह जो है प्लग फ्लो रिएक्टर में वो लेस देन होगा सी एस टी आर से इज लेस देन दाउ एम ओके तो यहां पर सिंपली देखिए टाउप बेसिकली क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर अपॉन ऑफ वॉल्यूमेटिक फ्लोरेड अब हमने कंसिडर किया टाउ है तो जो है वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर तो यहां पर जब हमको मिल रहा है कि पी इज लेस देन टाउ एम तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर इज लेस देन द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर सी एस टीआर वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर सी एस टी आम यहां पर सीएसटी को डिनोट करो रेक्टर तो अगर यह स्टेटमेंट आपको मिल गया मतलब सेम मतलब कन्वर्जन की, की हम बात कर रहे थे तो सेम कन्वर्जन में यहां पर प्लेट फ्लो रिएक्टर में आपको कम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है इसलिए आपके लिए यहां पर कौन सा कौन सा रिएक्टर बेसिकली बेटर होगा आपके लिए प्लेट फ्लो रिएक्टर प्लेट फ्लो रिएक्टर जो है वो बेस्ट रहेगा किस केस में जब रिएक्शन ऑर्डर जो है एन ग्रेटर देन जीरो होगा एन ग्रेटर जीरो के लिए प्लग फ्लो रिएक्टर बेटर है वो इक्वल है होगा तो मतलब अगर रिएक्शन ऑर्डर जो एन इक्वल टू जीरो है उस केस में सिंपल क्या मिल रहा है कि एरिया इक्वल मिल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर जो है वो भी इक्वल मिल रहा है तो चाहे आप सी एस टी आर यूज करो चाहे पी एफ आर यूज करो आपके लिए मतलब कोई भी मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा कन्वर्जन आपको दे रहा है सेम आ, सेम कन्वर्जन मिलेगा आपको मतलब सेम कन्वर्जन के लिए सेम वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ओके अगर जस्ट मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं कि वॉल्यूम अगर मतलब वॉल्यूम अगर आपने फिक्स रखा है और सेम सेम वॉल्यूम के लिए अगर आपको कन्वर्जन ज्यादा मिल रहा है, तो वो रिएक्टर आपके लिए बेटर होगा तो सिमिलरली यहां पर एन तो इक्वल टू तो जीरो का जो पॉइंट होता है उसे पॉइंट बोलते हैं और इस केस में सिंपली क्या होता है Uh, मतलब मतलब कि कि ना ना तो या या मतलब कोई भी यूज करो uh, PFR या फिर फिर दोनों आपको सेम कन्वर्जन देंगे देंगे के लिए है की होगी देख लीजिए में हम लिख रहे हैं फोर एन इज लेस देन रिएक्शन अगर लेस देन जीरो तो उस केस में देखिए रिवर्स हो जाएगा पहले केस का मतलब टाइम के साथ में कन्वर्जन इंक्रीज होगा कन्वर्जन इंक्रीज होगा इनिशियल है डिक्रीज होगा माइनस आर ए जो है वो बिकॉज नेगे माइनस आ रहे मतलब माइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर लिखो तो के इन टू सी ए पावर एन एन कीजिएगा माइनस वन पुट ओके फर्ट नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर लेस देन जीरो है ना माइनस वन लाइक में बोल रहा हूँ तो यहां पर सी ए पावर नेगेटिव है ना सी ए पावर नेगेटिव है तो ये माइनस आ रहे क्या होगा जब जब ये कंसंट्रेशन जो है ये डिक्रीज होगा तो पावर नेगेटिव है तो ये माइनस आ रहे क्या होगा इंक्रीज होगा और वन अपॉइन माइनस आर ए जो है ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो सिंपल ओके okay, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको है ना तो सिंपल यहां पर क्या होगा देखिए वन अपॉन माइनस आर ए वर्सेस कन्वर्जन में हम बात कर रहे हैं यहां पर तो सिंपली देखिए ये कब हमारा किस तरीके का होगा इस ऐसा कुछ होगा कब इनिशियली देखिए यहां पर जीरो कन्वर्जन यहां पर फाइनल कन्वर्जन कुछ है तो फाइनल कन्वर्जन पे देखिए जो कन्वर्जन इंक्रीज हो रहा है तो वन अपॉन माइनस आर ए डिक्रीज हो रहा है इसलिए इनिशियली मैक्सिमम होगा और फाइनली ये मिनिमम होगा वन अपॉन माइनस आर ए की वैल्यू तो इस टाइप का आपको कव मिल जाएगा फाइनल uh, फाइनल जो कन्वर्ज है ना उस परन अपॉन माइनस आर ए की जो वैल्यू मिल रही है उसके लिए ये जो एरिया बनेगा बनेगा ये ये आपका रेक्टेंगल जो आपको किसका एरिया देगा सीएसटीआर के लिए ये सीएसटीआर के लिए होगा और ये जो एरिया अंडर द कॉ मिलेगा इसके एरिया अंडर द का वो किसके लिए होगा पी एफ आर के लिए तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर एरिया जो हमको मिलेगा वो होगा पी अपॉन ऑफ सी ए नोट और यहां पर सीएसटीआर के लिए एम अपॉन ऑफ सी ए नोट तो सिंपली यहां पर आपको क्या मिल रहा है प्लेक् फ्लो रिएक्टर मतलब टाउपी अपॉन ऑफ सी ए नोट ग्रेटर देन मिल रहा है किससे टाव एम अपॉन ऑफ सी ए नोट से तो यहां पर हम बोल सकते हैं टाउपी इज ग्रेटर देन टाव एम और ये हो जाएगा वॉल्यूम के साथ में वॉल्यूम ऑफ फ्लो रिएक्टर इज ग्रेटर देफ फ्लो रिएक्टर इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सी एस टी आर ओके okay, तो अगर सेम कन्वर्जन के लिए प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए वॉल्यूम ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर फॉर ऑर्डर 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 ऑफ रिएक्शन लेस देन तो उस केस में आपके लिए बेटर बेटर रिएक्टर कौन सा होगा जो आपको कम वॉल्यूम में सेम कन्वर्जन दे रहा है तो वो कौन सा होगा एम एफ आर नेक्स्ट फ्लोर रिएक्टर या फिर जिसे हम लोग सी एस टी आर बोलते हैं ना तो सी एस टी आर यहां पर आपको आ, मतलब कि कम वॉल्यूम में सेम कन्वर्जन देगा तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा ना एम एफ आर जो है वो बेस्ट रहेगा तो ये क्लियर हो गया मतलब सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर इजीली कर सकते हो यहाँ से बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओके गाइस सो 134 हो गया जस्ट uh, दो मिनट और हम डिस्कस करते हैं यहां पर तो सिंपल में लिख रहा हूं फॉर एन इज ग्रेटर देन जीरो अभी हमने देखा और कन्वर्जन आपको गिवन है ना फॉर गिवन कन्वर्जन फॉर गिवन कन्वर्जन अगर एन ग्रेटर देन जीरो के लिए हम देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर हमको सी एस टी आर से कम मिलता है तो हम बोलते हैं कि हमारे लिए जो प्लग फ्लो रिएक्टर है वो बेटर है देन उसके बाद सेकेंड केस जो है हम देख रहे हैं कि अगर एन लेस देन जीरो है अगर एन लेस देन जीरो है बट सेम कंडीशन यहां पर फॉर गिवन कन्वर्जन फॉर गिवन कन्वर्जन तो हमने देखा कि वॉल्यूम जो है प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए वो ग्रेटर देन है फॉर वॉल्यूम ऑफ तो हमारे लिए सी एस टी आर बेस्ट है यहां पर उसके बाद हमने देखा था कि फॉर एन इक्वल टू जीरोक्टर एंड फॉर सी एस टी आर वो इक्वल होता है तो यहां पर मतलब दोनों ही हमारे लिए मतलब सेम सेम कन्वर्जन पे सेम वॉल्यूम रिक्वायर्ड है दोनों रिएक्टर के केस में तो हम कोई भी रिएक्टर यूज कर सकते हैं वहां पर कोई चॉइस नहीं आपके पास ना देन उसके बाद में फोर देखिए लाइक फॉर एन ग्रेटर देन जीरो इस बार हम क्या कर रहे हैं गिवन कन्वर्जन की जगह वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया तो गिवन वॉल्यूम के, के केस में जस्ट अभी चीजें चेंज हो जाएगी यहां पर जो कन्वर्जन है मतलब प्लग फ्लो रिएक्टर बेस्ट है तो इसमें जो कन्वर्जन है प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए वो ग्रेटर देन मिलेगा किससे सी एस टी आर के फॉर गिवन वॉल्यूम ना फॉर एन एन ग्रेटर देन जीरो सेम यही वाला केस मतलब कोरोस्पॉन्डिंगली मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर तो फोर्थ फिफ्थ केस देखिए फॉर एन इज लेस देन जीरो एन इज लेस देन जीरो और जो वॉल्यूम है अगर वो फिक्स है फॉर गिवन वॉल्यूम फॉर गिवन वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि जो रिक्वायर्ड यहाँ पर देखिए uh, मतलब कि कन्वर, uh, जो कन्वर्जन हमको मिलेगा फॉर गिवन वॉल्यूम कन्वर्जन फॉर प्लग फ्लोर एक्टर हमको सी एस टी आर से लो मिलने वाला है तो यहाँ पर सी एस टी आर बेचता है यहाँ पर प्लग फ्लोरिएक्टर बेचता और उसके बाद में जो सिक्स केस है फॉर एन इक्वल टू जीरो एंड गिवन वॉल्यूम पर वॉल्यूम जो है वो फिक्स है गिवन वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब फिक्स है ना तो उस केस में कन्वर्जन जो है वो सेम आपको मिलेगा प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए जो कन्वर्जन है वही सी के लिए इक्वल रहेगा तो ये चीज क्लियर है अभी तक तो जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला देखिएगा इस मल्टीपल रिएक्टर सिस्टम मल्टीपल फाइन सर ओके फाइन ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मल्टीपल रिएक्टर सिस्टम तो मल्टीपल रिएक्टर सिस्टम में मतलब कि हम लोग जब एक से ज्यादा सी मतलब कि रिएक्टर लाइक यूज कर रहे हैं लाइक फॉर एक्जाम्पल हम लोग सी एस टी आर यूज कर रहे हैं सीरीज में पी एफ आर यूज कर रहे हैं सीरीज में है ना मतलब इनको आप लोग uh, मतलब जो रिएक्टर्स है उनको सीरीज में यूज कर सकते हो पेलली यूज कर सकते हो गुड टू गो बट ठीक है यहाँ पर uh, मेरा जो फेस है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है लेकिन हम लोग इसके uh, बिना ही स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट uh, टाइम uh, कल मॉर्निंग में जो क्लास लेंगे उसमें मैं ठीक कर लूंगा उसको सो so, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर देखिए मल्टीपल रिएक्टर सिस्टम है तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं देखिए सी अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें सी एस इन सीरीज ओके सी को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें और मैं कंडीशन यहां पर रख रहा हूं सीवीआरएस सीवीआर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं क्लियर है लाइक देखिए लाइक एक सी एस टी आर यहां पर है इसको हमने अनदर किसी सी एस टी आर से सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से तो अब इंडिविजुअली देखिए हम इसका जो टाइम मतलब टाव जो हम लोग स्पेस टाइम डिफाइन कर रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट हो 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 गया, M2 हो गया, M3 हो गया, वो इसके लिए कर रहे हैं। है इनिशियल है, है? so, जो है वो सी ए नोट हो गया देन उसके बाद में वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट वी नोट हो गया न्यू नोट हो गया उसके बाद में कन्वर्जन जो है इनिशियली जीरो होगा ओके लाइक यहां पर जो सी एस टी आर उसको हम कंसिडर कर रहे हैं वी वन वी टू वी थ्री उसके बाद देखिए फर्स्ट फर्स्ट सी एस टी आर से जो आउटलेट कंसलटेशन है उसको मैं सीए वन लिख रहा हूं उसके बाद यहां पर जो वोटिक फ्लोरेट न्यू नोट कॉन्स्ट है देन सेकंड सी एस टी आर से आउटलेट कंसलटेशन जो है वो सीए नो सीए टू एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेड सी ए टू फाइनल कंसलटेशन देखिए यहाँ पर सीए थ्री हो जाएगा और वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेड सी न्यू न्यू नोट है ना सी ए थ्री हो गया यहाँ पर कंसनटेशन और न्यू नोट हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेड तो अब देखिए इस सिस्टम के लिए अगर आपको डिफाइन करना हो कंसंटेशन तो कंसंटेशन हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे ऑलवेज ऑलवेज हम कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन सी एनोट के टाइम में चाहे आप सेकंड सी के लिए कन्वर्जन डिफाइन करो चाहे थर्ड थर्ड मतलब कि रिएक्टर uh, के लिए कन्वर्जन डिफाइन करो आपको ऑलवेज इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी यूज करनी है सी एनोट मीस हम एक्स से जब कन्वर्जन डिफाइन करते हैं तो हम किस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी ए नोट तो यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं फाइनल कंसंट्रेशन मतलब कि जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी एट द आउटलेट ऑफ द फर्स्ट सी एस तो वो कितना होगा सी ए वन इज इक्वल टू सी ए नॉट इन टू वन माइनस ए वन अब यहां से देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए वन इज इक्वल टू वन माइनस सी ए वन ऑफ सी ए नॉट सिमिलरली देखिए मैं लिख सकता हूं सेकेंड रिएक्टर का जो आउटलेट कंसंट्रेशन होगा सीए टू इक्वल टू वो होगा सीए नोट इन टू वन माइनस एक्से टू मीनस यहां से अगर मैं कन्वर्जन एक्से टू लिखू देखिए तो कितना हो जाएगा वन माइनस सी ए टू अपन ऑफ सी ए तो इसी कन्वर्जन की मैं बात कर रहा था कि जो कन्वर्जन हम डिफाइन करते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन पर बेस्ड हम डिफाइन करते हैं तो टैंक टैंक वन जो जो यहाँ पर देखिए ये टैंक वन है ये टैंक टू है ये टैंक थ्री है ना तो सी एस टी आर जैसे हम बोल रहे हैं तो सी एस टी आर वन के लिए अगर मैं टाउ लिखू तो टाउ क्या हो जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सी एस टी आन इज डिडेड बाई व्यूमिक फ्लोरेट इसको हम लिखेंगे टाउ वन सो टाउ वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन न्यू नोट तो यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं इसको सीए सी ए नोट इन सी ए नोट माइनस ऑफ सी ए वन इज डिवाइडेड बाई माइनस आर ए वन ये बेसिकली मैंने क्यों लिखा कंसंट्रेशन कंसेंटेशन की टाइम में बिकॉज यहां पर हमने कंसिडर किया है कि ये सीबीआर सिस्टम है ओके सिस्टम में हम लोग डायरेक्टली टाउ को कंसंट्रेशन के टाइम में लिख सकते हैं ओके सो देखिए अगर मैं यहां पर कंसिडर करूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है हमको यहां पर सी एस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो उसके लिए देखिए आउटलेट कंसंट्रेशन रिएक्टर वन के आउटलेट कंसंट्रेशन सी वन मुझे लिखना है तो वो क्या हो जाएगा सी ए नोट अपॉन ऑफ वन प्लस के वन इन टू टावन क्लियर है तो लाइक फर्स्ट सी एस टी आर के आउटलेट कंसंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे सी ए वन इक्वल टू सी ए नोट अपॉन ऑफ वन प्लस वन इंटू टाउ वन ओके ठीक है है ना तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट जो सी एस टी आर उसके लिए आउटलेट कंसलटेशन सी एनवलोट क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं uh, जो आउटलेट कंसंट्रेशन है लाइक like, अब हमने यहां पर consider, अगर हम लोग कंसिडर करें कि एन टन टैंक कनेक्टेड है, CS, uh, में, N है पर, में, तो उसके लिए देखिए हम लोग कंसंट्रेशन uh, का रिलेशन यहां पर

इंटू टाउ एन टाउ एन पावर एन क्लियर है तो इस तरीके से आपको ये फाइनल कन्वर्जन कैलकुलेट करना आना चाहिए कि XN जो है वो हो जाएगा वन अपॉन ऑफ वन माइनस ऑफ वन अपॉन ऑफ वन प्लस के इन टू टाउ पावर ऑफ एन ओके गाइस तो देखिए ये ये क्लियर है सीएसटीआर केस में ओके okay, क्लियर है ऑडियो ठीक है कंटिन्यू uh, कर यहां पर तो यहां पर इस मतलब कि सी अगर सीरीज में कनेक्ट है तो आपको वहां पर फाइनल कन्वर्जन कैलकुलेट करना आना चाहिए और कन्वर्जन uh, के लिए आपको कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैलकुलेट करना आना चाहिए तो एन एन टैंक अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरीके से आप फाइनल फाइनल कंसंट्रेशन और कन्वर्जन कैलकुलेट कर सकते हो नाउ नेक्स्ट देखिए लाइक अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एमएफआर फोलोड बाई पी एफ आर तो सिंपल एमएफआर फोलोड बाई पी एफ आर का मतलब क्या होगा कि पहले एम एफ आर रिएक्टर यूज हो रहा है यूज़ हो रहा, उसके बाद में पी एफ आर यूज हो रहा है आपको मतलब 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 कि कि जस्ट जस्ट अगर इस तरीके से थ्योरी लाइन गिवन है मतलब क्वेश्चन में तो आपको इस तरीके से कंसिडर करना है कि पहले आपका एम एफ आर टैंक है उसके बाद में पी एफ आर कनेक्टेड है जस्ट मैं ये बता रहा हूं यहां पर मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा इस तरीके से गिवन हो तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सिमिलरली आपको इस तरीके से गिवन हो सकता है कि एम एफ आर फोलोड बाई बिगर बिगर एम एफ आर है डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम गिवन है तो उस केस में आप क्या करोगे सबसे पहले स्मॉलर स्मॉलर एमएफआर मतलब सी एस भी हम इसे बोलते हैं मिक्स फ्लो रिएक्टर तो लाइक यहां पर स्मॉल सी एसटर हो गया उसके बाद में बिगर सी एस हो गया तो इस तरीके से हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट वहां पर कंसंट्रेशन डाटा होगा वो हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा वहां से हम लोग मोस्टली तो कन्वर्जन या वॉल्यूम यही सब टाइम पूछता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ अब नेक्स्ट देखिए मैं यहां पर एक टाइम डिस्कस कर रहा हूँ डैम खोलर नंबर तो ये बेसिकली हम लोग फ्लो रिएक्टर्स के लिए डिफाइन करते हैं ना फ्लो रिएक्टर्स के लिए हम लोग ये टाइम पढ़ते हैं

एन एथ ऑर्डर के लिए लिखा है अगर आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेमकोलर नंबर लिखना हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम कैसे लिखेंगे डी ए डी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इन टू टाउ हो जाएगा है ना यहां पर एन एन इक्वल टू वन पुट करोगे तो सी ए नोट पावर यहां पर हो जाएगा जीरो उसके अलावा लाइक आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो डेमकोलर नंबर डी एन इज इक्वल टू के इंटू टाउ इंटू सी ए ये चीज क्लियर है तो डेमकोलर नंबर बेसिकली देखिए क्या देता है हमको डी एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमको ये किसके बीच में रिलेशन दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ कन्वेक्शन रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ऑफ रेट ऑफ कन्वेक्शन रेट ऑफ कन्वेक्शन

Uh, तो तो like, जन तो पे क्या होगा जो कन्वर्जन बेसिकली आपको मिलेगा वो लाइक प्लेक्लो रिएक्टर आपको मिलेगा मतलब एनसीएस अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो कन्वर्जन है वो आपको लाइक ए प्लेट फ्लो रिएक्टर मिलता है ओके okay? नाउ अब एक और डिफरेंस देखिए सीएसटीआर और पीएफआर में पीएफआर में हम देखते हैं कि जो फाइनल मतलब जो फाइनल आउटलेट कंसंट्रेशन होता है वो विद लेंथ डिक्रीज होता है है ना जो मतलब कि कंपोनेंट ए का जो कंसंट्रेशन है वो लेंथ के साथ में डिक्रीज होता है मतलब सडन ड्रॉप उसमें नहीं होता है फाइनल आपको मतलब कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो लाइक like, uh, मतलब कि जस्ट uh, एक पॉइंट पे नहीं मिलती है बट सी में क्या होता है हम जो बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है मतलब कि रिएक्टर के अंदर तो आप एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं और फाइनल जो हमको आउटलेट कंसंट्रेशन मिलती है वो जस्ट आपको मतलब कि कि सीएसटीआर के किसी भी पॉइंट पे मिल जाता है मतलब सडन लाइक ड्रॉप होता है जैसे ही आपने फीड इंट्रोड्यूस किया तो जो आउटलेट कंसंट्रेशन होती है वही कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन रिएक्टर के अंदर concentration होती है तो इसमें देखिए हम लोग सिंपल uh, अगर अरेंजमेंट देखें यहां पर कंसंट्रेशन वर्सिस कंसंट्रेशन वर्सेस लेंथ की हम बात करें ना लेंथ ऑफ रिएक्टर लेंथ अलोंग अलोंग द रिएक्टर की हम बात करें कंसंट्रेशन में हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो सिंपली देखिए पी एफ आर जब लेंथ की बात करेंगे तो पी एफ आर की हम बात करेंगे तो पी एफ आर में बेसिकली क्या होता है कि उसकी लेंथ के साथ में जो रिएक्टेंट uh, है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है इस तरीके से नाउ अगर देखिए हम लोग अगर एक सिंगल सी एस टी आर यूज करते हैं तो सिंगल सी एस टी आर में क्या होता है कि आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है लाइक सी एनोट है उसके बाद में आपको फाइनल कंसंट्रेशन जो मिल जाएगी बट प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या होता है आपको इस तरीके से मतलब की जो कंसंट्रेशन है वो मतलब की डिक्रीज मतलब की लोअर uh, कंसंट्रेशन आपको मिलती है हर एक

तो सिंपली आपको क्या लिखना है कि अगर एन सी एस टी आर सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो जो कन्वर्जन होता है वो किसको किस, किसके अप्रोक्सिमेटली हो जाता है पी एफ आर का जो कन्वर्जन है उसके इक्वल हो जाता है ओके okay? का जो कन्वर्जन होगा उसके इक्वल हो जाएगा जो आपके एनसीएसटीआर का जो कन्वर्जन रहेगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं देखिए और हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं फॉर एन इज ग्रेटर देन जीरो नंबर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए सिंपल देखिए लाइक कन्वर्जन है पी एफ आर में हमको हमें पता है कि पी एफ आर में जो कन्वर्जन है वो फॉर एन इज ग्रेटर देन वो आपका सीएसटीआर से ग्रेटर देन रहता है अगर हम लोग पॉजिटिव ऑर्डर की बात करें तो पी एफ आर में जो कन्वर्जन है सेम वॉल्यूम के केस में आपको कन्वर्जन वहां पर हाई मिलेगा सेम वॉल्यूम के केस में लेकिन अगर आप एन एनसीएसटीआर को कंपेयर करो एन सी एस टी आर को अगर सीएसटीआर से तो वहां पर देखिए एन के केस में आपको कन्वर्जन मतलब कि ज्यादा मिलने वाला है अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट की कंडीशन ही रखो तो बिकॉज एन हमने अभी जस्ट बात किया कि वो पीएफआर की तरह वर्क करेगा ना उसके बाद देखिए अगर आप कंपेयर करो कन्वर्जन कन्वर्जन uh, हो गया उसके बाद में लाइक वॉल्यूम की बात करो कि अगर आपने कन्वर्जन फिक्स कर दिया तो एन और एन जो है बेसिकली उसमें जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो सिंगल सी से लो रिक्वायर्ड होगा बिकॉज उसमें आपका कन्वर्जन जो है फॉर एन इज ग्रेटर देन जीरो हाई मिलता है नो देखिए मैं इंपॉर्टेंट अभी डिस्कशन एक करने वाला हूं अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए गेट एग्जाम में अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर्स अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर्स देखिए आइडियल रिएक्टर की हम यहां पर बात कर रहे हैं देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बेटर बेटर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको कम वॉल्यूम के साथ में हाई कन्वर्जन मिल जाए वहां पर आपका बेटर बेटर मतलब कि बेटर आपका रिएक्टर होगा तो सिंपल देखिए यहां पर पहली कंडीशन तो ये हमने सिंपल जो बोली है कि बेटर अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर कौन सा होगा जहां पर आपको हाई कन्वर्जन मिल जाएगा फॉर लोअर वॉल्यूम अब सेकंड टाइम देखिए यहां पर एक टाइम हम अब यूज करेंगे एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग हम यहां पर यूज कर रहे हैं टाइम एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग देखिए मतलब वो लो क्यों रहता है एज कंपेयर टू बिगर सी एस टी आर एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो स्मॉल सी एस टी आर के लिए लो रहता है ओके okay, लो रहता है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू बिगर सी एस टी आर इसका रीजन मैं आपको पहले बता देता हूं उसके बाद हम यहाँ पर आगे डिस्कशन करेंगे

जब एक बिगर सीएसटीआर है तो होता क्या है बिगर के केस में लाइक यहां पर यहां पर आपका इस डायरेक्शन में जिस आ, जिस डायरेक्शन में आपका एजिटेटर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका फ्लूड मूव कर रहा है लेकिन जब बिगर सी एस टी आर होता है तो आपका यहां पर बेक मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली जो बेक मिक्सिंग होता है उसकी वजह से होता क्या है कि जो मिक्सिंग है ओवरऑल मिक्सिंग वो आपका इंक्रीज हो जाता है ना तो अगर आपका एक बिग सी एस टी आर तो बिग सी एस टी आर केस में क्या होगा जो मिक्सिंग है बेसिकली वो मोर रहेगा है ना मिक्सिंग मोर रहेगा और आप बोल सकते हो कि बेक मिक्सिंग भी वहां पर रहेगा इस वजह से ओवरऑल जो मिक्सिंग है वो वहां पर आपको लाइक ग्रेटर देन मिलने वाली है कंपेयर टू स्मॉल सी एस टी आर नाउ इसके अलावा अगर हम पी एफ आर की बात करें तो पीएफआर में देखिए हमने देखा कि जो एक्सेल मिक्सिंग होता है वो तो हम कंसिडर ही नहीं करते पीएफआर में पीएफआर में ओनली रेडियल मिक्सिंग कंसिडर करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि नो मिक्सिंग पीएफआर केस में मतलब मिक्सिंग का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है ओके okay, तो मिक्सिंग का वहां पर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है जीरो मिक्सिंग रहती है पीएफआर के केस में तो पीएफआर के केस में सिंपली क्या होता है कि जो कन्वर्जन होता है जो कन्वर्जन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है मतलब लाइक आपने क्या किया कि N, N आपके पास में है okay, मतलब okay, पहले मैं बोलता हूँ एक पीएफआर आपके पास में वॉल्यूम वी का उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो वी गिवन है

जो हम अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर देख रहे थे ऑर्डर के साथ में रिएक्शन ऑर्डर के साथ में लाइक like, अगर एन इज ग्रेटर देन वन है एन इज ग्रेटर देन देन है उस केस में देखिए डिजायर्ड होता है कि आपको ले, जो लेट मिक्सिंग है वो डिजायर्ड रहती है क्लियर है आपको सिंपल यह याद रखना कि एन ग्रेटर देन ग्रेटर देन है मतलब कि आपको लेट मिक्सिंग चाहिए सिंपल इस तरीके से आप फंडा बना सकते हो कि एन ग्रेटर देन वन है मतलब कि आपको लेट मिक्सिंग जो है वो आपके सिस्टम के लिए प्रिफरेबल रहेगी

तो उसके बाद हम यूज करेंगे सेकेंड बिग सी एस टी आर तो इस तरीके से मतलब हम लोग अरेंज कर सकते हैं जो हमारे पास में रिएक्टर गिवन है उनको उसके अलावा देखिए अगर हम लोग पीएफआर की बात करें तो पीएफआर देखिए जहां पर आपका मतलब कि मिक्सिंग मिक्सिंग मतलब होता ही नहीं है बेसिकली ना पी एफ आर केस के में मिक्सिंग का इंपेक्ट नहीं आता जीरो मिक्सिंग होती है तो जब लेट मिक्सिंग प्रिफेर कर रहे हैं तो पी एफ आर को हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे उसके बाद में हम यूज करेंगे स्मॉल सी एस टी आर उसके बाद में हम यूज करेंगे बिग सी एस टी आर तो यहां पर क्लियरली एक ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एन जब ग्रेटर देन वन है तो एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग जो बेसिकली है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट मतलब आपका जो रिएक्टर है वहां पर इनिशियल initial, इनिशियली मतलब आपका मिक्सिंग कम रहता है और वो इंक्रीज होता है टूवर्ड्स द एंड नाउ उसके बाद देखिए सेकेंड यहां पर मैं लिख रहा हूं कि अगर रिएक्शन ऑर्डर जो है वो आपको गिवन है एन लेस देन वन फोर एन लेस देन वन तो उस केस में बेसिकली देखिए लेस देन वन है मतलब कि आपको अर्ली मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी अर्ली मिक्सिंग अर्ली मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी अर्ली मिक्सिंग जो है वो प्रिफरेबल होगी तो सिंपल मैं यहां पर लिख रहा हूं देखिए अर्ली अर्ली मिक्सिंग मिक्सिंग के केस में हम क्या यूज बिग सी एस टी आर अगर स्मो सी एस टी आर को कंपेयर करें तो हम लोग पहले यूज करेंगे बिग सी एस टी आर उसके बाद हम यूज करेंगे स्मॉल सीएसटीआर और उसके बाद अगर आपको पीएफआर गिवन है तो पीएफआर में आपका मिक्सिंग रहता ही नहीं है तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में यूज करेंगे तो मतलब कि सिंपल बिग सी एस टी आर सबसे पहले यूज करेंगे उसके बाद में स्मोल सीएसटीआर उसके बाद में हम यूज करेंगे

CHTR में मतलब कि ये ये सब स्टेटमेंट हम कहां से कमेंट करते हैं मतलब डिफरेंट टाइप के हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब कि एंड जो, जो मतलब कि सी एस टी आपके पास में दो सी उनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो कन्वर्जन है वो आपको हाई मिलता है अगर आप उनको सेम uh, सी uh, को अगर पैरेलल में यूज करो तो कन्वर्जन लो मिलता है तो ये स्टेटमेंट आपको फॉर पॉजिटिव ऑर्डर पॉजिटिव ऑर्डर के लिए याद रखनी है ये बात ना ना नेक्स्ट देखिए अगर जो एन जो ऑर्डर है अगर वो वन हो जाए अगर ऑर्डर जो है वो वन हो जाए मिक्सिंग का इंपैक्ट नहीं होता मतलब अर्ली मिक्सिंग और जो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं है ना मतलब अर्ली मिक्सिंग और लेट मिक्सिंग की हम बात नहीं करेंगे तो फिफ्थ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि फोर एन इज फोर एन इज इक्वल टू वन सिंपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जो हमारा अरेंजमेंट है बेसिकली है ना

यहां पर स्टेटमेंट में लिख रहा हूं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर देखिए सी केस में कि अगर आपके पास में दो सी एस टी आर सीरीज में कनेक्टेड है ना दो सी एस टी आर अगर सीरीज में आप कनेक्ट करते हो तो आपको जो मतलब कि कन्वर्जन बेसिकली है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये स्टेटमेंट आपका होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर दो सी एस टी आर आपके पास में टू सी एस टी आर जो है अगर आपने उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है इफ टू सी एस टी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ टू सी एस टी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइएस्ट कन्वर्जन देन द हाइएस्ट कन्वर्जन मतलब उसमें हम लोग अचीव कर पाएंगे बेसिकली ओके फॉर इक्वल वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम के सी एस टी आर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप उनको सीरीज में कनेक्ट करो तो जो कन्वर्जन है वो आपको हाइएस्ट मिलेगा सीरीज में कनेक्ट करने पर अगर सेम म साइज का अगर आप एक एक सिंगल सी एस टी आर अगर यूज करते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको कन्वर्जन लो मिलेगा उन मतलब कि उसको मतलब कि उस वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड करके दो सी एस टी आर अगर सीरीज में कर, यूज करते हैं तो आपको कन्वर्जन ज्यादा मिलता है नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग रिएक्टर को रिएक्टर को अगर हम पैरेलल में अगर यूज करें तो देखिए क्या इंपैक्ट आएगा हमारे सिस्टम पे अगर हम रिएक्टर्स को पैरेलल यूज करें रिएक्टर्स इन पैरेलल अरेंजमेंट रिएक्टर्स इन द पैरेलल अरेंजमेंट तो सिंपल देखिए यहां पर हूं सी एस टी आर दो है, आपने उनको उनको मतलब कि पेडलली कनेक्ट कर दिया तो आपके पास टोटल लाइक फ्लोरेट है एफ ए नोट जो कंसंट्रेशन है वो सी ए नोट और वोल्यूमेटिक फ्लोरेट न्यू नोट अब यहां पर हम लोग सी की बात कर रहे हैं ये सी एस टी आर है एक सी एस टी आर ना तो सिंपल यहां पर देखिए

लाइक like, जिस, जिस रिएक्टर का वॉल्यूम वहां पर हाई रहेगा ओके okay, उस केस में उसका जो उस साइड में वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट जो रहेगा वो भी मतलब कि आपको मतलब ज्यादा रखना है कंपेयर टू जो मतलब अनदर अनादर सी उस केस में है ना तो सिंपल यहां पर हम लिख रहे हैं लाइक कि जो वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट है वो चेंज हो जाएगा देखिए टोटल टोटल मोलर फ्लोरेट था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया उसके बाद में फ्लोरेट है उसको मैंने न्यू नोट वन लिख दिया उसके बाद यहाँ पर कंसनट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगा जस्ट आप स्प्लिट कर रहे हो सिंपली पर पर है ना देन उसके बाद में देखिए सेकंड केस में हमने लिख दिया कि एफ ए टू फ्लोरेट न्यू नोट न्यू नोट टू उसके बाद में वहां पर कंसंट्रेशन जो है सेम रहेगा तो अगर आउटलेट कंसनट्रेशन आपको अगर सेम रखनी है यहाँ पर वी एम वन और वी एम टू केस में है ना डिफरेंट डिफरेंट साइज के अगर आपके पास में यहाँ पर सी एस टी आर तो ये रेशो आपको मेंटेन करना है फॉर कॉन्स्टेंट

तो यहां पर लाइक हमने वॉल्यूम डिफाइन कर दिया वीपी वन और VP2. तो अगर आउटलेट कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट रखनी है अगर आउटलेट कंसंट्रेशन uh, दोनों केस में अगर कांस्टेंट रखनी है दोनों uh, मतलब कि रिएक्टर uh, के केस में तो सिंपली आपको क्या करना है ये जो है बेसिकली टाओ और V बाई एफ ये आपको क्या करना है कांस्टेंट मेंटेन करना है ये आपको मतलब कि इक्वल मेंटेन करना है दोनों रिएक्टर के केस में क्लियर गाइस सो तो उसके बाद देखिए मतलब प्रिफरेबल जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली रिएक्टर का वो रहता है सीरीज मतलब सीरीज में अगर हम लोग कन, कनेक्ट करते हैं रिएक्टर्स को तो हमको जो कन, अ, मतलब कि कन्वर्जन है वो हाई मिलता है देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टाइप है बेसिकली वो है सेमी बेच हमने मतलब कि टाइप ऑफ रिएक्टर जब आइडियल टाइप ऑफ रिएक्टर हमने डिस्कस किया था जस्ट मैंने बताया था कि टाइप हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेच रिएक्टर आफ्टर बेच रिएक्टर हम डिस्कस करेंगे फ्लो uh, जिसमें हमने देखा कि लाइक सी एस टी आर एंड उसके बाद में प्लग फ्लो रिएक्टर हो गया ये फ्लो रिएक्टर्स होते हैं देन फाइनली जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्टर होता है वो होता है सेमी सेमी रिएक्टर का मतलब समझिए सेमी बेच रिएक्टर में मतलब लाइक like, मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं देखिए एक टैंक आपके पास में है ये टैंक आपके पास में एक रिएक्टर है मतलब इसमें कंटिन्यूसली आप फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक फिक्स रेट से कंटिन्यूअसली फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हो ये फीड जो है वो कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस कर रहे हो बट आउटलेट यहां पर आउटलेट मतलब जो है वो आप कंटिन्यूअसली मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली आप रिमूव नहीं कर रहे हो क्लियर है तो यहां पर देखिए मतलब फीड तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो बट आउटलेट जो है वो आप एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक सेपरेट कर दो ये आपका हो गया एक सेमी बेस्ट टाइप का रिएक्टर है ना सेमी कंटिन्यूस आप इसे बोल सकते हो सेमी बेच या फिर सेमी कंटिन्यूस ही हो गया सेमी कंटिन्यूस है ना तो इसमें सिंपली देखिए हम अगर रिएक्शन लिखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं लाइक ए से कोई प्रोडक्ट बी मतलब रिएक्टेंट uh, ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है यहाँ पर रेट 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 ऑफ ऑफ जो वो के है देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो वन यहां पर है तो सिंपली इस टाइप के सिस्टम के लिए आपको क्या करना है आपको यहां पर बैलेंस लिखना है सिस्टम पे लाइक रेट ऑफ इन माइनस ऑफ रेट ऑफ आउट प्लस ऑफ जनरेशन माइनस ऑफ माइनस ऑफ कंजम्पशन इक्वल टू अक्यूमुलेशन तो ये अनस्टी स्टेट प्रोसेस हो गया यहां पर अक्यूमुलेशन वाला आपका टाइम रहेगा तो यहां पर देखिए लाइक हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया सेमी बेच का इसमें इन आपका कंटिन्यूस है लेकिन आउटलेट फ्लोरेट कंटिन्यूस नहीं तो ये जीरो हो जाएगा उसके बाद में यहां पर कुछ जनरेशन नहीं हो रहा है आप कंसिडर नहीं कर रहे लेकिन मतलब कंज्यूम इसमें हो रहा है जो कंटिन्यूसली जो इनलेट फ्लोरेट आ रहा है वो यहां पर इसमें होल्ड कर रहा है ना तो कंजम्पन हो रहा है और हो रहा है उसके बाद में यहां पर इनलेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहां से देखिए अगर मैं इस पे बैलेंस लिखूं तो ये हो जाएगा ca नॉट इनटू न्यू नॉट माइनस ऑफ कंजप्शन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ra इनटू ऑफ वॉल्यूम v इक्वल टू d बाय dt d बाय dt इनटू ca इनटू ca इनटू v यहां पर अगर आप आ, मतलब इस इक्वेशन के लिए आप अगर यूनिट देखोगे तो आपको मोलार मतलब कि मोलर रेट में मिल जाएगा किलोमोल

तो अब यहां पर देखिए हम P और R की टर्म में यहां पर देखिए लिख सकते हैं D D, D मतलब D ऑफ D, D C D C P मतलब P के लिए इसके, इसके लिए हम लिख रहे हैं D C P अपॉन ऑफ D T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R P है ना ये हम लोग मतलब इसके लिए रेट लो लिख रहे हैं पर पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए K one into C A के वन इंटू सी ए पावर ऑफ एन वन हम लोग इस इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं यहां पर रिएक्टेंट हमारा ए है तो उसकी कंसंट्रेशन सी ए पावर देखिए इसमें यहाँ पर रेट हो गया और यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन वन हो गया नाउ सेकंड देखिए अगर आपको लिखना हो डी सी आर अपोन ऑफ डी टी तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली रेट लूफोर आर है ना यहां पर जस्ट ये हम लोग मतलब प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं इसलिए पॉजिटिव आ रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा देखिए के टू इन सी ए पावर एन टू ना उसके अलावा अगर हम लोग रेट ऑफ डिस लिखे रेट ऑफ ऑफ़ रिएक्टेंट अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस ऑफ डी अपॉन ऑफ डी टी हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आर ए माइनस ऑफ आर इक्वल टू यहां पर क्या मिल जाएगा हमको देखिये पावर एन वन प्लस ऑफ के टू प्लस ऑफ के टू सी ए पावर एन टू इस तरीके से हम लोग रेट लो डिफाइन कर सकते हैं ओके okay, गाइस

माइनस ऑफ के टू इन टू सी यहां पर देखिए सी ए आया पर क्या आएगा सी बी आएगा सी बी पावर एन टू देन अगर आप c के लिए लिखो तो c यहाँ पर मतलब कि प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हो रहा है उसका डिसअपेरेंस नहीं हो रहा है तो डी सी अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू के टू इन सी बी पावर एन टू इस तरीके से आप लोग रेट लो लिख सकते हो

सिस्टम तो हम जो यहां पर अभी डिस्कस करेंगे वो वैलिड होगी फॉर बेच रिएक्टर एंड सीवीआर एस है ना कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम प्लग फ्लो रिएक्टर तो सिंपल देखिए पहला केस में यहां पर लिख रहा हूं कि हमें सीरीज रिएक्शन गिवन है कि ए से बी यहां पर फॉर्म हो रहा है और बी से सी फॉर्म हो रहा है और यहां पर देखिए मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट केस है वो किस पे डिपेंड करेगा देखिए हमने यहां पर कंसिडर कर लिया कि दोनों के लिए मतलब A से B के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है और B से C के लिए भी आपको यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है उसके अलावा यहां पर रेट कॉन्स्टेंट जो है वो के वन एंड के टू है ये चीज फर्स्ट केस हो गया तो सिंपल देखिए इस केस में अगर मैं सी ए डिफाइन करूं तो सी ए बेसिकली क्या हो जाएगा सी एज इक्वल टू सी ए नॉट इन टू ई पावर माइनस ऑफ वन इंटू टी इस तरीके से लिख सकता हूं मैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहां पर लिख दिया है सी ए इक्वल टू सी ए नॉट इंटू पावर माइनस के टी अगर आपको यहाँ पर सी आउटलेट मतलब final concentration of B अगर है तो आपको क्या मिलेगी के वन इंटू सी ए नॉट अपॉन ऑफ के टू माइनस ऑफ के वन इज मल्टीप्लाई बाई पावर माइनस ऑफ के वन इंटू टी माइनस ऑफ ई पावर माइनस ऑफ ई पावर माइनस के टू इंटू टी ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बेटर रहेगा ना ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है देखिए आपको यहाँ पर इस इस केस के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको यहां पर फाइनल जो कंसेंट्रेशन जो है बी की वो आपको मिलती है देखिए सी बी इक्वल टू के वन इंटू सी ए नॉट अपॉन ऑफ के टू माइनस के वन इज मल्टीप्लाई बाई पावर माइनस के वन टी माइनस ऑफ ई पावर माइनस के टू इंटू टी ये आपको इक्वेशन याद रखनी है सिमिलरली आप सी के लिए भी लिख सकते हो देखिए सी के लिए जो यहां पर हमको फाइनल कंसंट्रेशन मिलेगी वो मिलेगी देखिए सी सी इक्वल टू सी ए नॉट C C equal to C इस तरीके से हम लिख सकते हैं फाइनल सी के लिए भी आउटलेट कंसंट्रेशन अब ये जो मैं लिख रहा हूँ देखिए ये लिख रहा हूं मैं बेच रिएक्टर बेच रिएक्टर और सीवीआरस सिस्टम के लिए अगर आप यहां पर लिखो कि ये सी के लिए वैलिड तो रिएक्शन तो ये टी के लिए वैलिड नहीं होगी फोर सी मैं यहां पर साइड में लिख लिख देता हूं यहां पर देखिए फोर सी आउटलेट कंसंट्रेशन अगर आप लिखो तो ये हो जाएगा देखिए सी इज इक्वल टू सी ए नोट अपॉन ऑफ वन प्लस के वन टाउ

वन इंटू सी ए नॉट इंटू टाउ इज डिड बाई इज डिड बाय प्लस के वन इंट टाउ इंटू वन प्लस के टू इंटू टाउ तो सिंपली मतलब जब सी एस टी आर का केस होता है तो उसमें देखिए ये जो डिनोमिटर जो पार्ट है ना वो आ जाता है यहां पर देखिए फर्स्ट जस्ट यहां पर हम जब इस फर्स्ट के लिए लिख रहे थे सी ए आउटलेट कंसल्टेशन तो अपॉर्ट में वन प्लस के वन इंटू टाउ था देन अगर हम सेकंड के लिए लिखेंगे तो यहां पर दो टाइम आ जाएगी पहले वन प्लस के वन इंटू टाउ दे उसके बाद में वन प्लस के टू इंटू टाउ तो इसी तरीके से लाइक एन अगर मतलब कि हमारे पास लाइक एन रिएक्टर है तो उस केस में सिमिलरली हमने यहां पर क्या कर दिया था वन प्लस के इंटू टाउ पावर एन कर दिया था ओके हमने वहां पर रेट कांस्टेंट जो के है और जो टाउ है वो इक्वल कंसिडर हमने सभी रिएक्टर के लिए तो इस तरीके से ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए तो हमें बेसिकली जो याद रखना वो ये सीवीआरएस सी वाला केस याद रखना सीवीआरएस आ, 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 मतलब कि सी सिस्टम तो हो गया फॉर फ्लो रिएक्टर हमको याद रखना फॉर इस, इस, इस तरीके से हम लोग फाइनल याद रखना okay सिंपली मतलब ये आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन हम लेफ्ट में लिख रहे हैं ये रिएक्शन आप अगर क्वेश्चन में आपको सी एस टी आर गिवन तो ये रिएक्शन आप यूज नहीं कर सकते हो देन देखिए नेक्स्ट मैक्स टाइम देखिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं देखिए मतलब मैक्स मैक्स का मतलब कि मैक्सिमम टाइम बेसिकली जो है वो यहां पर कितना होगा मतलब कोई भी कंसेंट्रेशन लाइफ आपको लिखना है कि सीबी यहां पर सीबी मैक्स सीबी मैक्स के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो आपको कैलकुलेट करना है ये जो यहाँ पर बी जो कंपोनेंट है इसकी अगर फाइनल जो कंसंट्रेशन अगर मैक्स हो सीबी मैक्स आपको दे दिया तो सीबी मैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम है वो आपको कैलकुलेट करना तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन के टू माइनस ऑफ के वन इज मल्टीप्लाई बाई एल एन ऑफ के टू अपॉन ऑफ के वन इस तरीके से आप याद रख सकते हो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं देखिए टी मैक्स जो है फर्स्ट टाइप का जो हमारा सिस्टम हम लिख रहे हैं उसके लिए जो हम लोग लिख रहे हैं देखिए उसमें टी मैक्स हमको क्या मिल जाएगा वन अपॉन ऑफ के लोग मीन ये सिर्फ याद करने के लिए ना सिंपल हमको क्या मिल रहा है वन अपॉन के टू माइनस के वन इज मल्टीप्लाई बाई एल एन ऑफ के टू अपॉन ऑफ वन तो ये बेसिकली क्या हो गया यहां पर वन अपॉन के मीन हो गया सिमिलरली देखिए अगर आपको सीबी मैक्स कैलकुलेट करना हो सीबी मैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो देखिए सीबी मैक्स क्या हो जाएगा सी ए नॉट इन टू के वन अपॉन ऑफ के टू होल पावर ऑफ के टू अपॉन ऑफ के टू माइनस ऑफ के वन ये हो गया सीबी मैक्स तो एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है ओके गाइस अब सेम चीज अगर ये तो देखिए आपका हो गया पी और बेच रिएक्टर के लिए फॉर सीबीआर सिस्टम में ये हो गया पी एंड बेच रिएक्टर के लिए इक्वेशन देन अगर आपको सी के लिए कैलकुलेट करना हो है ना टाउ मैक्स और टाउ मैक्स और सीबी मैक्स अगर आपको फॉर सी अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं वो भी देखिए सी एचियर के केस में जो टाउ मैक्स होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा वन अपॉन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ के वन इंटू के टू तो ये बेसिकली क्या हो गया वन वन अपॉन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ के ना जीएम जीएम जो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन को देन सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर सीबी मैक्स लिखना हो फॉर सीएसटीआर मतलब सेम जो हमारा ये जो रिएक्शन है ए से बी फॉर्म हो रहा है बी से सी फॉर्म हो रहा है दोनों जो रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गिवन है और रेट कांस्टेंट के1 और के2 डिफरेंट डिफरेंट है इक्वल कंसीडर नहीं किया है ना तो इस केस में अगर ये रिएक्शन आपके सीएसटीआर में अगर मतलब की हो रही है तो उस केस में आप ये टाव मैक्स इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो और सीबी मैक्स क्या हो जाएगा सीबी मैक्स इक्वल टू सीए नॉट अपॉन ऑफ 1 प्लस के2 अपॉन ऑफ के1 होल पावर वन बाय टू और यहाँ पर कंप्लीट वन प्लस के टू पॉइंट के वन होल पावर पावर हाफ का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वेयर हो जाएगा ओके okay? तो इस तरीके से हम लोग टाउ मैक्स और सी मैक्स जो है वो यहां पर लिख सकते हैं नाउ अब मैं नेक्स्ट सेकंड जो केस है वो लिख रहा हूं देखिए सेकंड केस जिसकी काइनेटिक्स हम डिस्कस करेंगे केस नंबर टू केस नंबर टू देखिए क्या होगा सेम ए से बी फॉर्म हो रहा है बी से सी फॉर्म हो रहा है और यहां पर रेट कांस्टेंट जो है वो के वन और के टू कंसिडर कर रहे हैं और यहां पर देखिए ऑर्डर जो रिएक्शन का वो हमको गिवन है एन इक्वल टू वन और यहां पर भी एन इक्वल टू वन बट यहां पर हम कंसिडर कंडीशन जो है कंसिडर कर रहे हैं कि जो के वन है वो K2 के टू के इक्वल है और इसको इक्वल टू हम के लिख रहे हैं पहला जो केस था उसमें केवन के जो है वो के टू के इक्वल नहीं था है ना हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी बट अगर केवन इक्वल टू के टू हो जाता है तो उस केस में देखिए आपका जो मतलब कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगा मैक्स टाइम कितना रहेगा सीबी मैक्स कितना रहेगा वो सब चीज हम लिखते हैं तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं फॉर बेच फॉर बेच रिएक्टर फॉर बेच रिएक्टर एंड सीवीआरएस पी एफ आर सिस्टम सीवीआरएस पी एफ आर सिस्टम के लिए हम देख रहे हैं अगर हम लिखते हैं यहां पर तो सिंपली देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सीए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी नॉट इंटू पावर माइनस के टी सी एज इक्वल टू सी ए नॉट इंटू ई पावर के टी हो जाएगा यहां पर सिंपल हमने यहां पर देखिए रेट कॉन्स्टेंट को के पुट कर दिया तो इसके बाद देखिए यहां पर अगर आपको कैलकुलेट करना हो सी लाइक like मैं डायरेक्टली यहां पर सीबी मैक्स और सीबी uh, मैक्स और जो टाउ मैक्स है वही यहां पर लिख रहा हूं मैं ना फोर फोर uh, फोर्थ सीबीआर सिस्टम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो इस केस में इस पर्टिकुलर केस में अगर आप के इक्वल कर ले हो, कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है टाउमैक्स इज इक्वल टू वन अपॉन के टाउमैक्स जो है, वो मिल जाता है और जो सीबी मैक्स है बेसिकली वो क्या मिलता है सीबी मैक्स इक्वल टू इनिशियलेशन ऑफ ए इज डिडेड बाई एक्सपोनशियल ई पावर वन ये ईजी है याद रखने के लिए अगर के इक्वल हो जाता है तो आपको यही टाइम याद रखनी है ना सेकंड देखिए आपको यहां पर कैलकुलेट करना है अगर ये रिएक्शन सी एस टी आर में हो रही है तो उस केस में बेसिकली जब के वन इक्वल टू के वन इक्वल टू के टू है तो उस केस में टाउ मैक्स देखिए क्या मिल जाएगा आपको टाउ मैक्स इक्वल टू वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ के वन इंटू के टू था तो यहां पर जब के वन और के टू इक्वल हो तो ये हो जाएगा के स्क्वेयर और फाइनली आपको वन अपॉन के मिल जाएगा सेम जो यहां पर पी uh, एफ आर uh, केस में मिल रहा है देन देखिए नेक्स्ट देखिए सीबी मैक्स जो है वो यहां पर क्या मिल जाएगा सीबी मैक्स इक्वल टू सी ए नॉट अपॉन ऑफ फोर ए नोट अपन मतलब सीए नॉट इस तरीके से आप याद रख सकते हो ओके okay, कोई डेरिवेशन में आपको नहीं बता रहा हूं सिंपल डायरेक्टली जो पर्टिकुलर केस है उसका काइनेटिक्स आप याद रखिए नेक्स्ट है केस थ्री ये जो केस थ्री है देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा डिराइव कैसे कर सकते हैं हम देखिए केस थ्री जो है

तो देखिए इस सिस्टम के लिए सिंपल आपको सबसे पहले लिखना है टाउ मैक्स टाउ मैक्स आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा अपॉन अपॉन ऑफ ऑफ देन अगर आपको मैक्स लिखना है इस केस के लिए तो देखिए सीबी मैक्स क्या मिल जाएगा सीबी मैक्स जो है वो मिल जाएगा सीए नॉट प्लस ऑफ माइनस के टू अपॉन ऑफ के वन इज मल्टीप्लाई बाय वन प्लस ऑफ एल एन के वन इंटू सी ए नॉट अपॉन ऑफ के टू इस तरीके से आपको सीबी मैक्स मिल जाता है और ये जो हम लिख रहे हैं किस केस के लिए लिख रहे हैं पर तो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ये आप कहां से कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल ये जो हम केस लिख रहे हैं देखिए वहां पर मैंने सबसे पहले जो आपको बताया था फर्स्ट केस के लिए यहां पर आप सिंपल सी लिखिए है ना उसके बाद सीबी लिखिए है ना उसके बाद अब क्या कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव सी बी मतलब कंसंट्रेशन uh, जो आप बी लिख रहे हो उसको आपको मैक्स लिखना है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा और अगर सेकंड डेरिवेटिव है वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा अगर सीबी मैक्स आपको कैलकुलेट करना है तो तो सिंपली आप उस सिस्टम के लिए सी ए लिखिए उसके बाद में सीबी लिखिए और सीबी का जब मतलब सी बी का बेसिकली फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे उसको है ना फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव आप उसका कैलकुलेट करोगे डीसी डीसी बी अपोन ऑफ डी टी तो वहां से इजिली आप सीबी मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस थर्ड केस के लिए आप डिराइव कर सको

रिएक्शन है ए प्लस ए से बी फॉर्म हो रहा है बी से सी फॉर्म हो रहा है और यहां पर जो सेकंड जो ऑर्डर है बी से सी के लिए वो आपको जीरो गिवन है ना तो इस केस में मैं लिख सकता हूं देखिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए क्या होगा सी ए नोट अपॉन ऑफ वन प्लस के वन इंटू अगर यहां से मुझे सी बी लिखना तो क्या हो जाएगा के वन इंटू सी ए इंटू ऑफ वन प्लस वन इंटू टाउ माइनस ऑफ के टू इंटू टाउ है ना बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी बट इनिशियल दोनों केस के लिए मैंने आपको इसलिए बोला कि याद रखिए बिकॉज वहां पर ईजी मिल रहा था आपको ना टाउ मैक्स हो गया सीबी मैक्स हो गया वहां पर याद करने के लिए सिंपल आपको रिलेशन मिल रहा था ओके okay, लेकिन यहां पर केस थ्री के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये केस यहां पर जो वैल्यू हमको मिलती है इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि सिंपली डिराइव कीजिए तो आप इजिली डिराइव कर पाओगे है ना तो इसके बाद देखिए यहां पर ये यह जो सी एस टी आर का केस लिख रहा हूं मैं यहां पर आपको टाउ ऑप्टिमम मतलब टाउ ऑप्टिमम या फिर टाउ मैक्स जो है वो मिल जाता है स्क्वेयर रूट ऑफ सी ए नॉट अपॉन ऑफ के वन इंटू के वन इंटू के टू माइनस ऑफ वन अपॉन के वन अगर लाइक like, आप में कैपेसिटी है कि तीनों केसेस के लिए आप ये जो सारी वैल्यूज है ये याद रख सकते हो तो याद कर लीजिए अदरवाइज सिंपल आपको मतलब कि सबसे पहले कन्वर्जन की इक्वेशन लिखने यहाँ पर डीसी है उसके बाद में यहां पर डी उसके बाद CB, वहां से उसका डेरिवेशन करके आप वहां पर सी बी मैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो क्लियर गाइस तो ये हो गया काइनेटिक ऑफ रिएक्शन सीरीज रिएक्शन के केस में नाउ अब मैं डिस्कस करूंगा यहां पर पैरेलल रिएक्शन देखिए पैरेलल रिएक्शन पैरेलल रिएक्शन के केस में हम टाइम डिफाइन करते हैं सिलेक्टिविटी तो सिलेक्टिविटी में आगे हम डिस्कस करेंगे भी देखिए

तो रिएक्शन के केस में आगे हम एक क्या होता है बेसिकली कि कोई एक पर्टिकुलर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है तो यहां पर हमने कंसीडर कर लिया कि जो पी है वो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमने कंसीडर कर लिया और जो आर है बेसिकली वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है ये हमने कंसीडर कर लिया है ना तो P यहां पर डिजाइड प्रोडक्ट है डेफिनेटली Q एंड R दोनों undesired हो गए बट यहां पर जो प्रायोरिटी हमारी की P जो है वो आपका क्या है डिजाइड प्रोडक्ट है तो आप देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूं सेलेक्टिविटी सेलेक्टिविटी यहां पर डिफाइन कर रहा हूं देखिए सेलेक्टिविटी दो टाइप का रहता है एक होता है इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी एक होता है ओवरऑल सेलेक्टिविटी तो पहले यहां पर मैं लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी तो इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी देखिए हम कैसे लिखेंगे और लेक्टिविटी जो है वो ऑलवेज हम लोग डिजाइड प्रोडक्ट के टाइम में लिखते हैं डिजायर प्रोडक्ट जो आपको गिवन रहेगा तो सिंपल देखिए एस पी आर मीन हम कंसिडर कर रहे हैं कि पी आप हमारा डिजाइर्ड प्रोडक्ट है और आर जो अनडिजाइड प्रोडक्ट है तो सिलेक्टिविटी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस इंस्टीटेलेक्टिविटी हो जाएगा यहां पर आर ऑफ पी अपॉन ऑफ आर ऑफ आर ओके आर यहां पर क्या रेट लो मतलब कि आर पी बेसिकली क्या हो गया डी सी पी अपन बाई डी सी आर अपॉन ऑफ डी टी तो यहां पर आप इस यहां से इक्वेशन लिख सकते हो देखिए मतलब रेट लो आप लिख सकते हो कि आरपी बेसिकली क्या हो जाएगा डीसीपी अपॉन डीसीपी अपॉन डी बेसिकली क्या हो जाएगा सी ए पावर एन और अगर द, यहां पर आप लिखोगे डीसीआर ना डीसीआर इसके लिए लिखोगे तो आपको रेट लो यहां से मिल जाएगा के थ्री इंटू सी ए पावर एन थ्री इस तरीके से हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी तो सिंपली देखिए इसको हम यहां पर लिख सकते हैं कि एसपीआर एसपीआर जो है बेसिकली वो हो गया यहां पर वन अपोन ऑफ के थ्री इन टू यहां पर देखिए मैं लिख सकता हूं सी ए पावर एन एन वन अपोन ऑफ सी ए पावर एन थ्री है तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कंसंट्रेशन पावर ऑफ एन वन माइनस ऑफ एन थ्री मिल गया हमको इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो यहां पर जो एन वन है वो किसको डिनोट कर रहा है द ऑर्डर ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन और एन थ्री किसको डिनोट कर रहा है द ऑर्डर ऑफ द अनडिजायर्ड रिएक्शन इस तरीके से हम लोग सेलेक्टिविटी इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी है ये डिफाइन करते हैं ना ओवरऑल सेलेक्टिविटी लाइक हमको कैलकुलेट करना है ओवरऑल सेलेक्टिविटी ओवरऑल सेलेक्टिविटी ओवरऑल सेलेक्टिविटी देखिए हम डिनोट करते हैं एस पी आर और यहां पर जस्ट ये एवरेज मतलब बार का साइन हम लगा देते हैं तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि द इनिशियल द इनिशियल मतलब कि जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी है उसमें से हम लोग इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी को हमने माइनस कर दिया ये मतलब न्यूमिनेटर uh, में कौन सी टाइम आएगी जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में कौन सी टाइम आएगी जो हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है

हमने इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी डिस्कस किया देखिए इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जब ऑर्डर रहेगा लाइक जो हमने बोला है कि यहाँ पर एन वन जो है वो डिजायर्ड रिएक्शन का ऑर्डर है एन थ्री है वो मतलब कि अनडिजायर्ड रिएक्शन का अनडिजायर्ड uh, जो हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन है जो हम यहाँ पर देखिए करने वाले हैं सिंपल हम लोग इसको केसेस में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एन वन जो है एन वन बेसिकली क्या था मतलब कि डिजायर प्रोडक्ट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था है ना तो ऑर्डर ऑफ डिजाइड रिएक्शन ये जो N1 है बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर है और एन थ्री जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सिंपल यहां पर इसका मतलब यही हुआ कि ऑर्डर ऑफ डिजाइड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द अनडिजाइड रिएक्शन तो अब हमारा एम बेसिकली क्या होगा मतलब कोई भी रिएक्शन अगर आप मतलब कि मतलब कि हम किसी रिएक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो हमारा वहां पर हमारा बेसिकली एम क्या होता है कि हमें मैक्सिमम सेलेक्टिविटी मिले मैक्सिमम सेलेक्टिविटी का मतलब कि कोई रिएक्शन है जहां पर एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी बन रहा है अनडिजायर्ड मतलब कि बहुत सारे अनडिजायर्ड प्रोडक्ट लाइक बन रहे हैं तो वहां पर हमारा टारगेट होता है कि डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है उसकी कंसेंट्रेशन उसका जितना प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज करें वो हमको करना होता है तो वही चीज देखिए यहां पर हमारा एम क्या होगा सेलेक्टिविटी को इंक्रीज करना सेलेक्टिविटी को इंक्रीज करने का इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा डिजायर्ड प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा

पॉजिटिव कंसेंट्रेशन की जो पावर है वो पॉजिटिव यहां पर मिल रही है तो सिंपल देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि टेम्परेचर जो है सिस्टम के लिए अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है कि टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है और उसके अलावा जो केवन ओके यहां पर आई थिंक के थ्री लिखा था हमने ना ओके थर्ड रिएक्शन है ना तो इसके लिए डिनोमीटर तो था केवन अपॉन मतलब केथरी आएगा डिनोमीटर में केवन अपॉन के थ्री तो यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केवन और केथरी जो है वो पैरामीटर फिक्स हो जाएंगे रेट कांस्टेंट दोनों रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन के लिए है ना कि अगर आपके सिस्टम में ऐसा कंडीशन गिवन है एन वन जो है तो देखिए हमको कौन सा रिएक्टर यूज करना चाहिए ना देखिए हमारा टारगेट क्या रहेगा एस पी एस पी आर इक्वल टू के वन ऑफ के टू इन टू सी ए पावर मतलब पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं बिकॉज सी ए पावर यहां पर था एन वन माइनस ऑफ एन वन माइनस ऑफ एन थ्री

मैक्सिमम रखने के लिए हमें यहां पर कौन सा रिएक्टर यूज करना चाहिए एनीवन सो यहां पर मैं वेट कर रहा हूं कमेंट का कोई कमेंट कर सकता है यहां पर कि सेलेक्टिविटी कौन सा केस में मैक्सिमम रहेगी पीएफआर ओके रीजन रघु ने बोला पीएफआर रीजन क्या होगा रघु टू मैग्जिमाइज टू मैग्जिमाइज टू मैग्जिमाइज सेलेक्टिविटी टू मैक्माइज सेलेक्टिविटी टू मैक्माइज सेलेक्टिविटी ओके मैं बता देता हूं यहां पर टू मैक्माइज द सेलेक्टिविटी ओके सब पी एफ आर बोल रहे हैं ठीक है टू मैक्माइज द सेलेक्टिविटी वी शुड मेंटेन वी शुड वी शुड मेंटेन वी शुड मेंटेन सी एज हाई एज पॉसिबल एज हाई एज पॉसिबल तो सीए बेसिकली क्या है फाइनल कंसेंट्रेशन है तो इस सीए को हम लोग क्या करेंगे मतलब मैक्सिमाइज करके रखेंगे तो ये चीज जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ओके हाई कंसेंट्रेशन रहे हो तो सिंपली हमें ये पता है कि पी एफ आर केस में क्या होता है जो कंसेंट्रेशन है आउटलेट कंसेंट्रेशन वो मतलब डायरेक्टली आपको इनिशियल पॉइंट भी आपको मतलब कंसेंट्रेशन मतलब कि लो कंसेंट्रेशन नहीं मिलता है वो लेंथ के साथ में एफ की जो लेंथ है उसके साथ में डिक्रीज होता है कंसेंट्रेशन स्लोली ड्रॉप होता है पी में करेक्ट बोल रहे हैं यहां पर ओके okay, ठीक है रेडियल मिक्सिंग ओनली ठीक है सही बोल रहे हो तो सिंपली यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो लेंथ के साथ में डिक्रीज होती है तो यहां पर सिंपली हम, हमने क्या बोला कि टू मैक्सिमाइज द सिलेक्टिविटी वी शुड वी शुड मेंटेन द कंसंट्रेशन एज हाई एज पॉसिबल विद इन द रिएक्टर तो इसके लिए हमारा प्रीफर जो रिएक्टर होगा वो कौन सा होगा पी एफ आर पी एफ आर यहां पर हमारा प्रीफर मतलब कि रिएक्टर होगा क्लियर है Finally, मतलब जस्ट मैं पर लिख देता हूँ सी एस टी आर केस में क्या होता है आपको इनलेट कंसटेशन इंट्रोड्यूस किया है है वो लेंथ के साथ में डिक्रीज होती है लाइक like, यहां पर आपको कुछ कंसेंट्रेशन मिली उसके बाद कुछ कंसनट्रेशन तो कंसंट्रेशन जो है वो स्लोली डिक्रीज होती है ओके okay, गाइस अब नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस टू केस टू की हम बात कर रहे हैं यहां पर देखिए कि केस टू में क्या है कि इफ एन वन इज लेस देन एन थ्री मतलब जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है बेसिकली उसके लिए ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली वो लो है अनडिजायर्ड जो रिएक्शन है उसके ऑर्डर से तो इस केस में सिंपल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस जो सिलेक्टिविटी है वो हो जाएगा एसपीआर इक्वल टू के वन अपोन ऑफ के थ्री इंटू इंटू सी ए पावर नेगेटिव सी ए पावर नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं बिकॉज सी ए पावर क्या था

तो अब देखिए इस केस में कंसंट्रेशन प्रोफाइल जो है वो डिपेंड नहीं करेगा रिएक्टर पे है ना चाहे आप सी एस टी आर यूज करो चाहे पी एफ आर यूज करो आपको जो कंसंट्रेशन है वो मतलब की मतलब मतलब जो डिजायर्ड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी ओके okay, उसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ रिएक्टर रिएक्टर चेंज करके आप उसको चेंज नहीं कर सकते डिजायर्ड जो प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो ओके गाइस मतलब okay, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होगा नाउ अब नेक्स्ट देखिए अभी तक जो तीनों केसेस हमने डिस्कस किए इसमें हमने क्या किया है जो टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट कंसिडर किया है अब मैं यहां पर फोर्थ केस में कंसिडर कर रहा हूं कि टेंपरेचर चेंज हो रहा है अगर टेपरेचर चेंज हो रहा है ये हम कंडीशन अगर यूज करते हैं तो देखिए इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगा एस पी आर इक्वल टू के वन अपॉन ऑफ के थ्री इन टू सी ए पावर माइनस ऑफ एन थ्री सेम केस हम डिस्कस कर रहे हैं ए से पी क्यू और आर फॉर्म हो रहा है उसके बाद में यहां पर एन वन और के वन गिवन है उसके बाद यहां पर एन थ्री और के थ्री गीवन है और पी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है और आर यहां पर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया क्लियर है तो टेम्परेचर चेंज के केस में देखिए सिंपल जो इंस्टेंटेनियस सिलेक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करने वाला है यहां पर केवन अपॉन के थ्री का जो रेशो है ओके okay, और इसके साथ ही देखिए अगर टेम्परेचर चेंज की हम बात करें तो हमने हमने यहां पर कंडीशन हम यूज कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन सीए है CA जो है बेसिकली वो हमने सेम मतलब कि सेम कंसीडर कर रहे हैं कंसंट्रेशन चेंज यहां पर नहीं नहीं कर रहे हैं ओके okay. तो सिंपली देखिए अभी जब कंसंट्रेशन के साथ हम डील नहीं कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उस केस में देखिए मतलब कि आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसकी उसका अमाउंट इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है सिंपली देखिए यहां पर जब टेम्परेचर की बात आती है तो जो जो ये देखिए मतलब केवन और केतरी बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है और उसके अलावा एक टाइम होती है एक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी है ना आपको मतलब डिजाइड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी uh, मतलब रिएक्शन की के आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन रहेगी तब वहां पर आप टेम्परेचर के साथ डील करोगे तो सिंपल देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी लाइक पहला केस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ केस में फर्स्ट पार्ट में बोल सकता हूं फोर्थ केस का पार्ट ए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिजाइड प्रोडक्ट के लिए मुझे ग्रेटर देन गिवन है for, uh, for desired, for desired मुझे, से अगर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है तो उस केस में देखिए क्या होगा मतलब ये अरेंजमेंट हमारे पास में ओके मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिजायर्ड प्रोडक्ट डिजायर्ड जो रिएक्शन है बेसिकली मतलब कि डिजायर्ड जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए जो रिएक्शन है उसके लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी हाई गिवन है कंपेयर टू अनडिजायर्ड अनशन है तो इस केस में गाइस हमको मतलब कि हाई मेंटेन करके रखना है या लो मेंटेन करके रखना है फॉर हायर सेलेक्टिविटी एनी वन कोई भी बता सकता है टेम्परेचर यहां पर हमको मैक्सिमम मेंटेन करके रखना है या फिर मिनिमम मेंटेन करके रखना है डिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के लिए लेक्टिविटी इनडायरेक्टली वही चीज बताता है हमको और उसके बाद ठीक है मैं बताऊंगा यहां पर वेट कर रहा हूं कोई रिप्लाई दे उसके बाद सेकंड जो केस है वो हम देखेंगे कि इफ एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज लेस देन द फॉर अनडिजायर्ड मतलब अनडिजायर्ड रिएक्शन ओके ठीक है नीतिश नीतिश यहां पर बोल रहा है कि हाई मेंटेन करके रखना है तो उसका रीजन ये हो गया कि अगर हम टेम्परेचर हाई मेंटेन करके रखते हैं तो जो के और के है के वन के थ्री तीनों रिएक्शन के लिए वो हमको हाई ओके सब हाई बोल रहे हैं लेकिन अब एक चीज देखिए यहां पर इसको थोड़ा आपको समझना होगा कि के वन के टू और के थ्री बिकॉज ये तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंस फंक्शन है मतलब के वन भी इंक्रीज होगा वहां पर के टू भी इंक्रीज होगा एंड के थ्री भी इंक्रीज होगा बट इनका जो मतलब की मतलब कि जो जिस रेट से ये मतलब कि चेंज होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होगा मतलब जिस जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको हाई गिवन है उसका रेट ऑफ रेट ऑफ जो कांस्टेंट है बेसिकली केवन वो हाईयर रेट से इंक्रीज होने वाला है इस वजह से ऐसा नहीं है कि मतलब केटू और केतरे इंक्रीज नहीं होगा वो भी इंक्रीज होगा बट केवन जो है वो हाई रेट से इंक्रीज होगा बिकॉज उसका एक्टिवेशन एनर्जी अनदर जो मतलब रिएक्शन आपके पास में उनसे आपको ग्रेटर देन गिवन ओके गाइस ये चीज क्लियर है सो so, बिकॉज मतलब जो एक, मतलब कि केवन जो बेसिकली है ना रे, रे, मतलब कि रिएक्शन उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी हमको हाई गिवन है तो वो बेसिकली आपका हाई सेंसिटिव हो जाएगा टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो हाईली मतलब कि उस तरफ आपका जो रिएक्शन है वो ज्यादा होगा तो फाइनली आपका पी का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा फॉर्म होगा क्लियर गाइस तो सेम चीज अगर मैं ये रिवर्स कर देता हूं ई ए वन अपन ई ए जो है बेसिकली अगर लेस देन हो ई थ्री से मतलब एक्टिवेशन uh, एनर्जी तो जस्ट रिवर्स यहां पर हो जाएगा यहां पर हमको लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ना बिकॉज जो अनडिजाइड प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है अगर हम टेम्परेचर हाई मेंटेन करके रखेंगे तो बेसिकली हम जो अनडिजाइड प्रोडक्ट है वो ज्यादा फॉर्म होगा तो वो तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है ओके okay गाइस तो ये चीज हो गया यहां पर सेलेक्टिविटी uh, के लिए सारा डिस्कशन हमने कर लिया ना अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इल्ट तो पेलल रिएक्शन के लिए सेकेंड जो टाइम है वो हम डिस्कस करते हैं इल्ट देखिए तो पेडल रिएक्शन सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए से यहाँ पर आर फॉर्म हो रहा है ए से यहाँ पर पी फॉर्म हो रहा है सिंपल मैं लिख रहा हूँ के वन एन वन यहाँ पर हो गया रेड कॉन्स्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके बाद में के टू एन एन टू सिंपल देखिए अगर यहाँ पर हम लोग रेड लो लिखे इस आर के लिए तो ये हो जाएगा देखिए आर इक्वल टू के वन एन टू सी ए पावर एन वन और अगर पी के लिए लिखे तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ओके ठीक है जस्ट आर के लिए हम लिख रहे हैं उसके बाद यहां पर अगर हम लोग रेट ऑफ डिसन के हम लोग यहां पर रेट ऑफ डिस ऑफ ए लिख सकते हैं क्लियर गाइस तो अब जो यील्ड है वो भी जैसे हम लोग सेलेक्टिविटी डिफाइन करते हैं सेलेक्टिविटी और उसके अलावा एवरेज सेलेक्टिविटी दो टाइम डिफाइन किया था हमने सिमिलरलींस्टिटेनियस और ओवरऑल सेलेक्टिविटी डिफाइन किया था उसी तरीके से हम यहां पर डिफाइन करते हैं इल्ड इल्ड देखिए हम लोग बात करते हैं इल्ड की सबसे पहले फ्रैक्शनल इल्ड है ना फ्रैक्शनल इल्ड और ओवरऑल इल्ड की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल इल्ड देख रहे हैं तो इल्ड को देखिए मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं साइंस से है ना यहां पर साइंस से डिनोट कर रहे हैं इल्ड को तो इल्ड आप डिपेंड करता है कि आप मतलब आर की टर्म में डिफाइन कर रहे हो या फिर पी की टर्म में डिफाइन कर रहे हो तो हम यहां पर अगर आर के लिए इल्ड कैलकुलेट करें तो देखिए आर के लिए इल्ड क्या हो जाएगा आर के रिस्पेक्टिव में अगर हम लोग फ्रैक्शनल ईड लिखे तो देखिए साई आर अपॉन ए आर अपॉन ए हम यहां पर लिखेंगे इक्वल टू तो क्या हो जाएगा रेट लो ऑफ आर अपॉन ऑफ रेट लो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए तो सिंपल यहां से हमको क्या मिल जाएगा के वन सी ए पावर एन वन अपॉन ऑफ के वन सी ए पावर एन प्लस ऑफ के सी ए पावर सी ए पावर एन इस तरीके से लिख सकते हो सिमिलरली अगर आप साइन आपको यहां पर लिखना है भी ओवरऑल ओवरऑल इल तो ओवरऑल इल देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं ओवरऑल इल जो है उसको जस्ट हम यहां पर लिखते हैं साइन और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग मतलब की एवरेज का यहाँ पर साइन यूज करते हैं ना

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड तो यहां पर ए के जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें से हम सपरेट कर देंगे ए के फाइनल मोल तो इस तरीके से हमको मिल जाता है यहां पर ओवरऑल यील्ड क्लियर है सो so, अब नेक्स्ट देखिए हम यहां पर एक बार बात करेंगे ओवरऑल यील्ड फॉर पीएफआर केस एक बार हम बात करेंगे फॉर सीएसटीआर केस दोनों केस के लिए हम लोग यहां पर ओवरऑल यील्ड की बात करेंगे तो हम यहां पर देखिए फाइव फाइव में लिख रहा हूं मतलब फाइव बेसिकली क्या हो गया ओवरऑल यील्ड

ओके okay, ये सी ए नोट नहीं होगा ये सी ए एफ होगा इज मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये साइन बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है फ्रैक्शनल इल्ड को है ना तो फ्रैक्शनल इल्ड साइन साइन डी सी ए साइन इंटू डी सी ए और यहाँ पर लिमिट जो है कंसंट्रेशन की लिमिट हो जाएगी देखिए सी ए नोट सी ए नोट टू सी ए फाइनल तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं ओवरऑल इल्ड फॉर पी ओके okay, तो ये हमने लिख दिया अगर आपको सीवीआरएस सिस्टम अगर सीवीआरएस सिस्टम की है तो सी सिस्टम के केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देखिए मतलब कि फाइनल uh, अगर कंसनट्रेशन हमें पूछा सी आर सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा लाइक जो हम यहां पर लिख रहे थे मतलब से से आर फॉर्म हो रहा है और ए पी फॉर्म हो रहा है तो अगर आपको कंसनट्रेशन ऑफ आर लिखना है कंसनट्रेशन ऑफ आर तो आप कैसे लिख सकते हो देखिए कंसनट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू सी आर नॉट माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ फ्रैक्शनल यील्ड सी ए फाइनल इस तरीके से हम लोग मतलब सी बी आर केस में फाइनल जो, मतलब, जो है मतलब, लिख सकते हैं सिमिलरली okay, आप CP भी लिख सकते हो तो आपको यहां पर ये याद रखनी है फ्रैक्शनल ओवरऑल यील्ड के लिए फॉर पी एफ आर देन इसके बाद में सेकेंड आपको बताऊंगा यहां पर देखिए फ्रैक्शनल नॉट फ्रैक्शनल ओवरऑल यील्ड ओवरऑल यील्ड फॉर फॉर सीएचटीआर तो देखिए सीएचटीआर के केस के में हम कैसे डिफाइन करते हैं इक्वेशन तो सीएचटीआर के केस के में देखिए जो फ्रैक्शनल यील्ड है जो फ्रैक्शनल यील्ड है वो किसके इक्वल होती है यहाँ पर फ्रैक्शनल यील्ड जो है वो ओवरऑल यील्ड के इक्वल होती है इन द केस ऑफ सीएचटीआर सिंपल देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो मतलब सीएचटीआर के केस में साइन ओके फाइव ऑफ सीएचटीआर इज इक्वल टू साइन ऑफ सीएचटीआर यहाँ पर इनी, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो फाइनल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा सी इक्वल टू मतलब सीए को ही हम बेसिकली सी लिख रहे हैं ना इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा सी के, के केस में हम लिख रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल यील्ड तो ओवरऑल यील्ड हो जाएगा बेसिकली आर आर अपॉन ऑफ माइनस ऑफ आर ए इक्वल टू के पावर एन मतलब डायरेक्टली देखिए हम रहे हैं, तो हमें इक्वल होगा तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ तो सी एवर एन वन अपन इंटू सी ए पावर एन वन प्लस के सी पावर एन टू इस तरीके से लिख सकता हूं क्लियर है और उसके अलावा देखिए लाइक फाइनल कंसंट्रेशन आपको लिखनी है सी आर तो सी आर डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो आप सी आर इक्वल टू सी आर नॉट प्लस ऑफ साइन ऑफ आर अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई सी माइनस ऑफ सी एफ इसी तरीके से आप सी पी भी कैलकुलेट कर सकते हो नॉट नोट सीपी क्या हो जाएगा सीपी नॉट प्लस ऑफ सी एफ इस तरीके से हम लोग ये जो कंसंट्रेशन है ये हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली यहां पर आप हम मतलब होता है ओनली फॉर सी एस टी आर तो ये इक्वेशन पर मतलब C -H -T -R के केस में इजी है ना चीजें कैलकुलेट करना इस तरीके से आप डायरेक्टली जो रेट लो है बेसिकली उसका जो रेशो लिखते हो आप मतलब इंडिविजुअल और उसके बाद ओवरऑल जो यहाँ पर रेट ऑफ ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो वहां से आपको यहाँ पर मिल जाती है फ्रैक्शनल हिल और ओवरऑल हिल जो कि इक्वल होती है एक दूसरे के लिए मतलब सीएसटीआर केस में तो हमने यहां पर पी एफ आर की केस में देखा फ्रैक्शनल हिल और उसके बाद हमने सीएसटीआर की केस में देखा अब देखिए यहां पर हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखिए मतलब ठीक है यहां पर ओके पहले थोड़ा सा ये फिल्ड वाला पार्ट में यहां पर कवर कर लेता हूं देखिए हम यहां पर ग्राफ की हेल्प से समझते हैं सी एस टी आर और सी एस टी आर और पी एफ आर का केस देखिए हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ फोर सी एस टी आर जिसे हम लोग एम एफ आर भी बोलते हैं और ग्राफ फोर पी एफ आर बिकॉज यहां से देखिए इंपॉर्टेंट टू मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना तीन चार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जो फ्रैक्शनल यील्ड है यहां से और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में बनते देखिए मतलब अगर सीएचटीआर है तो उसके लिए देखिए हम अगर लिखे सीएस लाइक हम यहां पर लिख रहे हैं कंसंट्रेशन जो है मतलब फाइनल कंसंट्रेशन देखिए मैं सबसे पहले एक ग्राफ ड्रा करता हूं ये आपका क्या है फ्रैक्शनल यील्ड फ्रैक्शनल यील्ड वर्सेस कंसंट्रेशन हम ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं सिंपल यहां पर देखिए फ्रक्स मतलब कि ये बेसिकली हमको क्या देने वाला है यहां पर देखिए मतलब कोई भी एक आ, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है लाइक पर हमने रिएक्शन जो लिखा था ए से आर बन रहा है और ए से पी बन रहा है ना तो आर के लिए लिख लेते हैं हम सी आर लाइक सी आर में यहां पर लिख रहा हूं तो सी आर बेसिकली क्या हो जाएगा इनिशियल प्लस ऑफ साइन साइन आर अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय सी एफ इस तरीके से लिया कंसंट्रेशन है इनिशियल आर ये जीरो है तो फाइनली मिल जाता है सी आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आर अपॉन ए इज मल्टीप्लाई बाय सी ए नॉट सी ए नोट इंटू सी एफ तो यहां पर अगर इसको हम लोग मतलब कि यहां पर रिप्रेजेंट करें ग्राफ की फॉर्म में तो लाइक ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाएगा लाइक इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट यहां पर है और फाइनल कंसंट्रेशन ए के लिए यहां पर है तो यहां पर ये तो हो गया बेसिकली इसका डिफरेंस एक्स एक्सिस पे जो कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा सी ए नॉट माइनस ऑफ C F. उसके अलावा यहां पर हम लिख रहे हैं देखिए ये जो साई हम लिख रहे हैं यहां पर ये यह इसको हम लोग फाइव से भी डिनोट कर रहे हैं फाइव मतलब ये सी एस टी आर मतलब का केस है यहां पर साई और फाइव जो है वो इक्वली होगा बेसिकली फ्रैक्शनल और जो फ्रैक्शनल और जो ओवरऑल हम लिख रहे हैं वो इक्वल रहेगी ना तो यहां पर बेसिकली ये ये जो कर्व अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ ना देखिए ये कर्व हमको यहां पर मिलेगा कुछ इस तरीके से तो इनिशियल कंसंट्रेशन लाइक हमने यहां पर देखा कि ये है सी ए नोट और यहां पर फाइनल कंसंट्रेशन हमको कुछ मिल रही है ओके okay, यहां पर लाइक like हमको फाइनल कंसंट्रेशन कुछ मिल गई तो अल्टीमेटली यहां पर एक जो कॉ बेसिकली मिलता है हमको एक जो मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पे पे आपका कितना यहां पर है उसके अलावा फाइनल तो ये जो एरिया अंडर मतलब ये जो रेक्टेंगल यहां फॉर्म होता है उसके एरिया जो आपको मिलेगा वो क्या मिलता है सी आर वो मतलब आप फाइनल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा सिंपल साय वर्सेस एरिया का मतलब कि कंसंट्रेशन का अगर आपको ग्राफ गिवन है अगर उसका आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो एरिया किसके इक्वल होगा एरिया जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ आर है ना मैं जस्ट यहाँ पर रिएक्शन कर रहा हूँ और ए से पी फॉर्म हो रहा है हो रहा। तो मैं यहाँ पर आर की टाइम में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो एरिया बेसिकली वो डायरेक्टली आपको फाइनल मिल जाती है ना ओके अगर उसके अलावा देखिए यहाँ पर सीआर मैक्स की कंडीशन की बनो सीआर जो है बेसिकली अगर मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना हो तो यहां पर जो एरिया बेसिकली होगा मैक्सिमम एरिया जो इस कर्व के अंडर आपको मिलेगा वही एरिया बेसिकली मतलब uh, वो एरिया जो आपको मिलेगा वही क्या होगा कंसनट्रेशन होगा फाइनल कंसनट्रेशन सीआर उसके बाद सेकंड केस देखिए पीएफआर पीएफआर के केस में हम लिखते हैं सी आर इज इक्वल टू सी आर नोट माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इसमें आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन आर अपॉन ए इज मल्टीप्लाई बाई डी सी ए तो यहां पर हम लोग लिखते हैं मतलब कि लिमिट जो हम लिखते हैं यहां पर सी ए नोट से सी ए फाइनल या फिर सी ए लिख सकते हैं उसको तो यहां पर फाइनल देखिए

बेसिकली ये लिमिट हो जाएगी ये माइनस का साइन है कि हमने यूज कर लिया तो यहां पर देखिए कर्व देखिए यहां पर जो कर्व है बेसिकली वो हो जाएगा साइन वर्सेस कंसंट्रेशन का जो कर्व है वो देखिए यहां पर कंसंट्रेशन सीए और यहां पर देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन लाइक सी ए नोट है इसको एक बार फिर से मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं देखिए यहां पर है साइन और यहां पर है कंसंट्रेशन तो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पर रहेगी सी नॉट और यहां पर जो कर्व हमको कुछ इस तरीके से कर्व मिलता है देखिए यहां पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर है और एक बार मैं फिर लिख, लिख देता हूँ यहाँ पर पीएफआर और उसके अलावा फाइनल हमने लिखा कि जो सीआर है वो किसके इक्वल हो जाएगा सीआर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन आर अपॉन ए यहाँ पर आर अपॉन ए लिखा था मैंने साइन आर अपॉन ए इन टू और यहाँ पर लिमिट हम पुट कर रहे हैं देखिए सी ए इक्वल टू सी से यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं सी ए फाइनल तो so, यहां पर CA नॉट अब ये जो CA फाइनल है देखिए ये CR मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं ये जो CA मतलब फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग जीरो पुट कर देते हैं तो यहां पर देखिए फाइनली इस एरिया मतलब ये जो कओ बेसिकली हमको मिलता है इसके एरिया अंडर द कओ जो फाइनल हमको मिलता है बेसिकली वो क्या होता है यहां पर लाइक like इस पॉइंट पे लाइक like हमको मिल जा रहा है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो CAf है या फिर उसको हम लोग CA CA इक्वल टू 0 लिख रहे हैं फाइनल कंसंट्रेशन को तो इस इस ग्राफ इस कव के एरिया अंडर द कव हमको क्या मिलता है बेसिकली वो मिलेगा आपको सी आर वो यहां पर पीएफआर के केस में एरिया अंडर द काउ मिलेगा और सी के केस में सेम जो हमने पहले डिस्कशन किया था वैसे ही कि फाइनल कंसंट्रेशन पे जो 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 रेक्टेंगल बेसिकली बनता है उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना होता है वहां पर तो यहां पर हमको जो एरिया बेसिकली है ये एरिया अंडर एरिया अंडर द काउ होगा और यहां पर जो एरिया है बेसिकली वो मैक्सिमम कब होगा जब फाइनल कंसंट्रेशन आपका यहां पर जीरो फाइनल कंसंट्रेशन जब यहां पर होगा इस पॉइंट पे तो जीरो होगा तो इस तरीके से हम लोग और ये, ये हम बोल सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन अगर जीरो हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो हंड्रेड परसेंट है 100 भी तो हम को जीरो बोलेंगे। okay, तो इस तरीके से आना चाहिए तो कुछ चीजें बेसिकली like, होता है कि like, वहां से आपको कमेंट करना आप लाइक like, में फाइनल आपको इस कऊ की हेल्प से समझना हो कि जस्ट उसने एक लाइन दे दिया कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन के लिए कैलकुलेट करो है तो उस केस में डायरेक्टली आपको बेसिकली uh, आपको जीरो पुट कर देना है तो ये सब चीजें कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी मतलब लैंग्वेज यूज की जाती है उससे आपको पिक करनी होती है ओके यहां पर इस लैंग्वेज का मतलब ये है नेक्स्ट देखिए अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ जो हमने अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर्स डिस्कस किया था जस्ट मतलब कि कौन सा अरेंजमेंट हमारे लिए रहेगा बेटर इस टाइप का क्वेश्चन एक बार गेट में पूछा गया भी है तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं फॉर पी एफ आर और सी एस टी आर है ना ऑप्शन हमारे पास में सी एस टी आर एंड पी एफ आर है सी एस टी आर ओके सी आर आर एंड पी एफ तो सिंपल देखिए पहला यहां पर मैं लिख रहा हूं ओके अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टर जो देख रहे हैं ऑलवेज हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस का ना परफॉर्मेंस नाफॉर्मेंस की मैं टाइम में बात कर रहा हूं पहली रिएक्शन हमको गिवन है रिएक्शन मतलब कि जो है है यहां पर वो गिवन अपॉन आर ए वर्सेस कन्वर्जन की टाइम में हमको ये यह, यहां पर डायग्राम जो है गिवन है देखिए सिंपल हमें डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है कुछ आ, कुछ डायग्राम जो हमको है वो इस तरीके से गिवन है इसके लिए हमको प्रिफर जो अरेंजमेंट है वो हमको कैलकुलेट करना है, वो आपको के साथ में है या फिर होता है जीरो से कन्वर्जन स्टार्ट होगा तो हम ये वाला डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली देखिए यहां पर यहां पर हम लोग इनिशियली देखिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे पर्टिकुलर कर्व यहां पर इसमें मतलब कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है इस पर्टिकुलर एक पॉइंट तक तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है मतलब अगर आपको फाइनली पहले चीज तो ये पता होनी चाहिए बेसिकली यहां से आपको क्या मिलेगा एरिया एरिया अंडर द कव जो है यहां पर देखिए मतलब कौन से केस में आपको मिनिमम मिलने वाला है लाइक अगर आप यहां पर पीएफआर यूज करते हो तो ये जो एरिया अंडर द कव है वो यूज करना होता है लेकिन अगर आप यहां पर सीएसटीआर यूज करते हो तो जो फाइनल कंसंट्रेशन जो इस पर्टिकुलर कन्वर्जन पे यहां पर जो कंसंट्रेशन मिलेगी उस केस में ये फाइनल ये जो पॉइंट वाला है मतलब कि एक जो रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना होता है तो हम यहां पर सिंपली देख सकते हैं कि अगर यहां पर मैं सीएसटीआर यूज करता हूं तो मेरे को कम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी सेम कन्वर्जन अचीव करने के लिए सी एस टी आर यूज करता हूं तो इस केस में पर्टिकुलरली मुझे कम कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट मतलब कि कम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी देन इसके बाद में देखिए सेकंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम देख रहे हैं यहां पर कि वन अपॉर्ट माइनस आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है कन्वर्जन इंक्रीज होने के साथ में इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि फाइनल देखिए यहां पर एक होगा एरिया अंडर द काउ ओके okay, उसके अलावा जो फाइनल जो वन अपॉइंट माइनस आ रहा है जो फाइनल जिस पॉइंट तक यहां पर है पर्टिकुलरली कन्वर्जन पे आपको कंसंट्रेशन मिलेगा तो फाइनल फाइनलट्रेशन के, के साथ में जो आपका uh, मतलब की कहो बनता है वो रेक्टेंगुलर होता है उसका बेसिकली हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं सीएसटीआर के केस में तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते देख सकते हैं कि सीएसटीआर के केस में आपको ज्यादा एरिया मिल रहा है तो मतलब कि ज्यादा वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है तो यहां पर जो पीएफआर है उसमें कम वॉल्यूम चाहिए तो यहां पर हम सेकंड केस में क्या यूज करेंगे पीएफआर यूज करेंगे थर्ड देखिए फाइनल इस पॉइंट पे लाइक आपका जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो गया है ना जितना भी कन्वर्जन मैक्सिमम uh, जो कन्वर्जन है वो अचीव हो गया तो इस कन्वर्जन पे अगेन देखिए कि अगर आप पीएफआर uh, यूज करते हो तो एरिया अंडर द कर्व आपको कैलकुलेट करना है अगर आप सी एस टी आर यूज करते हो तो यहां पर सिंपल जो फाइनल जहां पर कन्वर्जन है उस पॉइंट पे जो आपका कंसंट्रेशन होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंगली आपको एरिया अंडर द दू मतलब कि जो रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है तो इस केस में आपके लिए बेटर कौन सा होगा सी एस टीआर बेटर होगा है ना जिसका एरिया कम है उसमें आपको वॉल्यूम कम रिक्वायर्ड आपके लिए वॉल्यूम कम रिक्वायर्ड होगा उस पर्टिकुलर रिएक्टर में तो वो आपके लिए बेटर होगा तो सिंपल अगर ये अरेंजमेंट आपको गिवन है तो उसमें देखिए आप आ, कौन सा करेक्ट आंसर चूज करोगे कि आपके लिए सबसे बेटर यहां पर है कि पहले मैं सी एस टी आर यूज करूंगा उसके बाद पी एफ आर यूज करूंगा उसके बाद में

कन्वर्जन uh, कन्वर्जन uh, की जगह हमको uh, मतलब कंसंट्रेशन गिवन हो देखिए सेकंड जो है अरेंजमेंट यहां पर हमको गिवन है लाइक माइनस आर ए वर्सिस कन्वर्जन माइनस आर ए वर्सिस कन्वर्जन में आपको यहां पर कर्व गिवन है क्लियर है तो ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से गिवन है लाइक like, तो अब मैं देखिए मेरा डिस्कशन मतलब मैं मैं क्या करूंगा इसको मैं इसको परफॉर्मेंस कर्व में कन्वर्ट कर लूंगा परफॉर्मेंस कर्व में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे अगर मैं इसको ड्रॉ कर लू इसको मतलब मैं ड्रॉ कर लू वन अपॉन माइनस आर ए कन्वर्जन में इस तरीके से मैं कर सकता हूं अपॉन माइनस आर ए के लिए तो लिख रहे हैं तो यहां पर मिनिमम यह तो यह हो जाएगा इस तरीके से उसके बाद जिस पॉइंट पे मिनिमम है उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा तो इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर मैक्स है तो यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा और यहां पर कुछ पॉइंट ये रहेगा तो इस तरीके से हमने क्या किया इस पर्टिकुलर कारो को हमने कन्वर्ट कर लिया परफॉर्मेंस कार्रो में इस तरीके से परफॉर्मेंस करो में कन्वर्ट करके अब हम यहां पर प्रिफेयर्ड जो आ, मतलब कि हमारे लिए जो बेटर सुटेबल जो रिएक्टर रहेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये अरेंजमेंट आपको गिवन था और यहां पर पूछा गया था आपको कि आपके लिए प्रिफेयर्ड जो रिएक्टर का ऑर्डर है वो कौन सा रहेगा तो सिंपल यहां पर देखिए अगेन कन्वर्जन के साथ गिवन है तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो लाइक सबसे पहला पॉइंट यहां पर तो यहां पर सबसे पहले देखिए मतलब कि एरिया अंडर द पीएफआर जो कर्व बनेगा उसका वॉल्यूम कम रहेगा उसके बाद फाइनल यहां पर देखिए सेकंड केस में यहां पर सीएसटीआर आपके लिए सुटेबल रहेगा उसके बाद में फाइनल इस पॉइंट पे जो कन्वर्जन है मतलब यहां पर ओके okay, यहां पर आपके लिए अगेन पी एफ आर यूज मतलब कि बेटर रहेगा तो सिंपल इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए पी एफ आर देन सी एस टी आर देन उसके बाद में पी एफ आर हम यूज करेंगे ये चीज क्लियर है नाउ अब थर्ड जो हमको अरेंजमेंट गिवन है देखिए थर्ड अरेंजमेंट गिवन है मैं मतलब कि अलग अलग अरेंजमेंट डिस्कस कर रहा हूं ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें पूछी जाएगी ना कोई भी अरेंजमेंट आपको पूछा जा सकता है तो थर्ड जो अरेंजमेंट है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं कन्वर्जन कंसंट्रेशन के साथ में मतलब परफॉर्मेंस करो गिवन हमको माइनस कंसंट्रेशन आपको गिवन गिवन है है देखिए कुछ इस तरीके से क्लियर है ये आपको गिवन है है ना तो यहां पर देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी बिकॉज ए आपका रिएक्टेंट है तो इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी सीए सी ए नॉट

ये आपको परफॉर्मेंस कर्व गिवन है इस परफॉर्मेंस कर्व के लिए कौन सा रिएक्टर आपके लिए सुटेबल रहेगा देखिए अगर आप यहां पर पी यूज करते हो तो इसका एरिया अंडर द जो है वो आपको वॉल्यूम देगा है ना वो मतलब टाव, टाव बेसिकली क्या देता है हमको अपॉन ऑफ ऑफमेटिक फ्लोरेट देता है टावेम अपॉन ऑफ वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट अगर हम कॉन्टेंट कंसिडर करें तो टाव टावेम जो होता है बेसिकली वो डायरेक्टली आपको क्या दे देता है वॉल्यूम दे देता है टावम काफ डायरेक्टली वॉल्यूम से कोरिलेट कर सकते हो तो सिंपल यहां पर मतलब कि जो अगर हम लोग पी एफ आर अगर यूज करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा और अगर हम सी एस टी आर यूज करते हैं तो यहां पर जो फाइनल ये जो पॉइंट रहेगा इस पॉइंट पे बेसिकली जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है उसका एरिया जो है वो बेसिकली आपको वॉल्यूम देगा है ना वॉल्युमेटिक फ्लोरेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं पर वोल्यूमेटिक फ्लोरेट कंसिडर कर लीजिए तो यहां पर कौन सा प्रीफर मतलब कि कौन सा रिएक्टर आप प्रिफर करोगे पीएफआर बिकॉज पीएफआर के लिए कम वॉल्यूम यहां पर आपको मिल रहा है एरिया अंडर द कर्व देन उसके बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए यहां पर ये ये परफॉर्मेंस करो हमको गिवन है तो इस परफॉर्मेंस कारो के लिए देखिए फाइनली अगर हम लोग पी एफ आर अगर हम यूज करते हैं तो ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा लेकिन अगर हम यहां पर सीएसटीआर यूज करते हैं तो सी एस टी आर यूज करते हैं तो जो फाइनल इस पॉइंट पे देखिए जो आपको मतलब पर्टिकुलरली कंसंट्रेशन पे ये जो परफॉर्मेंस कर्व गिवन है यहां पर इसका जो रेक्टेंगल जो बन रहा है यहां पर उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो ये एरिया बेसिकली ये रेक्टेंगल का एरिया यहां पर जो ये एरिया अंडर द कर्व होगा उससे स्मॉल होगा तो यहां पर सेकंड केस में हम क्या यूज करेंगे सी एस टी आर देन थर्ड केस में देखिए ये फाइनल जो आपको यहाँ पर वन अपॉन माइनस आए की वैल्यू गिवन है बन पर मैक्स है तो फाइनल इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रेक्टेंगल बन रहा है अगर आप सी एस टी आर यूज करते हो तो उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है अगर आप प्लग फ्लो रिएक्टर कैलकुलेट करते हो मतलब रिएक्टर uh, यूज करते हो तो जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व वो आपको वॉल्यूम के इक्वल मिल जाएगा तो यहां पर वॉल्यूम मतलब कि पी एफ आर केस में कम आपको मिलेगा तो यहां पर प्रीफेर्ड जो अरेंजमेंट है देखिए क्या हो गया सबसे पहले पी एफ आर देन उसके बाद में सी एस टी आर देन उसके बाद में

तो सिंपल यहां पर हम लिख रहे हैं ये कब आपको गिवन है अब इसके में सेम कंसंट्रेशन के साथ गिवन है तो कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ये डायरेक्शन फॉलो करने वाले हैं कि लाइक इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्स आपको गिवन है यहां पर सी ए उसके बाद में लाइक like कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होते जा रही है सी ए वन हो गया उसके बाद सी ए टू हो गया है ना उसके बाद लाइक फाइनल कंसंट्रेशन सी ए थ्री जो कि जीरो कंसंट्रेशन हम कंसिडर कर सकते हैं तो सिंपल देखिए जो मतलब ये आपका परफॉर्मेंस कब तो नहीं है है ना परफॉर्मेंस करो सिर्फ दो ही पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के साथ में तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फाइव वर्सिज कंसंट्रेशन जो हम ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली हमको क्या देता है अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट ये हमको देता है अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन हमको देता है तो अल्टीमेटली वो उसका अमाउंट को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्लियर है तो हमारा मतलब टारगेट क्या होता है रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन लाइक like, uh, uh, मतलब किसी भी रिएक्टर में कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पर हमारा टारगेट क्या रहता है कि डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो तो ये हमको जो इसका एरिया अंडर द कवर बेसिकली हमको अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है तो वही तो हमारा टारगेट होता है

ये हो जाएगा हमारा सी एस टी आर है ना सी एस टी आर हम प्रीफर करेंगे उसके बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए एरिया अंडर द कर्व अगर आप कैलकुलेट करो पी एफ आर के लिए तो वो मैक्स मिलेगा इस फाइनल रेक्टेंगल के एरिया से तो यहां पर सेकंड केस में पीएफआर करेंगे फाइनल थर्ड केस में देखिए यहां पर एरिया अंडर द आपको देगा अगर आप पीएफआर यूज करते हो बट यहां पर फाइनल जो साई की वैल्यू है उसके साथ जो यहां पर रेक्टेंगल जो बन रहा है बेसिकली उसका जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे वो आपको प्लेट फ्लोर इक्टर के एरिया से ज्यादा मिलेगा तो यहां पर बेसिकली क्या यूज करेंगे सी तो यहां पर प्रीफेर्ड डायरेक्शन क्या हो जाए मतलब की अरेंजमेंट क्या हो जाएगा सबसे पहले सी उसके बाद में पी उसके बाद में सी क्लियर है ये आपका हो जाएगा प्रीफेर्ड अरेंजमेंट ओके okay गाइस तो यहां तक क्लियर है ट्वेल्व टेन थर्टी से हमने स्टार्ट किया था ट्वेल्व मतलब वन एंड हाफ आवर ऑलमोस्ट हो गया हमको ना तो ठीक है थोड़ा हम फाइव मिनट का रेस्ट लेते हैं उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नॉन आइसोथर्मल तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है देन पूछ सकता है नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर में नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर्स ओके okay, नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो आइडियल रिएक्टर के लिए कंसिडर करेंगे फॉर आइडियल रिएक्टर तो नॉन आइसोथर्मल में देखिए सिंपली हम बात करते हैं एनर्जी बैलेंस की है के ना एनर्जी बैलेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉन आइसोथर्मल में नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर ना एनर्जी सिंपल आपको क्या करना होता है यहाँ पर एनर्जी बैलेंस लिखनी होती है अच्छे से अगर आपको एनर्जी बैलेंस लिखना आता है सो तो इस तरह रिवाइज हो गया तो टॉप टेन में आ जाए आ जाएंगे सर बढ़िया है टॉप टेन आना भी चाहिए इतना अच्छा रैंक तुम्हारा था इस बार भी तो टॉप टेन तुम डिजर्व करते हो नेक्स्ट टाइम तो हम बात कर रहे थे नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर्स की तो जैसा मैंने बताया कि नॉन आइसो नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर में नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर्स में बेसिकली हम लोग एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं सिंपल एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना आपको आना चाहिए लाइक देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई कोई सिस्टम है देखिए सिंपल फिफ्टी ओके नितेश की रैंक थी लास्ट ईयर फिफ्टी और वो भी बोल रहा है कि सारे लेक्चर वो देख रहा है है ना सारे लेक्चर देख रहा है और काफ़ी अप्रिशिएट भी मतलब कर रहा है कि ठीक है उसको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज़ हो जा रही है तो अच्छा है मैं ट्राई करूंगा अगर सारे सब्जेक्ट कवर कर पाऊंगा तो ऑलरेडी हम लोग सेकंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कल मॉर्निंग तक हम लोग सीआर कंप्लीट करके अगर टाइम हमको मिलता है तो ना हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे सीआर पीडी हीट ट्रांसफर पीडीसी जो भी सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ओके तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन आइसोथर्मल में रिएक्टर की जिसमें हम सिंपल एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं लाइक लाइक इनलेट में आपका है टी वन और टी टू और टी वन इनलेट में और आउटलेट में टी टू टेम्परेचर तो सिंपल कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है देखिए आपको सिस्टम में जो रिएक्टर आपके पास में है उसमें रिएक्शन क्या है मोस्टली uh, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लाइक गिवन रहेगी ए से बी मतलब रिएक्टेंट ए से कोई बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो सिंपल देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे एनर्जी बैलेंस की ना तो सिंपल कुछ टाइम से जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर लाइक like, मैं यहाँ पर क्यू नोट लिख रहा हूँ तो क्यू नोट बेसिकली क्या होगा कि सिस्टम में कोई अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो या फिर हीट अगर रिलीज हो रहा है डिपेंड करेगा कि अगर एंडोथर्मिक uh, रिएक्शन है तो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है देन उस केस में आपको हीट रिलीज करना पड़ेगा रघु पूछ रहा है कि 52 रैंक वाले स्टूडेंट दोबारा क्यों दे रहे हैं बिकॉज इस बार तो काफी कम सीट पीएसयू में आई थी इसी वजह से दोबारा देना पड़ रहा है एग्जाम कोई और ऑप्शन नहीं है बालाराम गुड इवनिंग बालाराम बलराम बलराम कुमार योद्धा है ना कल से सर कितने बजे क्लास होगी क्लास का टाइम मॉर्निंग और उसके बाद रात साढ़े दस बजे कल उसके बाद परसों से मॉर्निंग में जब टाइम मिल जाता है तभी क्लास हो जाएगी ठीक है लेकिन ये लेक्चर पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ जितना भी हम लोग एक्सटेंड कर पाएंगे एक बजे तक उसके बाद मैं आपको टाइम बता दूंगा गाइस ठीक है तो पहले हम यहां पर ये डिस्कस कर लेते हैं देखिए हम लोग देख रहे हैं कि नोट बेसिकली क्या हो गया एनर्जी अगर लाइक like रिलीज हो रहा है या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन में तो वो होगा नोट ऑफ द रिएक्शन है ना उसके बाद डेल्टा एच डेल्टा एच होता है बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन टोटल हीट ऑफ रिएक्शन जो है लाइक like अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट ऑफ रिएक्शन जो बेसिकली है वो नेगेटिव है होगा अगर अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो पो, वो पॉजिटिव होगा ठीक है मैं क्लास के बाद में आपको टाइम बता दूंगा अभी यहां से कंटिन्यू कर सकते हो जस्ट हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर है ना नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर देखता हूं मैं आ, कितना टाइम लगेगा इसमें ट्राई करते हैं जल्दी से इसको कंप्लीट करने का उसके बाद में नॉन नॉन आइडियल रिएक्टर हम स्टार्ट करेंगे जस्ट नया टॉपिक स्टार्ट किया डोंट वरी स्टार्ट कर सकते हो तो इस सिस्टम के लिए देखिए अगर आपको रेट मतलब कि एनर्जी रिलीज या एनर्जी अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल्स द नंबर ऑफ ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट एल आर में पर लिख रहा हूं द द नंबर नंबर ऑफ 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 मोल्स मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट यहां पर करेंगे उसके अलावा देखिए यहां पर ये मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम कैसे लिख सकते देखिए हीट ऑफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय एफ एनोट वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट इज मल्टीप्लाई जो आपको कन्वर्जन गिवन है molar flow rate को से multiply करते हो, तो आपको मिल जाता है पर, मतलब Q, जो हिट रिलीज हो रही है वो हो गया आपका दीट ऑफ रिएशन इज मल्टीप्लाई बाई एफेनोट इंटू एक्स अब सिंपल देखिए मैं आपको एक काम करता हूं ओवरऑल सिंपल अगर आपको सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो मुझे ज्वाइन करा दीजिए ठीक है ठीक है वो मैं सब कर दूंगा तो सिंपल लाइक like, अगर आपको एडियाबेटिक सिस्टम गिवन है ना अगर एडियाबेटिक सिस्टम गिवन है तो एडियाबेटिक सिस्टम के लिए हम क्या लिखते हैं जो क्यू होता है बेसिकली हीट जो हीट हीट रिलीज हो रहा है हीट या फिर अब जो, अ, मतलब कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं बेसिकली फॉर एडियाबेटिक सिस्टम हम क्या लिखेंगे क्यू जो है वो जीरो होगा क्यू जो है वो जीरो होगा है ना तो अगर क्यू जीरो है तो हम सिंपली लिखते हैं कि डेल्टा डेल्टा एच जो है वो क्यू एक्सटर्नल के इक्वल होता है तो यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं अगर एडियाबेटिक सिस्टम हुआ तो आप क्यू को डायरेक्टली जीरो पुट कर दोगे तो अगर, अगर uh, so मतलब, uh, क्यू जीरो तो कैसे लिख सकते माइनस ऑफ एच एंट्री प्लस ऑफ एनथेल्पी ऑफ द एनथेल्पी जनरेशन अगर सिस्टम में आपका कोई एनथेलपी जनरेट हो रहा है देन उस में हम लिखेंगे H, H प्लस ऑफ थेलपी जनरेशन प्लस ऑफ एंथेल्पी जनरेशन एंथेल्पी जनरेशन ड्यू टू द रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से हम सिंपली लिख सकते हैं मैं आपको फाइनल मतलब जो इंपॉर्टेंट देखिएगा इस क्वेश्चन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो मैं जस्ट आपको भी बता दूंगा Uh, तो जस्ट मैं सिंपल बेसिक चीजें पहले बात कर रहा हूं इनका मतलब क्वेश्चन से आप बोल सकते हो इतना कोई को, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है है ना क्वेश्चन करने के लिए फाइनल मैं आपको एनर्जी बैलेंस बताऊंगा बेस्ड ऑन द मास बेसिस एंड बेस्ड ऑन द मोल बेसिस ओके वो जस्ट मैं आगे आपको बताऊंगा तो उससे पहले देखिए आपको लाइक सीपी की यूनिट पता होनी चाहिए स्पेसिफिक यूनिट यूनिट आप लिख सकते हो लाइक मोल के टाइम में लिख सकते हो मतलब किलो जूल पर किलो मोर के एल्विन उसके अलावा अगर मास के टाइम में लिखोगे तो किलो जूल पर केजी पर केजी पर केल्विन हो जाएगा है ना तो अब वो डिपेंड करेगा कि आप मोल्स की टर्म में लिख रहे हो फिर मास की टर्म में लिख रहे हो तो सिंपली देखिए हम लोग एंथेल्पी एंथेल्पी को कैसे लिख सकते देखिए अगर सीपी की यूनिट आपकी मोल्स की टर्म में गिवन है तो हम एनथेल्पी को लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी अगर आप मास की टर्म में यूज कर रहे हो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एम इंटू सी पी एम इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्लियर है अब मैं एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं देखिए यहां पर एक सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं जिस पे हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे जो कि आपको फाइनल याद रखनी है देखिए अभी तक ऐसा हो सकता है कुछ टाइम जस्ट मतलब बिल्कुल अन मतलब कि न, आ, जो रिक्वायर्ड टाइम नहीं वो यहाँ पर मैंने आ, पढ़ा दी है तो उसके लिए थोड़ा मतलब जस्ट टाइम वेस्ट कर दिया हूँ मैं अभी तो सिंपल देखिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक एक रिएक्टर आपके पास में है तो इस रिएक्टर में देखिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका इनलेट टेम्परेचर टी इन गिवन है और आउटलेट टेम्परेचर टी आउट गिवन है उसके अलावा वॉल्यूटिक फ्लोरेट एफ ए नोट है और आउटलेट में फ्लोरेट एक अब देखिए रिएक्शन ए से बी प्रोड्यू है ना ए से बी मतलब कि रिएक्टेंट ए से बी यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है तो सिंपल देखिए कि एफ ए यहाँ पर आउटलेट में एफ ए मतलब कि ए का भी फ्लोरेट होगा और बी का भी फ्लोरेट होगा और उसके अलावा मास फ्लोरेट के टर्म में बात करें तो इनलेट में मास फ्लोरेट एम इन है उसके अलावा आउटलेट में मास फ्लोरेट एफ आउट है ओके okay, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं फॉर एडियाबेटिक सिस्टम फॉर एडियाबेटिक सिस्टम यहां पर एनर्जी बैलेंस लिख रहा हूं फॉर एडियाबेटिक सिस्टम आपको एग्जाम में एडियाबेटिक सिस्टम ही गिवन रहेगा कितने भी क्वेश्चन आप देख लीजिए इस टॉपिक से जो पूछे गए नॉन आइसोथर्मल से वो एडियाबेटिक सिस्टम पे ही गिवन है ना तो फर्स्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बेस्ड ऑन

मतलब अगर आपको कांस्टेंट स्पेसिफिसिटी गिवन है देन टेंपरेचर एट आउट माइनस ऑफ यहां पर हम लिखते हैं रेफरेंस टेंपरेचर माइनस ऑफ माइनस ऑफ हम लिखेंगे एमसीपी इन डेल्टा टी तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा एम इन in, जो इनलेट में मास फ्लो रेट है इनटू सीपी इन इज मल्टीप्लाई बाय टी एन माइनस ऑफ टी रेफरेंस इसके बाद हम यहां पर इसमें जनरेशन टाइम ऐड करेंगे तो एच जनरेशन टाइम को हम लिखते हैं

सेम इक्वेशन हम लिखते हैं बेस्ड ऑन मोल बेसिस तो देखिए मोल बेसिस पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एनर्जी बैलेंस एनर्जी बैलेंस बेस्ड ऑन मोल्स एनर्जी बैलेंस बेस्ड ऑन मोल्स तो सिंपली ये इक्वेशन हम कैसे लिख देंगे और मैं कुछ एजेंशन यहां पर लिख रहा हूं लाइक हमने देखा कि ए से बी मतलब रिएक्टेंट ए से बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो यहां पर जो स्पेसिफिक हीट है सीपीए इज इक्वल टू सीपीबी है ना इसको मैं फाइनली सीपी यूज करूंगा और जो रेफरेंस टेम्परेचर है उसको हम लोग जीरो कर रहे हैं है ना तो देखिए सिंपल इसके लिए हम जब लिखेंगे तो मोल बेसिस पे जब लिखेंगे तो देखिए हम लिखेंगे आउटलेट में जो कंसेंट्रेशन आउटलेट में जो आ, मतलब कि होगा, वो क्या हो जाएगा देखिए एफ एनो एफ ए इंटू सीपीए इंटू टी आउट

एच आर जो है वो नेगेटिव रहेगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डेल्टा एच आर पॉजिटिव रहेगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ओके तो सिंपल यहां पर हम लिखने रिएक्शन डेल्टा एच आर इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय क्या लिखने वाले एफ ए नोट इन टू एक्सए नोट ओके okay, तो यहां से इसको इक्वल टू मैंने जीरो पुट कर दिया ये दोनों इक्वेशन सिंपली आप याद रख सकते हो एनर्जी बैलेंस बेस्ड ऑन द मोल्स और एनर्जी बैलेंस बेस्ड ऑन द मास उसके बाद देखिए जो ये मैंने एजम्पन यहां पर लिया है कि लाइक रेफरेंस टेम्परेचर जीरो उसके बाद में स्पेसिफिक हीट अगर ए और बी कॉम्पोनेंट के लिए अगर इक्वल है तो फाइनली हमको यहां से एक इक्वेशन मिलेगी देखिए और वो इक्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं सी पी इन टू टी आउट माइनस ऑफ टी इन इज डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स ए तो गाइज ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेट में क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है है ना इससे डायरेक्टली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इससे डायरेक्टली आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना बट आपको क्वेश्चन में देखना है कि एडियाबेटिक सिस्टम गिवन है क्या एडियाबेटिक सिस्टम गिवन होना चाहिए उसके अलावा स्पेसिफिक हीट जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो मतलब कि सीपी uh, जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होना चाहिए उसके अलावा जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो जीरो होना चाहिए तो यहां से आप कोई भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हो आप फाइनल कंसेंटेशन आपको कैलकुलेट करना है सीपी आप कैलकुलेट कर सकते हो है ना इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर आपके पास में है हीट ऑफ रिएक्शन आपके पास में है और कन्वर्जन आपके पास में तो आउटलेट टेम्परेचर डायरेक्टली इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है जस्ट ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी बेस्ट uh, मतलब एनर्जी बैलेंस उसको मैंने यहाँ पर सिंपलीफाई कर दिया जमसन यूज करके तो ये क्वेश्चन ऑलवेज याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है यहां पर एनर्जी बैलेंस के लिए बट और एक सेकंड टाइम यहां पर मोस्टली केसेस में यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है श्योरली मतलब आपको देखिए यहां पर यूनिट चेंज करनी पड़ेगी जब आप यूनिट कैलकुलेट करोगे जो आपको क्वेश्चन में मतलब हीट ऑफ रिएक्शन और सीपी के लिए जब यूनिट गिवन रहेगी तो यहां पर यूनिट बैलेंस नहीं हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यह यहां पर अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बट यूनिट बैलेंस का ध्यान रखिए बस इतना सा मैं आपको बोलूंगा ना तो यहां पर सिंपली मैं आपको मतलब uh, कर रहा हूं कि आपको केयरफुल रहना है अबाउट द यूनिट है ना अबाउट द यूनिट आपको केयरफुल रहना है ओके okay, गाइस सो so, अगर आपको लाइक like, ये मैंने एडियाबेटिक का केस डिस्कस किया अगर आपको नॉन एडियाबेटिक का सिस्टम मतलब अगर केस दे दिया तो सिंपली क्या करना है यहां पर ये जो हम लिख रहे हैं यहां पर मतलब देखिए इक्वल टू में जो जीरो हम लिख रहे हैं वहां पर क्यों आ जाएगा तो यहां पर सिंपली देखिए क्या हो जाएगा ये सीपी इंटू टी आउट फॉर एडियाबेटिक ना फॉर नॉन एडियाबेटिक केसेस के लिए भी आप लिख सकते हो हो सकता है क्वेश्चन आपको नॉन एडियाबेटिक पे पूछ ले गेट uh, में नॉन एडियाबेटिक तो नॉन एडियाबेटिक के केस में देखिए क्या हो जाएगा सीपी इंटू टी आउट

तो यहां पर नॉन आइसोथर्मल पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली बस ये बैलेंस इंपॉर्टेंट है अगर ये बैलेंस आप लिख पा रहे हो उसके बाद आपको ये हीट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है पॉजिटिव यूज करनी नेगेटिव यूज करनी अगर ये आप आता है आपको तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और यहां पर मैंने ये शॉर्टकट ट्रिक की बब, ट्रिक भी बता दिया आपको फॉर एडियाबेटिक सिस्टम नाउ अब नेक्स्ट देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्लिबीरियम कन्वर्जन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्लिबीरियम कन्वर्जन क्म कन्वर्जन देखिए सिंपली हम अगर यहां पर मतलब कि इफेक्ट ऑफ इफेक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखे हमारे कन्वर्जन पे तो यहां पर मैं एक इक्वेशन लिखूंगा विद हेल्प ऑफ ऑफ वांट जो इक्वेशन होती है उसका इंटीग्रल फॉर्म में यहां पर लिख लिखने वाला हूं उसका इंटीग्रल फॉर्म में मैं लिखूंगा देखिए सिंपल यहां से हमको ये मिलता है कि एल एन ऑफ के सी टू अपॉन ऑफ के सी वन इक्वल टू डेल्टा एच आर अपॉन ऑफ आर इज मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टी वन माइनस ऑफ वन अपॉन टी टू लाइक ये इक्वेशन हमको मिलती है वर्ड ऑफ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म बेसिकली है ना तो यहां पर सिंपल देखिए मतलब कि कोई भी रिएक्शन लाइक इक्वेबरियम कन्वर्जन की हम कब कर बात करते जब आपका रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो लाइक like ए से बी फॉर्म हो, हो रहा है और बी से आपका ए बी फॉर्म हो रहा है तो सिंपल यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एल एन केक्ल टू यहां पर के सी वन और के सी टू अगर रिवर्सिबल रिएसी वन और केसी टू सिंपली क्या दे रहा है कि पर्टिकुलरली टेम्परेचर टी वन है उस पे पर रेट कॉन्स्टेंट क्या हो गया के सी वन हो गया लाइक like, उसके अलावा टेम्परेचर टी टू है उस पर आपका रेट कॉन्स्टेंट जो है वो

तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है पॉजिटिव होगा तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये जो टाइम है T1 वन इज ग्रेटर टी वन वन अपॉइन टी वन माइनस ऑफ वन अपॉन टी टू देखिए ओके, ओके बिकॉज टी वन जो है ग्रेटर तो ये वैल्यू ये वैल्यू देखिए यहां पर स्मॉल यह रहेगी और ये वैल्यू पर ज्यादा रहने वाली तो यह यहां पर आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव हो गया और ये वाली नेगेटिव हो गई तो जस्ट मतलब मैं यहां पर यह कमेंट करना चाह रहा हूं रेड कॉन्स्टेंट है क्या रहेगा यहां पर आपको मिल जाएगा कि टू वन जो है, वो आपका हो जाएगा यहां पर देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ओके तो फाइनली ये नेगेटिव टर्म आपको मिलने वाले यहां पर तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये के सी टू जो है वो स्मॉल रहेगा केसी टू जो है वो स्मॉल रहेगा केसी वन से तभी तो ये लोग ये, ये रेशियो है वो नेगेटिव मिल रहा है जस्ट अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं हम हम अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो जो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा आ रहा है वो यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो रेशियो है सेम टी वन इज ग्रेटर टी टू के लिए ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो जो हम लिख रहे हैं पर टीवन इज ग्रेटर टी टू उसके साथ में जो मतलब की जो

टेम्परेचर टी टू टी टू लेस देन टी वन है बट स्टिल जो रेट कॉन्स्टेंट होगा केसी टू वो आपको ग्रेट देने मिल जाएगा केसी वन के लिए बिकॉज वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जनरेट मतलब हो रहा है के सी टू केसी टू इज ओके टेम्परेचर से कोई रिलेटेड मत कीजिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की रिएक्शन वाली कंडीशन भी आ रही है सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ देखिए फोर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो केसी हमें पता है कि इंक्रीज होता है बिकॉज टेम्परेचर डिपेंडेंट टाइम ये होती है उसके बाद में देखिए इक्वीबीरियम कन्वर्जन इक्वीबिरियम कन्वर्जन क्या होगा इंक्रीज होगा और अगर हम लोग बात करें एंडोथर्मिक uh, उसके बाद अगर हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में देखिए क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कन्वर्ट uh, मतलब जो केसी है बेसिकली वो डिक्रीज होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और जो कन्वर्जन है वो डिक्रीज होगा बिकॉज हमें तो सिंपल देखिए ना मतलब कि मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व तो मतलब मतलब कैसा बनेगा और एक्सोथर्मिक के लिए कैसा बनेगा सिंपल मैं यहां पर इक्विलिब्रियम कर्व देखिए ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें आप देख सकते हो कि टेम्परेचर के साथ में कैसे रिलेशन इसका रहने वाला है यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम कन्वर्जन इक्विबीरियम uh, कन्वर्जन उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर तो जब हम लोग एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इक्लिबीरियम कन्वर्जन होता है वो इंक्रीज होता है ये वाला फर्स्ट कव मैं बना रहा हूं एंडोथर्मिक यहां पर मैं लिख देता हूं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो टेम्परेचर uh, इंक्रीज करने पे कन्वर्जन मतलब इक्विबेरियम कन्वर्जन है वो इंक्रीज होता है सेकंड कर्व में यहां पर बना रहा हूं देखिए सेकंड कर्व में यहां पर ये यह बना रहा हूं कि जो एक्जोथर्मिक जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये वाला जो सेकंड ये आपका फर्स्ट कर्व हो गया ये सेकंड करव तो सेकंड कर्व जो है वहां पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सो फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है कि, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो कन्वर्जन इक्विबीरियम कन्वर्जन देखिए यहां पर मैक्सिमम था एक लो टेम्परेचर और टेपरेचर इंक्रीज करने पर वो डिक्रीज हो रहा है तो यह आपका हो गया इक्विबिर कन्वर्जन है ना इक्विबरियम कन्वर्जन हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ में कैसे चेंज हो रहा है ओके okay, गाइड उसके अलावा देखिए इक्म कन्वर इक्लिबेरियम कन्वर्जन जो होता है वो प्रेशर के साथ भी चेंज होता है ना प्रेशर के साथ भी बेसिकली जो हमारा इक्लिबेरियम कन्वर्जन होता है प्रेशर के साथ भी चेंज होता है या कुछ इनर्ट आपके सिस्टम में प्रेजेंट है ना इनर्ट अगर प्रेजेंट है तो उस केस में भी आपका जो इक्विबेरियम mm. कन्वर्जन है वो चेंज होता है तो हम यहां पर लिख देते हैं देखिए कोई गैस फेस रिएक्शन है लाइक फॉर ए गैस फेस रिएक्शन फॉर ए गैस फेस रिएक्शन ये बोल रहे हैं कि अगर number of moles जो है अगर number of moles अगर होता है हमारे reaction में ना for a से हो रहा है ना, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे सिस्टम में डिक्रीज हो रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं देखिए कि प्रेशर इंक्रीज होने पे, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने पे कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज होगा हमारे सिस्टम का

मोल से थ्री मोल भी प्रोड्यूस हो रहा है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्लिबिनियम कन्वर्जन जो है वो डिक्रीज होगा तो हमारा सिस्टम बेसिकली कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से इक्लिबिनियम कन्वर्जन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसके बाद देखिए एक एक स्टेटमेंट और याद रखिए कि अगर सिस्टम में इनर्ट्स प्रेजेंट है है ना कोई गेसियर सिस्टम आपका है उसमें अगर इनर्ट्स प्रेजेंट है तो इनर्ट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कॉम्पोनेट जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लाइक आपके रिएक्शन आपके सिस्टम में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन कभी भी रिएक्शन में मतलब आ, म, मतलब कि ना तो लाइक वो कन्वर्ट नहीं होने वाली प्रोडक्ट में ना वो लाइक like रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट रहेगी सेम अमाउंट और प्रोडक्ट में भी उतना ही अमाउंट प्रेजेंट रहेगी ओके तो सिंपल जो इनर्ट इनर्ट गेसिस जो होता है बेसिकली वो क्या करता है बेसिकली हमारा जो इक्विबिरियम कन्वर्जन है उसको बेसिकली क्या करता है डिक्रीज करता है मतलब कि अगर आपके फीड में अमाउंट ऑफ इनट अगर ज्यादा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो इक्वीबिरियम कन्वर्जन है वो डिक्रीज होगा ओके okay. चीज आपको याद रखने ना अब मैं यहां पर नेक्स्ट बात कर रहा हूं ए, मतलब कि एडियाबेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा सेकंड हम देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा ना मतलब जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम देख रहे हैं तो इतना देखिए ओवरऑल हमको ये पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन डिक्रीज होता है तो सिंपल यहां पर हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं फॉर एडियाबेटिक पीएफआर फॉर एडियाबेटिक पीएफआर एफ आर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं फॉर एडियाबेटिक पीएफआर पहला जो केस है वो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन तो देखिए फॉर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम ये सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर इक्विलिब्रियम कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर देखिए एक्सई वर्सिज एक्सई वर्सेस टेम्परेचर अगर हम लोग एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक्जोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखें तो होगा क्या सिंपली एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो कन्वर्जन है इक्विबिर कन्वर्जन वो डिक्रीज होता है Just मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया तो यहां पर देखिए होता क्या है सिंपली uh, uh, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम है इसमें हम टेम्परेचर के साथ इसका चेंजेस देख रहे हैं तो अब यहां पर अब सेकंड एक मतलब की uh, मतलब जो हमने सिंपल टेम्परेचर के साथ तो ये देखा कि टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे परिबरियम कन्वर्जन जो है वो क्या होगा क्म कन्वर्जन हमारा डिक्रीज होता है बट अगर आप लाइक बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर अगर इस रिएक्शन को करोगे तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज जो के आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी फंक्शन है तो रेट मतलब कि कि आप आप ऐसा नहीं रिएक्शन को बहुत लो पे आप मतलब की आप उसको आप उसके साथ डील करने वाले लो टेम्परेचर पर ऐसा नहीं है. एक ऑप्टिमम टेंपरेचर कैलकुलेट करना होता है उसमें हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं इंटरस्टेज कूलिंग भी यूज करते हैं इंटरस्टेज कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है इंटरस्टेज कूलिंग की हेल्प से हम क्या करते कर सकते हैं कन्वर्जन जो इक्विबरियम जो कन्वर्जन है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं ओके देखिए हमें यहाँ पर वो इक्वेशन लिखता हूं जो हमने लिखा था कन्वर्जन के लिए एक्स इक्वल टू सी पी इन टी इन इज डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंपल मतलब टेम्परेचर चेंज यहां पर आ गया एक्स एक्सिस पे और कन्वर्जन आ गया यहां पर वाई एक्सिस पे तो यहाँ पर इस ये जस्ट एक जो लाइन बेसिकली मतलब इक्विबीरियम लाइन यहाँ पर लीनियर लाइन line हमको मिलेगी तो अगर इसकी हम स्लोप देखें तो हमको इसकी स्लोप क्या मिल रही है यहां पर देखिए माइनस सीपी अपोन ऑफ डेल्टा एच आर यहां से इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि मतलब जो यहां पर मतलब ऑपरेटिंग लाइन बेसिकली लाइक हम कर रहे हैं तो उसकी स्लोप जो है वो होगी तो सिंपल हम यहां पर देख सकते हैं देखिए रिलेशन क्या होगा यहां पर कन्वर्जन का कन्वर्जन का रिलेशन हम टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं ये रिलेशन हम ऐसा बोल सकते हैं देखिए लाइक पर्टिकुलरली ये रिएक्शन हम इस रिएक्शन की हम डील कर रहे हैं मतलब कि 400 हंड्रेड केलविन पर है ना 400 हंड्रेड केलविन पर हम किसी मतलब कि हमारे सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं और जो सिस्टम है हमारा एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक सिस्टम में होगा क्या कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो ये मतलब कि कि आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे जो है वो इंक्रीज होगा तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा लाइक पर्टिकुलरली यहां पर लाइक एक मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कन्वर्जन हमको मिल गया लाइक फिफ्टी परसेंट कन्वर्जन हम अचीव कर सकते हैं पर्टिक्युलर फोर हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर पे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हम देख सकते हैं

इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम फिर देखते हैं कि टेंचर मतलब हम ये रिएक्शन फिर से हो सकता है और यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज हो जाएगा मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो हमको मतलब का मतलब हमारा जो कन्वर्जन है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं ओके okay, तो इंटरेस्टेज कूलिंग एक्जोथर्मिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है और सेम चीज जब हम लोग एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो वहां पर जस्ट रिवर्स हो जाता है वहां पर जो जो कर्व बेसिकली हमको मिलता है देखिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ एक्सोथर्मिक केसेस में जो कर्व है कुछ इस तरीके से आपको मिलता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो कन्वर्ट, इक्विबेम कन्वर्जन है वो इंक्रीज होता है तो वहाँ पर इंटरस्टेज कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है इंटरस्टेज uh, हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कूलिंग की और uh, जो uh,

तो रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक सिस्टम की अगर हम बात करें फॉर ए फिक्स रिएक्टर साइज के लिए तो देखिए लो टेम्परेचर अगर रिवर्सिबल सिस्टम में अगर हम लो रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा वहां पर हाइएस्ट पॉसिबल कन्वर्जन हम हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे मतलब लो एक प्रोसेस में लो टेम्परेचर रख के बिकॉज वहां पर क्या होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज मतलब कि बहुत ज्यादा स्लो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाएगा तो सेकंड देखिए हाई टेम्परेचर मेंटेन करके क्या हम लोग मैक्सिमम कन्वर्जन अचीव कर सकते हैं नहीं उस केस में भी हम लोग मैक्सिमम कन्वर्जन अचीव नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को इसलिए क्या करना होता है मतलब की मैग्म मैक्सिमम जो uh, मतलब कि इक्विलिब्रियम कन्वर्जन है वो अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव करना पड़ता है ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कि बिटवीन मतलब कि लो टेम्परेचर से हमको ज्यादा और हाई टेम्परेचर से लो हमको कहीं पे एक टेम्परेचर है वो आ, उस पर हमको बेसिकली डील करना होता है मतलब यहां पर इस एक्सोथर्मिक केस में मैंने ये क्यों बोला कि हाई टेम्परेचर पे क्या हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस को कर सकते हैं नहीं बिकॉज हाई हाई टेम्परेचर पे तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक सिस्टम uh, के लिए लो लो कन्वर्जन हमको मिलेगा लो क्रूबेरियम कन्वर्जन तो बिटवीन मतलब कि जो अगर ये कर्व में एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर ड्रॉ करूं तो यहां पर Uh, कोई ऑप्टिमम टेंपरेचर के साथ हम डील करते हैं ना जहां पर आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिलता है ओके तो सिंपल अब यहां पर मैं जस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करने वाला हूं जल्दी से आपको बता देता हूं देखिए ऑप्टिम टेम्परेचर केस में आपको क्या ध्यान रखना है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोग्रेशन हम इसे बोलते हैं बेसिकली ओके तो ऑप्टिम टेम्परेचर केस में देखिए हम किस चीज को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट जो है आ, आ, ओके ऑप्टिमम प्रोग्रेशन में हम लोग इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर अपॉन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट जो है वो बेसिकली मिनिमाइज रखेंगे हम लोग फॉर ए गिवन कन्वर्जन ये मिनिमम होना चाहिए ये मिनिमम ये मिनिमम होना चाहिए फॉर ए गिवन कन्वर्जन बिकॉज हमें पता है कि अगर मतलब कि कम वोल्यूम, कम वॉल्यूम 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 ऑफ अगर रहेगा रिएक्टर का उसके साथ हमको अगर मतलब कि जो कन्वर्जन है वो मिल जाता है तो हमारे लिए वो बेटर कंडीशन होती है तो ऑप्टिमम केस में हम क्या करते हैं वी अपॉन ऑफ एफ एनोड जो है इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं तो मैं फर्स्ट फर्स्ट केस आपको बताता था देखिए फर्स्ट केस यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर इ रिवर्सिबल रिएक्शन अगर मैं इिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूँ वन बाई वन वापस हम डिस्कस कर रहे हैं जिस जल्दी जल्दी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा और, और उसके बाद रिवर्सिबल में एक्जोथर्मिक और रिवर्सिबल एंडोथर्मिक में क्या होगा तो फर्स्ट देखिए यहां पर इर रिवर्सिबल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल वहां पर तो क्या होता है वेदर आपका रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्जोथर्मिक को इ रिवर्सिबल सिस्टम के केस में सिंपल फंडा है टेम्परेचर मतलब कि जो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेट कॉन्टेंट जो है वो इंक्रीज होगा सिंपल है रेट कॉन्स्टेंट ऑलवेज इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में वेदर आपका चाहे सिस्टम जो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो ओके तो अगर आपका इरिवर्सिबल सिस्टम है तो वहां पर हम क्या करेंगे वहां पर हमको मेंटेन करके रखना है हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर सो फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज हम क्या करते हैं हाइएस्ट टेम्परेचर हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं हाइएस्ट पॉसिबल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है ना हाइएस्ट एंड कॉन्स्टेंट तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहां पर हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं उस केस में आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिलता है और सेकंड देखिए यहां पर रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्सोथर्म रिवर्सिबल एंडोथर्मिक की बात करते हैं पहले रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है लाइक ए से बी प्रोड्यूस हो रहा है और बी से वापस सी भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट के में डिफाइन कर रहा हूं और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट यहां पर

फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ऑफ ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो ये हमको हीट ऑफ रिएक्शन जो मिलता है मतलब ये क्या मिल जाएगा पॉजिटिव मिल जाएगा तो सिंपल हम यहां से बोल सकते हैं कि मतलब कि जो ये बेसिकली ये है ये आपका ग्रेटर होगा किसके लिए फॉरवर्ड मतलब एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो है वो बैकवर्ड एनर्जी से ग्रेटर देन होगा तो हमें पता है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में पता है कि टेम्परेचर मतलब कि अगर टेम्परेचर लाइक हाई हाइयर टेम्परेचर रहेगा तो प्रिफर प्रिफरेबल कंडीशन रहेगी उसके लिए बिकॉज कोरस्पॉन्डिंगली uh, उसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी वहां पर हाइयर रहने वाला है तो सिंपल यहां पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं ओके अब देखिए अगर आप हाई मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो सेम चीज में यहां पर भी बोलूंगा कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा बट ये जो दोनों है अगेन ये डिफरेंट 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 एक्सटेंट पे इंक्रीज होगा मतलब इनका जो रेट है इंक्रीज होने का वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा ना बट टू डिफरेंट एक्सटेंट पे ये इंक्रीज होने वाले हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बट एट ए डिफरेंट एक्सटेंट ओके okay, मतलब हम बोल सकते हैं कि के एफ जो है वो मोर इंक्रीज होगा और के बैकवर्ड के बैकवर्ड जो है बेसिकली वो लेस इंक्रीज होगा सिंपल जब हम लोग यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले हैं तो तो सिंपल हम यहां पर बोल सकते हैं फाइनली देखिए कि रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी फोर रिवर्सिबल फोर ओके फॉर रिवर्सिबल फॉर रिवर्सिबल एंडोथर्मिक के लिए हमारी डिजायर कंडीशन क्या हो जाएगी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होना चाहिए फॉर रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके ऑल्सो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर की हमको रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम मैक्सिमम अलाउेबल टेम्परेचर जितना हो सकता है वो हम मेंटेन करके रखेंगे ओके सो फॉर रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन द मैक्सिमम अलाउेबल टेम्परेचर शुड बी मेंटेन शुड बी मेंटेन शुड बी मेंटेन एट ए कॉन्स्टेंट शुड बी मेंटेन एट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब जितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है वो मेंटेन करके रखना है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल फॉर रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन बट अगर हम बात करें यहां पर थर्ड केस की देखिए रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्जोथर्मिक की अगर रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक की हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है देखिए सेम सेम चीज में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पर जो है वो एक्जोथर्मिक है बैकवर्ड रिएक्शन यहां पर क्या होगी बैकवर्ड uh, रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होने वाली है है ना सेम चीज पर मैं लिख रहा हूं देखिए कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हो जाएगी एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हो जाएगी एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन वो हो जाएगी एंडोथर्मिक okay, ये ऑलवेज ये स्टेटमेंट भी यहां पर ऑलवेज ट्रू रहेगा तो इस केस में भी देखिए सेम टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रेट जो वो भी इंक्रीज होगा बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट है वो भी इंक्रीज होगा बट डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे होगा और यहां पर हम डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं तो हमको बेसिकली क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है ना मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लेस देन रहेगी किससे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन तो यहां पर जो हमको हीट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली वो नेगेटिव मिलता है अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट जो है वो कम इंक्रीज होगा जब हम टेपेचर इंक्रीज करते हैं बट बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है ज्यादा इंक्रीज होने वाला ज्यादा हाइयर रेट से इंक्रीज होने वाला है, है। इसलिए हम लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं रिवर्सिबल एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए बट यहां पर देखिए यहां पर जो कंडीशन है बेसिकली वो मैं लिख देता हूं सिंपली यहां पर क्या होने वाला है इज द टॉप एज द टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इज इंक्रीज इनिशियली एज द टेम्परेचर इंक्रीज इनिशियली इज द टेम्परेचर इंक्रीज इनिशियली द रेट द रेट राइजिस द रेट राइजिस and passes through and passes

अगर आप हाई टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा जो मतलब कि कन्वर्जन बेसिकली आपका वो डिक्रीज होगा एक पॉइंट के बाद तो सिंपली जो रेट हमने यहां पर लिखा है जो बेसिकली रेट लिखा है रिएक्शन का वो इनिशियली मैक्सिमा को टच करता है और फाइनली डिक्रीज होता है तो इस केस में जो डिजायर्ड डिजायर्ड हमारा सिस्टम होता है वो हम कैसे लिखते हैं टेम्परेचर लाइक टेम्परेचर के साथ अगर हम लिखे कि लेंथ ऑफ रिएक्टर लेंथ ऑफ रिएक्टर के साथ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो क्या इंपैक्ट आने वाला है सिंपली इस पर देखिए मतलब इनिशियली ना लेंथ ऑफ रिएक्टर मतलब जो आपका रिएक्टर है उसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें पूछा कि टेम्परेचर हमें कैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल 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 एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा इनिशियली हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है इनिशियली हाई मेंटेन करके रखना है तो मैं यहां पर बोलूंगा कि हम करेंगे और उसके बाद में बिकॉज हमें पता है रिलीज मतलब होती है तो उसके कोरिस्पॉडिंगली हम क्या करेंगे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये कव आपको मिलता है और आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था गेट टू में है ना गेट टू में ये कव आपको पूछा गया था क्लियर है उसके उसके अलावा मतलब जस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये पूछा जा सकता है तो अगर सिंपली देखिए इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो सिंपल आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है वेदर आपकी रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो और अगर सिस्टम आपका रिवर्सिबल एंडोथर्मिक है देन आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब कि मैक्सिमम पर आपको रिएक्शन को करवाना है बेसिकली है ना टेम्परेचर मैक्सिमम मेंटेन करके रखना है और जो थर्ड केस है रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर इनिशियली टेम्परेचर आपको इंक्रीज करके रखना होता है एंड फाइनली जो टेम्परेचर है वो आपको रिड्यूस करना होता है तो इस तरीके से टेम्परेचर कम आपको मिलता है विद द लेंथ ऑफ रिएक्टर ओके गाइस तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और रोल तीन बार ये गेट में पूछा गया ये स्टेटमेंट है ना जस्ट वर्डिंग चेंज कर करके रिमेनिंग टॉपिक अगर मैं देखूं तो नॉन आइडियल रिएक्टर सिस्टम में मतलब आ, हमारा जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है इसमें रिमेनिंग जो टॉपिक है वो है नॉन आइडियल रिएक्टर सो कंटिन्यू करते हैं हम या फिर इसको कल मॉर्निंग में डिस्कस करें Anyone? कोई बोलेगा Continue करते हैं हम इसको नॉन आइडियल रिएक्टर को या फिर हम कल मॉर्निंग में करें क्या ओपिनियन है नॉन आइडियल रिएक्टर नेक्स्ट टॉपिक है और मैं इसको लास्ट टॉपिक बोल सकता हूं सीआरई का ये लास्ट टॉपिक हमारा नॉन आइडियल रिएक्टर नॉन आइडियल रिएक्टर को हम लोग रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं रेजिडेंस टाइम बाकी सुबह कर लेंगे सर रघु बाकी सुबह कर लेंगे क्या हुआ नींद आ रही है क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर ले सर इंट्रो कंटिन्यू कर ले सर इंट्रो सो गाइस नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसके जितने भी पैटर्न है मतलब जितने क्वेश्चन अभी तक सियाई में पूछे गए नॉन आइडियल रिएक्टर से अगर उतने पैटर्न अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप इस सेक्शन पे इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे है ना एक दो बार क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ है कि मतलब मतलब बहुत क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ से नॉन आइडियल रिएक्टर से अदरवाइज जो इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो आप आप कर ही लोगे ना अगर आपका मतलब बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अदरवाइज फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी पैटर्न नॉन आइडियल रिएक्टर में मतलब आपको गिवन है अगर वो सब आप कर लोगे तो इसका क्वेश्चन आप बना लोगे सीआरई में ना सीआरई में जो क्वालिटी क्वेश्चन बनता है एक तो नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर से बनता है अदरवाइज जो टाइप्स ऑफ रिएक्टर है वहां से ही मतलब मोस्टली uh, क्वेश्चन पूछा जाते हैं सीआरई में ओके ठीक है कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अभी तक सारे स्टूडेंट हैं कंटिन्यू कर रहे हैं ना करवा दो फिर सर आ जाए ना गाइज इतना टाइम नहीं लगेगा ना हार्डली ट्वेंटी थर्टी मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल रिएक्टर उसके बाद में जो हिट्रोजीनियस हीट्रो, रिएक्शन वाला पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा सर सियारी में न्यू टॉपिक भी एड हुए हैं हाँ हुए हैं पढ़े होंगे आपने डेफिनेटली वो इसमें नहीं होगा वो इसमें नहीं होगा यहां पर जस्ट मैं भी नॉन आइडियल रिएक्टर जो पार्ट है वो कंप्लीट करूंगा और उसके साथ इसको कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद जो न्यू वाले टॉपिक मैं ट्राई करूंगा बीच में एक दिन पर्टिकुलरली एक लेक्चर बना दूं अदरवाइज आपने डेफिनेटली okay तो रहे थे वो तो यहां पर मतलब जो पहले था ना हिट्रोजीनियस वो, वो यहां पर मैं कवर करूंगा हिट्रोजीनियस पार्ट जो बेसिकली है उसमें हम लोग मोड्यूलस पढ़ते हैं एक नंबर बना है ना उसके बाद में थीले मॉड्यूलस हो गया वहां से ना, ना तो सरफेस रिएक्शन तो सरफेस रिएक्शन काइनेटिक्स वो सब पार्ट में यहाँ पर कवर करूंगा अगर वो सब पार्ट पता है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ना किशन कल्पित ठीक है तो कंटिन्यू कर रहे हैं नॉन आइडियल रिएक्टर को एक नंबर बाबा किशन किशन कल्पित किशन कल्पित कौन है भाई ठीक है नॉन आइडियल रिएक्टर यहाँ पर पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो नॉन आइडियल रिएक्टर जो है इसे हम लोग रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं ना आरटीडी शॉर्ट फॉर्म में तो देखिए नॉन आइडियल रिएक्टर अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया था मतलब हम लोग टाइप ऑफ रिएक्टर जो डिस्कस कर रहे थे आ, मतलब रिएक्टर रिएक्टर हो गया उसके बाद है. तो में क्या होता है मतलब नॉन आइडियल रिएक्टर का बेसिकली परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देखने के लिए ये जो रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेसिकली नॉन आइडियल रिएक्टर हम कब यूज करते हैं जब आपको पैटर्न मतलब इनसाइड द रिएक्टर कौन सा पैटर्न बेसिकली फॉलो हो रहा है वो आपको नहीं पता होता है है ना तब बेसिकली आपका रिएक्टर जो है वो नॉन आइडियल रिएक्टर होता है फ्लो पैटर्न इनसाइड द रिएक्टर जो है वो आपको नहीं पता है ओके तो सिंपल देखिए यहां पर जो आ, हम लोग RTD लिखते हैं देखिए RTD का मतलब क्या हुआ मतलब कि हम ये देखते हैं कि जो आर में मतलब रेजिडेंस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है इसमें टाइम कि मतलब के साथ मेजर करते हैं कर है, तो इस तरीके से रिएक्टर मतलब मोलिक्यूल है like बेसिकली मतलब वो रिएक्टर के अंदर कितना टाइम रहता है तो सिंपल हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं रेजिडेंस टाइम के साथ में ना ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक टाइम पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रहेगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब सेम टाइम पीरियड के लिए इनसाइड द रिएक्टर रहने वाले है, है ना तो यहां पर देखिए लाइक इस तरीके का हमको रेजिडेंस टाइम मिलता है कोई कॉमन टाइम मतलब यहां पर पर्टिकुलर है जहां पर मोस्टली आपके मॉलिक्यूल्स मतलब वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं है ना लाइक इनिशियली एक ये को रेजिडेंस टाइम है जहां पर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इस तरीके से हम लोग ये रेजिडेंस टाइम का कर्व ये ड्रॉ करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद देखिए गाइस मतलब आपको लाइक आर टी डी का उपलोड करना है तो उसके लिए आपको फीड प्रोवाइड करना होता है फीड का मतलब है मतलब डिस्टरबेंस आप फीड में डिस्टरबेंस प्रोवाइड करते हो है ना मतलब लाइक अब फीड का जो डिस्टरबेंस हम लोग मतलब फीड जो प्रोवाइड करते हैं उसमें भी टाइप होता है लाइक हमने पल्स ट्रेसर एक होता है पल्स ट्रेसर एक्सपेरिमेंट एक होता है स्टेप ट्रेसर एक्सपेरिमेंट मतलब जो हम जो मतलब डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फीड में बेसिकली वो पल्स टाइप का है या फिर वो स्टेप टाइप का है मतलब पल्स टाइप का तो जस्ट आपने लाइक कंसंट्रेशन इंक्रीज किया आपने फिर वापस इनिशियल कंसंट्रेशन पे आ गए या फिर लाइक अगर स्टेप ट्रेसर है तो आपने लाइक फीड का कंसंट्रेशन लाइक इंक्रीज किया और उसको आपने कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है तो ये आपका डिफरेंट टाइप का मतलब फीड हो जाता है तो हम जो डिस्कस करेंगे पल्स पल्स जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है है ना उसी के बेस पर मतलब आपको इक्वेशन मिलती है वो सब इक्वेशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं पल्स 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 ट्रेसर एक्सपेरिमेंट यहां पर मैं लिख रहा हूँ पल्स ट्रेसर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट क्लियर है तो सिंपल देखिए यहां पर लाइक ये रिएक्टर है हमारा ये एक नॉन आइडियल रिएक्टर हमारे पास में है तो सिंपली हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं कि जो फीड है फीड का वॉल्यूमेटिक्लोरेट हो गया न्यू नोट उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं कि अमाउंट मतलब जो जो बेसिकली हम लोग यहां पर ट्रेसर इंजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली उसको हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं कि एन नोट है ना एन नोट बेसिकली क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ एन नोट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेसर इंजेक्टेड अमाउंट ऑफ द ट्रेसर इंजेक्टेड उसके बाद देखिए आउटलेट में आउटलेट में हम क्या कर रहे हैं यहां पर देखिए वॉल्यूमेटिक फ्लोरेट सेम रहेगा रहेगाट फ्लोरेट उसके बाद में यहां पर कंसंट्रेशन सीटी लिख रहे हैं और ये सीटी कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होगा सीटी सीटी इज इज द द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ ट्रेसर ट्रेसर इन द एग्जिट स्ट्रीम इन द एग्जिट स्ट्रीम ओके लाइक फीड फीड मतलब लाइक हम लोग जो पल्स ट्रेसर की बात कर रहे हैं मतलब लाइक इनपुट प्रोफाइल अगर हम ड्रो करें इनपुट प्रोफाइल अगर हम ड्रॉ करें कंसंट्रेशन की करे, तो लाइक सिंपली आपने एक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर प्रोवाइड किए फीड में तो इस तरीके से पल्स मतलब कि पल्स ट्रेसर के लिए इस तरीके का इनपुट प्रोफाइल बनता है इनपुट प्रोफाइल हो गया ये नाउ अब यहां पर देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि देखिए चेंज चेंज इन इन द अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ ट्रेसर ट्रेसर चेंज इन द द इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं वॉल फ्लोरेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट एट आउटलेट इज मल्टीप्लाई बाय द आउटलेट कंसंट्रेशन इज मल्टीप्लाई बाय डी टी तो ये इक्वेशन हम लिखते हैं डी एन इज इक्वल टू न्यू नॉट इन टू सी टी इन टू डी टी अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ अगर जस्ट मतलब कि एन नॉट अमाउंट ऑफ ट्रेसर से अगर हम डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा देखिए डी एन अपोन ऑफ डी एन नोट इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू सी टी इंटू डी टी इज डिवाइडेड बाई एन नॉट यहां पर देखिए जस्ट हमने ये लिखा डी एन अपोन ऑफ एन नोट इज इक्वल टू सी टी इन डी टी जस्ट मैंने जो लास्ट में लिखा था देखिए ऊपर में न्यू नोट इस न्यू नोट को हम लिख सकते हैं एन नोट के डिनोमीटर में तो ये हो जाएगा डिनोमीटर में एन नोट अपॉन ऑफ न्यू नोट इस तरीके से लिख सकते हैं ये फाइनल इक्वेशन हमको यहां यहां से मिल गई डी एन 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 अपॉन अपॉन ऑफ ऑफ इज इक्वल टू न्यू अब पर देखिए नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए हम एक कर्व पढ़ते हैं सी कर्व ओके सी कर्व बेसिकली क्या होता है मतलब आउटलेट कंसंट्रेशन आउटलेट कंसंट्रेशन हम टाइम के साथ देख रहे हैं कैसे चेंज हो रही है

ईटी e पुट कर दे रहे हैं ना तो ईटी e सिंपली आपको याद रखना है कि ईटी e बेसिकली क्या होगा न्यू नोट इंटू सी टी ऑफ एन नोट ये जो है बेसिकली ये ईटी e है मतलब नेक्स्ट जब हम लोग ईटी e का ड्रॉ करेंगे तो वो ईटी e आप किस चीज को डिनोट कर रहा होगा सी टी एन नोट न्यू नोट अपॉन ऑफ एन नोट को उसके साथ जो कर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो ईटी e का हो, हो जाता है देखिए E e ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल कुछ भी नहीं मतलब आप उस पे, वाई पे क्या करोगे? ये e आपको यह याद रखना है, ये आपको याद रखनी है ओके तो ईटी e यहाँ पर होता है e Now, उसके बाद में देखिए अगर इटी e की आप आ, मतलब की आ, 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 अगर यूनिट की बात करो तो इटी e की जो यूनिटिकली आपको मिलता है टाइम है आपको मिलती है आ, और ये जो इटी कव होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं

Like, आपको पर्टिकुलरली गिवन है कि इस पर्टिकुलर यहां पर टाइम टी वन है ये टाइम टी वन है उसके बाद यहां पर टाइम टी टू है पर्टिकुलरली तो आपको अगर ये एरिया गिवन है इस तरीके से एरिया अंडर द आपको गिवन है कि टी वन टी टू ऑफ एटी तो ये बेसिकली क्या देता है कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल मतलब कोई जो है T1 से T2 के बीच में कितने मोलिक्यूल्स है टीवन एंड टी जो टाइम मतलब स्पेंड uh, कर रहे है ना, इसका मतलब क्या होगा लाइक इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा फ्रेक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रेक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रेक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स स्पेंडिंग फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्सिंग ए टाइम ए टाइम बिटवीन टाइम बिटवीन द टी वन एंड टी टू इन साइड द बिटवीन दिटवीन बिटवीन द टाइम बिटवीन द टी वन एंड टी टू इन साइड द रिएक्टर ये चीज क्लियर है बेसिकली so, ये चीज हमको ये देता है कि फ्रैक्शन देता है कि फ्रैक्शन ऑफ कि, मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो बेसिकली टी वन और टी टू टाइम मतलब टी, टी वन और टी टू के बीच का टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं इनसाइड द रिएक्शन यहां से फाइनली देखिए हम लोग अगर हम लोग पूरा कंप्लीट इस एरिया अंडर द कर्व अगर हम कंसिडर कर ले तो वो क्या हो जाएगा जो टाइम हम लोग यहां पर डिफाइन कर रहे हैं देखिए टी वन से टी टू वो क्या हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी जीरो से इंफिनिटी इंटूटी

तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एरिया यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ई कर्व एरिया ऑफ ई कर्व जो होता है वो बेसिकली क्या होता है ऑलवेज किसके इक्वल होता है one के इक्वल होता है ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू वन एरिया ऑफ द ई दर्व इज ऑलवेज इक्वल टू वन क्लियर गाइस उसके बाद हम लोग इटी e डिफाइन करते हैं देखिए इटी इज इक्वल टू ईटी इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू अपॉन ऑफ सी टी अपोन ऑफ हम लिखते हैं एरिया ऑफ एरिया ऑफ कर्व टी e बेसिकली क्या होता है मतलब अगर हम लोग इटी e को uh, मतलब सीटी से अगर रिलेट करें तो सिंपली देखिए आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि ईटी इज इक्वल टू सिरिया ऑफ एरिया ऑफ कर हम लिख सकते हैं सिंपली देखिए इटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब अगर से कर ये ये एरिया एरिया ऑफ ऑफ द द कौन सा लिख रहे हैं एरिया ऑफ द कव अंडर मतलब की C, C, मतलब की जो हम लोग सी क्रॉ करेंगे उसके अंडर uh, जो बेसिकली जो कौ बन रहा है उसके एरिया अंडर अंडर द कव हो गए तो सिंपल यहां से हम लिख सकते हैं देखिए इटी इज इक्वल टू सी टी अपोन ऑफ हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द सी तो वो हो जाएगा जीरो टू infinity ct into dt ये हो जाएगा नाउ इसके अलावा यहां पर देखिए अगर मैं आ, मतलब c कर्व की अगर हम बात करें c कर्व की अगर हम बात करें तो c कर्व का क्या एरिया अंडर द कर्व आपको 1 मिलता है जैसे हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि 0 टू इनफिनिटी 0 इंटीग्रेशन ऑफ et dt इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ et dt फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी इक्वल टू 1 मिल रहा है क्या हम लोग ct कर्व के लिए ऐसा लिख सकते हैं नहीं ct कर्व के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो तो हमको मिलता है 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 मतलब मतलब तो का जो एरिया है, वो मतलब वो नहीं नहीं हो सकता है कि वन हो सकता कि होगा जैसा हम लोग यहां पर के लिए लिखते हैं ओके अब मैं यहां पर एक एक इंपॉर्टेंट टाइम डिफाइन करूंगा मीन रेजिडेंस टाइम मीन रेजिडेंस टाइम मीन रेजिडेंस टाइम मीन रेजिडेंस टाइम देखिए क्या होगा मीन रेजिडेंस टाइम को हम लोग टी बार से डिनोट करते हैं और टी बार को हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ ई तो हम यहां पर लिखते हैं देखिए टी 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 ई डी और यहां पर लिमिट क्या हो जाएगा फ्रॉम जीरो मोस्टली क्वेश्चन में तो आपको ये मीन रेजिडेंस टाइम ही कैलकुलेट करना होता है नॉन आइडियल रिएक्ट नॉन आइडियल रिएक्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली केसेस में आपको ये मीन रेजिडेंस टाइम ही कैलकुलेट करना होता है तो ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए ओके okay, गाइस अब क्या होता है जो आरटीडी कारो में हम लोग ये जो टाइम डिफाइन कर रहे हैं इनको हम लोग क्या करते हैं नॉन डायमेंशनलेस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं तो एक टाइम में डिफाइन करता हूं देखिए नॉन डाइमेंशन मतलब डायमेंशनलेस फॉर्म में भी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग एक थीटा थीटा टाइम डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू टी अपॉन ऑफ टी बार ओके पर्टिकुलर को टाइम टी हो गया यहां पर और मीन टाइम टी बार है तो इस तरीके से हम लोग एक डायमेंशनलेस टाइम जो है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थीटा तो यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन ऑफ टी बार डीटा इज इक्वल टू डी अपॉन ऑफ डी बार तो यहां से सिंपली देखिए अगर हम लोग मतलब कि डायमेंशनलेस फॉर्म में लिखे जैसे हम लोग इटी e लिखते हैं अगर हम लोग थीटा e लिखे तो वो क्या हो जाएगा बेसिकली टी बार बार थीटा जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा इंटू ऑफ इटी इस तरीके से मतलब हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पर डायमेंशनलेस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म के साथ में अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा यहाँ पर देखिए एक होता टाइम एनथ मोमेंट ऑफ

इंटूटी इंटीग्रेशन uh, हो जाएगा जीरो इक्वल हो जाएगा टी बार के है मतलब की मीन जो से फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आर टी डी होता है तो हो बेसिकली मतलब कि वो किसके इक्वल हो जाता है मीन रेजिडेंस टाइम के इक्वल हो जाता है okay? यहां था क्लियर है अब नेक्स्ट देखिए उसके अलावा मतलब ऑर्डर ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ आरटीडी कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर टी की जो वैल्यू है वो टू पुट करके ओके okay, मैं यहां पर बता देता हूं आपको सेकंड मोमेंट ऑफ आरटीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे म्यू टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो हो जाएगा ओके okay, गाइस

तो यहां पर ये यह जो बेसिकली सेकंड मोमेंट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ आरटीडी है वहीं से हम लिख रहे हैं जस्ट टी 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 की जगह हमने क्या पुट कर दिया टी माइनस ऑफ टी मतलब कि टी जो मीन रेजिडेंस टाइम है वो हमने यहां पर सपरेट कर दिया इसमें से तो ये बेसिकली हमको मिल गया वेरिएंस ऑफ द आरटीडी है ना अब ये जो वेरियंट ऑफ आर बेसिकली इसको हम लिखते हैं देखिए सिग्मा टी इक्वल टू सिगम टी ये सिंपली बेसिकली क्या हो जाएगा जब आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो यहां से है ना इसको सेपरेट करके जब लिखोगे तो ये फाइनली मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है म्यू म्यू मतलब बेसिकली क्या है सेकंड 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 ऑर्डर ऑर्डर ऑफ 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 मोमेंट देन माइनस टी बार का यहाँ पर ये स्क्वायर आता है ना ये टी uh, बार का बेसिकली स्क्वायर आता है तो फाइनली इस, इस मतलब की वेरियंस की जो टाइम है हम उसको इस टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखिए गाइस गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि लाइक वेरिएंस ऑफ वेरियंस ऑफ आर टी डी जो हम डिफाइन कर रहे हैं देखिए क्या होगा वेरियंस ऑफ आर टी डी वेरियंस ऑफ आर टी डी ऑफ एन आइडियल पी एफ आर वेरियंस ऑफ आर डी वेरियंस ऑफ आर टी डी फॉर एन आइडियल पी एफ आर क्या होगा अगर आपको ऐसा पूछता है तो बेसिकली हम लिखेंगे सिग्मा मतलब सिग्मा मतलब टी से डिपेंड सिग्मा सिग्मा टी आ, सिग्मा टी स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ आरटीडी को तो ये बेसिकली आइडियल पीएफआर के लिए अगर पूछता है तो ये जीरो हो जाएगा ये जीरो क्यों हो जाएगा बिकॉज फॉर आइडियल रिएक्टर टी जो है वो टाउपी टी जो मीन रेजिडेंस टाइम है वो टाउपी के इक्वल होता है प्लग प्लग फ्लो रिएक्टर तो उस केस में ये बेसिकली हो जाता है सिग्मा जो वेरिएंस बेसिकली है यह क्या हो जाता है जीरो हो जाता है है ना जब टी, टी बार जो है वो पी के इक्वल है तो सिग्मा के अंदर जो टाइम आ रहा था देखिए यहां पर ये यह टाइम बेसिकली जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली वेरिएंस ऑफ आरटीडी जो है वो जीरो मिल जाता है तो ये याद रखना है कि अगर हम आइडियल रिएक्टर के लिए वेरियंस ऑफ आर लिख रहे हैं तो वो क्या होगा जीरो होगा क्लियर है ये चीज अब फाइनली देखिए मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा मतलब इस, इसको भी देखिए फिर वेरिएंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे हम लोग सिग्मा टी डिफाइन करें वैसे हम लोग डायमेंशनल स्टेम सिग्मा सिग्मा थीटा डिफाइन करते हैं ना उसमें हम लोग मतलब सिग्मा सिग्मा टी स्क्वायर और सिग्मा सिग्मा थीटा स्क्वायर तो इस तरीके से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं और फाइनली जो डायमेंशनल स्टेम सिग्मा थीटा स्क्वायर इक्वल टू होगी वो सिग्मा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी मीन जो मतलब मीन रेजिडेंस टाइम है उसका स्क्वायर आ जाएगा ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि कोई भी वर्टिकल लाइन जो आपका लाइक सी, सी कव जो बेसिकली रहेगा यहां पर कंसंट्रेशन रहेगी सी टी और यहाँ पर टाइम तो जो सी कव बेसिकली होता है सी कर्व, उसमें जो वर्टिकल वर्टिकल लाइन लाइन अगर आप एक वर्टिकल करो टी बार टी मीन के लिए है ना टी मीन जो होता है बेसिकली वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना इस पर बेस दो या तीन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे है ना डायरेक्टली मतलब आपको लाइक टी मीन या तो कैलकुलेट करना है तो वहां पर जो जो बेसिकली सी सी बेसिकली होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मीन रेजिडेंस टाइम ये चीज आपको याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टी बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इन टूटी इंटू डी टी क्लियर है तो यहां पर हम लिमिट पुट कर देते हैं जीरो से इंफिनिटी जीरो so, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटूटी अब यहां से देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हो टी बार जो बेसिकली है उसको आप लिख सकते हो जीरो टू इंफिनिटी मतलब अगर सीटी काउ के टाइम में लिखो ये तो हो गया इटी काउ के टाइम में तो हमें पता है कि इटी काउ को हम लोग टाइम की सीटी uh, टाइम में कैलकुलेट uh, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं तो सिंपल ये हो जाएगा देखिए टी इंटू सी टी अपॉन ऑफ सीटी इंटू डी टी अपन ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा जब हम लोग लिखते हैं कि को में कन्वर्ट करके तो अपॉन ऑफ क्या हो जाता है का एरिया अंडर द है ना इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर डिनोमीटर में क्या आ जाएगा सिटी कओ का बेसिकली यहां पर इंटीग्रेशन आ जाएगा सिटी इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ सी टू सी टू इंटू डी टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर आप अगर कंसेंट्रेशन आपको पता है तो आप, आप मतलब कि uh, से भी बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो टी मीन तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किसके लिए मीन रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करने के लिए ओके okay, गाइस अब नेक्स्ट टाइम देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं मतलब एफ की बात करूंगा कम्युनिटिव रेजिडेंस टाइम कम्युनिटिव रेजिडेंस टाइम की हम यहां पर बात कर रहे हैं ओके कम्युनिटिव आरटीडी में डायरेक्टली लिख देता हूं ना कम्युनिटिव आरटीडी फंक्शन तो इसमें हम बात करते हैं एफ कव की एफ कव एफ कव की हम यहां पर बात करेंगे ओके okay, इस श्रीवास्तव बोल रहा है कि रघु भाई कितने टीचर से पढ़ता है भाई पढ़ने दो अगर उसको पढ़ना है तो हुँ? ठीक है हम यहां पर बात करें देखिए एफ काउ की देखिए एफ टी बेसिकली किसको डिनोट दि, कर रहा है द फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट स्ट्रीम है ना एफ टी किसो डिनोट कर रहा है देखिए सिंपली एफ टी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है एफ इज डिफाइंड एज एफ टी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ एफ टी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट स्ट्रीम द फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट स्ट्रीम एफ टी इज द फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट स्ट्रीम दैट इज दैट इज हैविंग दैट इज है टाइम मतलब जो आपका जीरो से टी टाइम के बीच जो स्पेंड कर रहा है बेसिकली मोलिक्यूल उसका हमको क्या देता है फ्रैक्शन है ना एग्जिट स्ट्रीम में वो फ्रैक्शन हमको देता है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल ऑलरेडी मैंने बताया भी ये टाइम है ना तो सिंपली देखिए हम लिख सकते हैं कि ई टी इंटू डी टी ई टू इंटू डी टी टूटी इंटू डी टी और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन किस कर रहे हैं जीरो से टी वन है ना तो ये इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा एफ वन तो ये मतलब like, कि बेसिकली uh, मतलब स्टेम uh, uh, मतलब, में हमको मिल रहा है ना जो जो कंपोनेंट बेसिकली टी वन जीरो से टी वन टाइम के बीच में आपको एग्जिट कंसंट्रेशन में मिल रहे हैं उनका फ्रैक्शन देगा टोटल सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं like, आपको लिखना है कि वन माइनस तो वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा यहां से अगर तो डायरेक्टलीफ्टी वन लिखना है तो, तो किसके इक्वल हो जाएगा, जाएगा? टी वन से इन्फिनिटी वो रिमेनिंग फ्रैक्शन हमको देगा है ना कि टी वन टाइम से इन्फिनिटी टाइम के, के बीच में जो मॉलिक्यूल स्पेंड कर रहे हैं वो हमको एग्जिट स्टेम में मिलेंगे उनका फ्रैक्शन बेसिकली हो जाएगा वन माइनस एफ टी वन ओके तो यहां पर सिंपल देखिए हम because fraction है ये भी F t तो यहाँ पर maximum, अगर मैं बात करूं तो कितना मिलेगा फ्रैक्शन मैक्सिमम टाइम इक्वल टू इंफिनिटी मिल जाएगा ना तो ये आपका F t हो गया ना तो सिंपल हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं एफ कर्व एफ कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द एफ टी वर्सेज टी तो ऑलवेज देखिए जो फ्रैक्शन होगा बेसिकली है ना मॉलिक्यूल्स का टाइम के साथ में

कि अगेन uh, देखिए हम लोग एफ टीटा मतलब एफ इंट्रोड्यूस करते हैं उसी को हम लोग टाइम टाइम में भी बात करते हैं उसकी तो हर एक को यहाँ पर नॉन आइडियल रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं uh, उसकी डायमेंसलिस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बात करते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है वो और बट हम लोग डिटेल में जब सीआर uh, का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो सब चीज हम बात करते हैं उसकी तो नेक्स्ट में आपको बता रहा हूं देखिए आरटीडी टी फोर आइडियल रिएक्टर्स आरटीडी टी फोर आइडियल रिएक्टर्स और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा मतलब कि जो इनपुट है बेसिकली वो किस टाइप का है पल्स टाइप का इनपुट है ना पल्स टाइप का इनपुट के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं आरटीडी फोर आइडियल रिएक्टर सॉरी ठीक है हाँ सो देखिए फर्स्ट केस में कंसीडर कर रहा हूं फॉर आइडियल सीएचटीआर फॉर आइडियल सीएचटीआर देखिए फॉर आइडियल सीएचटीआर की हम यहां पर बात कर रहे हैं फॉर आइडियल सीएचटीआर यहाँ पर देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के लिए कि जो सी है फाइनल कंसंट्रेशन वो पावर e e e अगर हम इसको सीटी ड्रॉ करें तो देखिए हमको इस तरीके का रिलेशन मिल जाएगा यह के साथ, यह आपका हो गया। और यहाँ पर टाइम टी तो इस तरीके से देखिए इनिशियली अगर टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे इसमें तो आप तो ये मिल जाएगा सी नॉट

ओके okay, हाँ यहाँ ये देख रहे तो ये हमको वन मिल जाएगा उसके बाद इक्वल टू इंफिनिटी जब पुट करोगे तो ये आपको जीरो मिल जाएगा तो इस सेम जो कव का मतलब नेचर जो है बेसिकली फॉर आइडियल सी और ई e का जो नेचर वो सेम है ये चीज हम शुरू से देख रहे हैं कि सी कव और ई e कव का जो नेचर होता है वो सेम होता है है ना अगर एरिया अंडर द कव आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट uh, मिल मिल सकता है और मोस्टली केसेस uh, में आपको डिफरेंट ही मिलेगा बट जो नेचर होता है दोनों कव का वो सेम रहता है ई e कव और

ये ये इंपॉर्टेंट चीजें जो सारी हमने डिस्कस कर ली उसके बाद देखिए अगर सी कव ई और एफ कव की मैं बात करूं इन द डायमेंशनलेस फॉर्म तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो देखिए डायमेंशनलेस फॉर्म में आपको मैं इंपॉर्टेंट रिलेशन बता देता हूं डायमेंशनलेस फॉर्म डायमेंशनलेस फॉर्म में देखिये सी कव ई और एफ कव तो देखिए सिंपली ई थीटा जो है वो होता है ई पावर माइनस थीटा और एफ एफ कव की हम बात करें तो एफ थीटा जो है वो हो जाता है ई पावर माइनस ऑफ ई पावर माइनस ऑफ थीटा ना फॉर आइडियल सी एस टी आर सिंपली देखिए आप इ e कव, e कव का जो स्टेटमेंट है ई थीटा प्लस एफ थीटा इन दोनों को जब एड करोगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा यहां पर फॉर आइडियल सी एस टी आर ई थीटा प्लस ओकेटा प्लस इज इक्वल टू वन आपको मिल जाएगा जस्ट डायमे फॉर्म बता दिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या था देखिए आइडियल सी एस टी आर हम देख रहे थे आरटीडी फॉर द आइडियल सी एस टी आर अगर पल्स इनपुट हमारे पास में है तो देखिए सिंपली हमको यहां पर सी सी की इक्वेशन ये मिल मिल जाती है ईटी e, के लिए इक्वेशन मिल जाती है उसके बाद हमने देखा कि सी और ई e कऊ का जो जो नेचर होता है कौ का नेचर वो इक्वल रहता है और उसके बाद देखिए यहां पर हमने देखा एफ कओ देखा इसका नेचर जस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है और इस तरीके से हम लोग ये कव ड्रॉ कर सकते हैं नौ नेक्स्ट देखिए मैं आर की बात कर रहा हूँ फोर पी एफ आर आर टी डी फॉर आईडियल पी एफ आर आईडियल पी एफ आर के लिए देखिए आपको ये याद रखना है यहां पर ऑलरेडी मैंने आई थिंक वेरियंस वेरियंस बताया था ना वेरियंस जो होता है बेसिकली आइडियल आइडियल पी एफ आर के लिए वो जीरो होता है ये चीज मैंने आपको बताई थी ना वेरियंस ऑफ द ओके वेरियंस ऑफ द आर टी डी फॉर एन आइडियल पी एफ आर वो जीरो हो जाता है बिकॉज आइडियल पी एफ आर केस में बेसिकली क्या होता है जो टाउ जो टाओ होता है बेसिकली वो टाउपी बेसिकली वो जो मीन रेजिडेंस टाइम टाउ बार जो होता है उसके इक्वल रहता है इसलिए इस, इसके इसमें क्या होता है जो वेरियंस हमको मिलता है वेरियंस जो मिलता है वो वन मिलता है फॉर आर टी डी ओके सिंपल यहां पर देखिए अगर फीड में देखिए फीड में लाइक मतलब आ, मतलब देखिए मतलब आ, जो अगर लाइक आपने प्लग फ्लो रिएक्टर लाइक इंट्रोड्यूस कर दिया आपका जो फीड है मतलब जो इनपुट है बेसिकली उसका प्रोफाइल ऐसा है इनपुट प्रोफाइल ऐसा है तो अब अगर आप आउटपुट का प्रोफाइल देखो है ना आप आउटपुट का प्रोफाइल देखो लाइक मैं यहां पर ईटी काउ ड्रॉ कर रहा हूं तो आउटपुट प्रोफाइल में क्या कुछ चेंजेस आएगा जैसा इनपुट प्रोफाइल रहेगा वैसा ही आपका आउटपुट प्रोफाइल रहेगा बट यहां पर देखिए जो लेंथ पी एफ आर का रहेगा जब आपका ये जो मतलब कि इनपुट जो आपका ट्रेस, ट्रेसर होगा बेसिकली वो इस को पास तो उतना टाइम उसको लगने वाला है ना वो टाइम बेसिकली हम टाउपी से डिनोट करते हैं तो सिंपल होता क्या है कि यहां पर लाइक हम टी इक्वल टू जीरो सिर्फ ये जो प्रोफाइल आपका होता है वो क्या होता है टाउ इक्वल टू पी से शिफ्ट हो जाता है है ना सिर्फ टाउपी टाइम से क्या होता है आपका जो प्रोफाइल रहता है इनपुट प्रोफाइल वो शिफ्ट हो जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है अब मैं आपको सिंपली क्या बता रहा हूँ लाइक मतलब आइडियल मतलब कि लाइक आइडियल रिएक्टर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना लाइक आपने आर के साथ सी कनेक्ट कर दिया तो जो इनपुट प्रोफाइल हम लोग मतलब पल्स इनपुट के लिए आउटपुट में क्या चेंजेस आएगा इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक गेट में एक बार पूछा गया है देखिए सिंपल हम देख रहे हैं यहां पर आर टी डी आर टी डी फोर आइडियल आर टी आइडियल रिएक्टर आर फॉर आइडियल रिएक्टर ज आर टी डी फॉर आइडियल रिएक्टर इन सीरीज हम देख रहे हैं देखिए पल्स इनपुट की हम बात कर रहे हैं पल्स इनपुट जहां पर जस्ट एक पीक आता है उसके बाद हम लोग वापस इनिशियल पे आ ना मतलब सिंपल देखिए आपके जो फीड प्रोफाइल है वो इस तरीके का बनता है तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि सी एस टी आर को हमने पीएफआर के साथ में कनेक्ट किया है हमने क्या किया सी एस टी आर को पी एफ आर के साथ में कनेक्ट किया है और उसमें हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पल्स इनपुट तो अब देखिए जब सीएसटीआर के आउटलेट में आप देखोगे हम लोग की बात करेंगे ना जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जो है पर देखिए टाइम के साथ अब ये चीज आपको याद रखना है ना आइडियल ये देखिए आइडियल सीएसटीआर के लिए डिक्रीजिंग एक्सपोनशियल देखिए इस तरीके का प्रोफाइल आपको मिलेगा याँपर? याँपर इस तरीके का आपको प्रोफाइल मिलने वाला है सीएसटीआर के आउटलेट में अब देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि पी अगर हम यूज करेंगे तो पी यूज करने पर क्या ये प्रोफाइल चेंज होने वाला है नहीं ये प्रोफाइल चेंज नहीं होगा सिर्फ यहां पर ये ये लाइक पे हम डिफाइन कर रहे हैं ये होगा क्या यहां पर आउटलेट में जब हम ये जब हम यहां पर ईटी का ड्रॉ करेंगे ईटी वर्सिज टाइम देखिए यहां पर तो सिंपल ये जो प्रोफाइल है ये t हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये टी इक्वल टू शिफ्ट हो जाएगा यहां पर ये जो हमारा जो प्रोफाइल है इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहां पर ये डिक्रीजिंग मिलेगा तो इस तरीके से आप मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपने सी और पी अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो आपका करेक्ट जो प्रोफाइल है वो कौन सा होगा इस तरीके से आप यहां पर डिसाइड कर सकते हो मतलब कि करेक्ट प्रोफाइल है वो चूज कर सकते हो अब देखिए लाइक आपने क्या किया पहले पी एफ आर यूज किया है ना पहले पी एफ आर यूज किया तो देखिए अगर आप सेम इन, आप सेम इनपुट मतलब पहले इनपुट दे रहे हो तो अगर आपने पहले पी एफ आर यूज किया है तो क्या प्रोफाइल चेंज होगी ईटी का ऊपर नहीं प्रोफाइल चेंज नहीं होगी है ना सिंपल जस्ट आपको वहां पर एक पीक मिलेगा सेम जैसा जैसा इनपुट प्रोफाइल है वैसा ही प्रोफाइल आपको यहां पर मिलने वाला है ईटी जब कब आप ड्रॉ करोगे लेकिन उसके बाद अगर आपने सी एस टी आर कनेक्ट कर दिया सीरीज में आपने सीएसटीआर कनेक्ट कर दिया पी एफ आर के साथ में तो फाइनली जैसा सीएसटीआर में क्या होता है प्रोफाइल इटी का आपका जो पल्स इनपुट है वो इस तरीके से मिलता है हमको तो सेम यहां पर ये जो प्रोफाइल है ऐसा ही प्रोफाइल हमको मिलेगा और यहाँ पर ये टी इक्वल टू टाउपी पे ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएगा जब पी एफ आर के आउटलेट में हमको एक कंसंट्रेशन मिलेगा तो ये ये प्रोफाइल जो है टी इक्वल टू टाउपी पे हमको मिलेगा टी इक्वल टू टाउपी पे तो यहां पर आपको सेम ये वाला प्रोफाइल मिलेगा और टी इक्वल टू पे मिलने वाला है इफेक्ट तो है सी एस टी आर और पी एफ आर का ना अगर आपने लाइक like दो पी एफ आर सीरीज में कनेक्ट कर दिए दो पी एफ आर अगर आपने में कर तो पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा सिंपल है ये कहां पर ये मिल रहा है टी इक्वल टू टाउ टाउप दो पी एफ आर हमने यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर दिए ना उसके बाद नेक्स्ट देखिए लाइक दो पी एफ आर अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किए तो दो पीएफआर अगर ओके okay, ये सीरीज था अगर दो पीएफआर एफ आर आपने पेरल कनेक्ट किए दो पीएफआर अगर आपने पी कनेक्ट किए तो उसका इंपैक्ट देखिए उसका इंपैक्ट देखिए कैसा होगा दो पीएफआर अगर आपने यहां पर कनेक्ट कर दिए यहां पर पेरल है ना टॉपी वन और टॉपी टू यहां पर आ, त, आ, हो गया टाइम यहां पर बेसिकली स्पेस टाइम तो सिंपली देखिए एक इस पर्टिकुलर मतलब कि फर्स्ट जो यहां पर रिएक्टर है उसके लिए हमको एक बार पीक मिलेगा

अगर लाइक आप मतलब पी एफ आर के साथ अगर सी एस टी आर कनेक्ट कर दे तो अगर पी एफ आर के साथ अगर सी एस टी आर कनेक्ट कर दे हो तो बेसिकली क्या होगा पी एफ आर के साथ में लाइक आपने सीएसटीआर कनेक्ट कर दिया तो सीएसटीआर का प्रोफाइल तो हमने देखा जस्ट इस तरीके से मतलब अगर इंपल्स आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो प्रोफाइल इस तरीके का मिलता है आपको ईटी का ऊपर तो सिंपली इस केस में देखिए क्या होगा इस टाइप का अगर आपको कहो गिवन है तो आउटलेट में देखिए क्या होगा एक तो देखिए इसका पिक मिलेगा वो कहां पर मिलेगा टी इक्वल टू

तो ये हम बात कर रहे थे यहां पर इंपल्स मतलब कि हम यहां पर बात कर रहे थे पल्स इनपुट के लिए ना अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेप ट्रेसर एक्सपेरिमेंट स्टेप ट्रेसर एक्सपेरिमेंट क्या होता है देखिए स्टेप ट्रेसर एक्सपेरिमेंट स्टेप ट्रेसर एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो स्टेप ट्रेसर एक्सपेरिमेंट में सिंपली क्या होता है मतलब कंसंट्रेशन प्रोफाइल मतलब अगर हम लोग इनपुट प्रोफाइल की बात करें तो कंसंट्रेशन के साथ में देखिए कैसा प्रोफाइल हमको मिलता है इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो देखिए जीरो है ना मतलब फाइनली यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ पर्टिकुलरली एक कंसंट्रेशन uh, जो जो गिवन था उससे फाइनली एक कंसंट्रेशन कंसनट्रेशन मतलब आपने इंक्रीज किया और उसको आपने मेंटेन करके रखा है ना जो आपने चेंजेस किया उसको मेंटेन करके रखा स्टेप स्टेप बेसिकली स्टेप फंक्शन में यही होता है ना तो सिंपली यहाँ पर देखिए हम uh, मतलब पी में से इसको पास कर रहे हैं ओके okay, पर फ्लोरेट वी वोल्यूमेटिक्लोरेडीट हो गया तो आउटलेट में देखिए जब हम लोग सीटी बेसिकली मतलब जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सीटी का देखिए कैसा मिलता है हमको हम लोग यहां पर सीटी का इक्वल टू जीरो पे कुछ इस तरीके से हमको बेसिकली स्टेप फंक्शन मतलब स्टेप स्टेप ट्रेसर एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके का रिलेशन हमको मिलता है इस तरीके का हमको आउटलेट प्रोफाइल बेसिकली मिलता है ना अब यहां पर देखिए ये जो फाइनल ये फाइनल जिस वैल्यू को बेसिकली अचीव करता है वो होता है क्लियर है अब इसमें डिस्कस करते हैं ये जस्ट इस तरीके का प्रोफाइल आपको मिलने वाला है ओके तो देखिए फाइनल में इसको यहां पर एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ये जो स्टेप प्रेशर के लिए प्रोफाइल जो मिलता है कुछ इस तरीके से आपको मिलता है ना ओके okay, ये इसका फाइनल हो गया या ओके okay, यहाँ पर जस्ट आ, मैंने ये जस्ट ड्रॉ कर दिया ये एट टी इक्वल टू ये आपका जस्ट टी इक्वल टू जीरो पे रहता है ना तो फाइनली देखिए हम यहां पर ये c versus, ये c versus, ये स्टेप 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 वर्सेस 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 और पर मतलब को डिनोट कर रहा है ये है ना उसके अलावा ये सी नोट कंसन है ये सी नोट को डिनोट कर रहा है अब यहां पर देखिए ये जो एरिया बेसिकली रहता है ये एरिया हम कैलकुलेट करते हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ देखिए हम सी स्टेप स्टेप ट्रेशर एक्सपेरिमेंट के लिए लिखते हैं देखिए सी स्टेप

हमको एरिया एरिया जो बेसिकली है वो हमको मिलता है सी नोट इंटू टाउ अब यहां पर देख सकते हैं कि ये सी नोट है ये बेसिकली यहां पर सी नोट है और पर्टिकुलरली यहां पर इस पॉइंट पर बेसिकली आपका टाइम होगा टाइम होगा बेसिकली टाउ तो ये जो एरिया होता है ये हमको डायरेक्टली मिल जाता है सी नोट इंटू टाउ ये एरिया जो है हमको मिल जाता डायरेक्टली सी नोट इंटू टाउ तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहां पर ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बेसिकली जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप के कोरोस्पॉ तो ये एरिया हमको क्या मिल जाता है डायरेक्ट आपको ये याद रखना है पर कि अगर हम देखें तो हमको मिलता है सी नॉट इंटू टाउ सी नॉट इंटू टाउ और इसको हम लोग सी नॉट इंटू लिखते हैं टाउ बार ये मतलब टाउ बार मतलब क्या हो गया मेन रेजिडेंस टाइम ये हमको मिल जाता है एरिया मतलब जो सी कह बेसिकली हम यहां पर मतलब कि जो ड्रॉ कर रहे हैं सी कह फॉर स्टेप ट्रेसर फॉर स्टेप मतलब कि जो हम स्टेप ट्रेसर इनपुट का इनपुट दे रहे हैं उसके लिए बेसिकली ये जो एरिया होता है जो हमने यहाँ पर ये जो बोल्ड किया ये वाला जो एरिया बेसिकली होता है ये हमको मिलता है सी नॉट इंटू टॉप सी नॉट इंटू टॉप तो ऐसा हो सकता है कि आपने ये एरिया कैलकुलेट किया वहां से आपको मेन रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करना इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके अलावा ये जो मेन रेजिडेंस टाइम है ये बेसिकली क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी सी स्टेप अपॉन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्टेप है ना सी कब के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी और ये हो जाएगा ओके जीरो के टाइम में हम लिख रहे हैं जीरो से सी नोट और जीरो से सी नोट इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये जो मेन रेजिडेंस टाइम है इसको ओके okay, इस तरीके से हम लोग ये मतलब स्टेप प्रेसर वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर एक आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा गया इससे बेसिकली ये वाला ही जो फंक्शन है यही वाला आपको यूज करना था वहां पर कि जो एरिया था उसका जो आपका जो बोल्ड एरिया बेसिकली था उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो सी नॉट इंटू टाव जब करोगे तो वो एरिया आपको बेसिकली मिल जाता है ना विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ना उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की मॉडल्स ऑफ नॉन आइडियल रिएक्टर तो यहाँ पर दो मॉडल हम डिस्कस करेंगे बात करूंगा देखिए मॉडल्स फॉर मॉडल्स फॉर मॉडल्स ऑफ नॉन आइडियल रिएक्टर मॉडल्स ऑफ नॉन आइडियल रिएक्टर मॉडल्स ऑफ नॉन आइडियल रिएक्टर की हम यहां पर बात कर रहे हैं देखिए

फॉर आइडियल की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो फॉर आइडियल सी एस टी आर देखिए फ्रीड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर टाइप का और उसके बाद में लाइक ये रियटर्न में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आउटलेट में आपको कुछ कंसंट्रेशन प्रोफाइल मिल जाता है इस टाइप का है ना जब आप लोग का आउट ड्रॉ करते हैं और रिएक्टर के बीच लाइक हा ना ठीक है नॉन आइडियल रिएक्टर है फ्लो पैटर्न हमको लाइक पता नहीं है तो फॉर आइडियल आइडियल सी एस टी आर यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूं तो आइडियल सी एटर के लिए देखिए अगर पी एफ आर होगा तो पीएफआर के केस में तो देखिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट इस तरीके का मतलब हमको आउटलेट में मतलब एक कंसंट्रेशन हमको मिलता है और अगर अगर सी है तो सी में इस तरीके का हमको अरेंजमेंट मिलता है ये फॉर आइडियल सी है और ये वाला जो अरेंजमेंट है बेसिकली ये है फॉर आइडियल पीएफआर आइडियल पीएफआर के लिए यहां पर आपको जस्ट एक पीक मिलता है ना अब उसके बाद देखिए यहां पर मतलब कि अगर एन एन सी एस टी आर अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं एन सी एस टी आर अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहां पर हम लोग फोर फोर बेसिकली टैंक इन सीरीज मॉडल हम लोग डिफाइन करते हैं ई ई एन टी ई एन टी हम जो डिफाइन करें देखिए वो हो जाता है टी पावर एन माइनस वन टी पावर एन माइनस वन इन टू ई पावर ऑफ ई पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ आई टी पावर टाओ आई इज डिवाइडेड बाय इज डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टाओ आई पावर एन ये हम डिफाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ टैंक इन सीरीज मॉडल अगर जो सी एस टी आर है अगर वो मतलब कि एन नंबर ऑफ सी एस टी आर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये टाइम हम, हमें मिलती है उसके बाद इसको हम लोग डायमेंशनलेस टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम लोग इसको डायमेंशनलेस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है ई थीटा ई एन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू एन इंटू टीटा पावर एन माइनस वन इंटू ई पावर ऑफ थीटा इंटू एन इज डिवाइडेड बाई एन माइनस वन

कोई रिलेशन देता है between the convective flux upon flux. Convective flux का flux के साथ में हमको ये दे रहा है बेसिकली ओके okay, मतलब डिस्पर्जन मॉडल जो हम अप्लाई करते हैं वहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं वो ओनली बल्क फ्लो की वजह से ट्रेवल करते हैं तो वहां पर हम लोग बात करते हैं कन्वेक्टिव फ्लक्स का फ्लक्स के साथ इनका जो रेसू है ये हमें देता है मतलब पेक्लिक नंबर लाइक अगर हाइयर है तो हम बोल सकते हैं कि कन्वेक्टिव फ्लक्स हाई होगा अगर पेक्लिक नंबर लो है तो हम बोल सकते हैं डिफ्यूज फ्लक्स अभी डिफ्यूज फ्लक्स की, मतलब डिफ्यूज फ्लक्स किसको डिनोट करेगा डिस्पर्जन को बिकॉज हम यहां पर एक नंबर डिफाइन करें डिस्पर्जन नंबर और ये जो डिस्पर्जन नंबर बेसिकली होता है ये इनवर्सली होता है किसके पेक्लेट नंबर के तो अगर पेटलेट नंबर आपका हाइयर है

डिफ्यूजिव फ्लक्स अपॉन ऑफ कन्वेक्टिव फ्लक्स अपॉन ऑफ कन्वेक्टिव फ्लक्स तो सिंपली यहां पर देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं डिफ्यूजन नंबर डीएन जो है वो जीरो हो जाएगा प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए और अगर हम लोग आइडियल सी एस टी आर के लिए लिखे डिफ्यूजन नंबर डिस्पर्जन तो यहां पर डिस्पर्जन नंबर जो है वो इंफिनिटी होता है फॉर सी एस टी आर और जस्ट अगर पेक्लेट नंबर याद रखना तो मतलब कि वन अपॉन डिस्पर्जन नंबर कर दीजिए तो यहां पर इन्फिनिटी मिल जाएगा और यहां पर जस्ट आपको पेक्लेट नंबर मिल जाएगा फॉर सी एस टीआर

तो एक चीज तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए रेट, रेट वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में यही पढ़ते हैं कि जो रेट एक्सप्रेशन हम लोग किसी भी इक्वेशन एक, के लिए लिखते हैं लाइक रेट एक्सप्रेशन एक हमने लिखाई मतलब स्पीसीज के लिए आर आई हम लिख रहे हैं कि वन अपॉन डब्ल्यू इन टू डी एन आई अपॉन ऑफ डी टी हमने लिखा है तो यहां पर डब्ल्यू किसको डिनोट कर रहा है वेट ऑफ को

तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द केटलिस्ट उसके अलावा फिर होमोजेनियस सिस्टम जो हम जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं हम लिखते हैं कि आर आई इज इक्वल टू ओके देखिए माइनस आर आई इज इक्वल टू वन अपॉन वी इन टू डी एन आई अपॉन ऑफ डी टी ये चीज हम लिख सकते हैं ओके okay? तो यहां से देखिए सिंपली इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ये आपका होता है जनरल इक्वेशन ये आपका जनरल इक्वेशन रहता है तो सिंपली देखिए आप कोरिलेट कर सकते हो यहां पर डी एन आई अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू आर आई इंटू वी इक्वल टू आर आई डे इंटू डब्ल्यू इक्वल टू आर आई डबल डेस इंटू एस इस तरीके से हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट रेट लोग लिखते हैं उनको आपस में हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं क्लियर गाइस अब देखिए हम कैटलिस्ट की बात करें ना कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है वो सब तो आप खुद देख सकते हो ना कैटलिस्ट का मतलब क्या टेंडेंसी होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ओके वो वो सब बेसिक चीज है मैं यहां पर बात डायरेक्टली करने वाला हूं देखिए कि कैटलिस्ट रिएक्शन में देखिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं है ना कौन कौन से स्टेप कैटलिस्ट रिएक्शन में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं एक होता है पोर डिफ्यूजन स्टेप एक होता है सरफेस रिएक्शन स्टेप क्लियर है एक होता है पोर डिफ्यूजन पोर डिफ्यूजन स्टेप एक होता है सरफेस रिएक्शन डिफ्यूजन इसकी हम बात करेंगे आगे उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए मतलब हम लोग जब डिटेल में जब कोर्स पढ़ते हैं सियारी का तो वहां पर हम लोग सिलेंडिकल मतलब कि हम लोग मॉडलिंग मौड, मौड, डिस्कस करते हैं फॉर सिलेंडिकल, तो सिलेंड, सिलेंडिकल जब हम, मतलब कि डिराइव करते हैं वहां पर एक्सप्रेशन मॉडल तो उसके लिए हमको देखिए एक्सप्रेशन क्या मिलता है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं मॉडलिंग ऑफ ए सिलेंड्रिकल मॉडलिंग ऑफ ए कैटलिस्ट कैटलिस्ट सिलेंडिकल देखिए हमको क्या मिल रहा है डी ए बी इन टू डी स्क्वेयर सी ए अपन ऑफ डी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस आर ए डबल डे इन टू टू अपॉन ऑफ आर यह बेसिकली हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखते हैं ये जो मॉडल होता है फॉर एन इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मिलता है ना देखिए यहां पर हम लोग एक टाइम डिफाइन करते हैं एक टाइम हम लोग डिफाइन करते हैं जिसे हम बोल रहे हैं एम एम जो है बेसिकली वो क्या होता है रेसो होता है रेसो होता है स्क्वेयर रूट ऑफ के अपॉन ऑफ डी ए बी ये सबको याद होगा एम जो है बेसिकली वो क्या है स्क्र रूट ऑफ के अपॉन ऑफ रूट ऑफ के अपॉन डी का जो रेशियो है बेसिकली उसे हम बोलते हैं एम अब उसके अलावा देखिए यहां पर uh, जो ये सिलेंडिकल पोर uh, वाला जो मॉडल model, मॉडलिंग model, हम जो करते हैं वहां पर हम लोग फाइनल सी ए इज इक्वल टू सी एस इंटू कोस हाइपरबोलिक एम कोस हाइपरबोलिक एम इंटू जेड माइनस एल अपॉन ऑफ कोस हाइपरबोलिक एम इंटू एल तो ये एम जो है बेसिकली यहां पर क्या है रूट ऑफ के अपॉन ऑफ डी ए बी है एक टाइम हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं देखिए इफेक्टिवनेस फैक्टर इफेक्टिवनेस फैक्टर यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन मार्क्स के पूछे जाते हैं देखिए इफेक्टिव फैक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं पर इफेक्टिव फैक्टर को हम लोग नीटा या फिर आप यहां पर जीटा से डिनोट कर सकते हो तो मैं सिंपली यहां पर इसको लिख रहा हूं नीटा इज इक्वल टू ओके सॉरी जीटा से इसको डिनोट कर रहा जीटा किसी से भी डिनोट कर सकते हो तो इफेक्टिवनेस फैक्टर जो है सिंपल हम लिख रहे हैं जीटा इज इक्वल टू जीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन जीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विथ पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस रेट ऑफ रिएक्शन विद पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिएट ऑफ रिएक्शन विदाउट मतलब देखिए विद पोर डिफ्यूजन रजिस्टेंस एंड विदाउट पोर डिफ्यूजन रजिस्टेंस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस इसका जो रेशो होता है यह बेसिकली होता है इफेक्टिवनेस फैक्टर इसे हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस फैक्टर अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर मैं बात कर रहा हूं एन इक्वल टू वन तो एन इक्वल टू वन के लिए माइनस आर इक्वल टू हम लिखेंगे K into CAS, K into CAS. तो हम लोग सिंपली यहां पर लिखते हैं देखिए नीटा या फिर इफेक्टिवनेस फैक्टर जो जीटा है हम यहां पर लिखते हैं देखिए नीटा इज इक्वल टू नीटा इज इक्वल टू सी एस सी ए बार अपॉन ऑफ सी एस तो सी ए बार यहां पर डिनोट कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस और सीए एस किस डिनोट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट ऑफ द पोर डिफ्यूजन ये सिंपली हम लिख रहे हैं और यहां पर फाइनली देखिए हमको नीटा की जो वैल्यू है वो हमको मिल जाती है टेन हाइपरबोलिक एम इन टू एल हाइपरबोलिक में है 10 ML है है हाइपरबोलिक और ये ML. ये अपॉन में हमको मिलता इफेक्टिवनेस फैक्टर के लिए फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं उसके बाद देखिए हम लोग एक फाइटी टाइम डिफाइन करते हैं फाइटी टाइम जिसे हम बोलते हैं थीले मोड्यूलस फाइटी जो है वो क्या होता है थीले मोड्यूलस होता है और ये थिले मॉडुलस जो होता है बेसिकली देखिए क्या होता है 5t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू हम क्या डिफाइन करते हैं m into l 5t बेसिकली क्या होता है m into l होता है और m हमने ऑलरेडी देखा हमने ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस किया था कि m जो है वो होता है स्क्वेयर रूट ऑफ dab मतलब m जो रेशियो है वो हमको क्या देता है मतलब के अपॉन डिफिजिविटी रेट ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा के उसके अलावा डिफिजिविटी डी मतलब ये आपको आपको मतलब 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 इसका रेशियो रेशियो बेसिकली देगा अपॉन का जो है रूट मतलब मतलब डायरेक्टली हम प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं बट अप्रोक्सिमेटली हम बोल सकते हैं कि जो एम है वो प्रोपोर्शनल होता है के अपॉन डिफिजिविटी के तो यहां पर हम लोग इस के पुट कर सकते हैं एम की वैल्यू पुट कर सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ के अपॉन डिफिजिविटी डी ए बी इंटू ऑफ एल तो यहां से हमको फाइव टी बेसिकली मिल जाता है इज इक्वल टू

रूट ऑफ के अपॉन डी ए बी तो मैं यहां पर जस्ट डायरेक्ट प्रपोशनलिटीटलीसिडर करके मैं बोल रहा हूं कि जो फाइटी है वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल है रेट ऑफ रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो आपका थीले मोड्यूल का वैल्यू ज्यादा होगा अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन का वैल्यू ज्यादा है देन उस केस में फाइटी का वैल्यू जो है वो लो रहने वाला है

रेट ऑफ डिफ्यूजन के तो यहां पर मैं दो केस डिस्कस करने वाला हूं एक केस, केस वन यहां पर कौन सा रहेगा मॉड्यूल केस केस मतलब को, कर रहे है? थीले को। कि हम लिख रहे हैं पर अगर थीले मॉड्यूल की वैल्यू अगर हाई मिले है ना थीले मॉड्यूल्स की वैल्यू अगर वेरी हाई हो और सेकेंड जो केस है वहां पर हम कंसिडर करेंगे कि अगर थीले मॉड्यूल्स की वैल्यू वेरी लो हो है ना अगर थीले मॉड्यूल्स की वैल्यू वेरी हाई है वो हमारा फर्स्ट केस है अगर थी मॉडुलस की वैल्यू वेरी लो है वो हमारा सेकंड केस है तो अप्रोक्सिमेटली जो वैल्यू हम बोलते हैं कि अगर फोर से ग्रेटर देन थे है थीले मॉडुलर्स की वैल्यू तो उसको हम बोलेंगे वेरी हाई वैल्यू अगर फोर अगर पॉइंट फोर से अगर पॉइंट फोर से लेस देन वैल्यू है थी मॉडुलर्स की तो उसको हम बोलेंगे वेरी लो वैल्यू तो थी मॉडुलर्स की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई है की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो, हाँ हाँ। तो जो है वो लो रहेगी यहां पर तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई है तो मतलब ये जो सिस्टम है बेसिकली ये क्या हो जाएगा रेट कंट्रोलिंग स्टेप हो जाएगा रेट कंट्रोलिंग स्टेप ये हो जाएगा मतलब रेट ऑफ ओके ओके सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन हाई है उसके बाद मैंने डिफ्यूजन पे कमेंट नहीं किया रेट ऑफ रिएक्शन हाई है और रेट ऑफ डिफ्यूजन जब रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा लो हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लो हो जाएगा और जहां पर रेट रेट आपका मतलब लो होगा बेसिकली वो क्या होता है आपका कंट्रोलिंग फेज होता है तो यहां पर जो रेट है है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो बेसिकली है वो आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग फेज तो रेट कंट्रोलिंग रेट कंट्रोलिंग स्टेप ये हो जाएगा

तो हमने यहां पर देखा है रेट कंट्रोलिंग स्टेप जो यहां पर होगा वो डिफ्यूजन होने वाला है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन और इधर होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिफ्यूजन और यहां पर होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन नाउ इसके बाद देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये लो है यहां पर और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये लो है तो सिंपल हम इसको क्या बोलेंगे कि पोर जो है बेसिकली वो ऑफर कर रहा है हाई रेजिस्टेंस यहां पर जो है फर्स्ट केस में जो पोर है बेसिकली वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है पोर इज ऑफरिंग पोर इज ऑफरिंग ऑफरिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस पोर इज ऑफरिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस टू डिफ्यूजन पोअर इज ऑफरिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस टू डिफ्यूजन ये चीज क्लियर है यहां पर जो आपका पोर है वो हाई डिफ्यूजन मतलब कैटलिस्ट का जो पोर है बेसिकली वो हाई रेजिस्टेंस मतलब की प्रोवाइड कर रहा है डिफ्यूजन को इसमें क्या हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोलिंग है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे पोर जो है कुछ भी मतलब देखिए पोर जो यहां पर है वो कुछ भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है ये चीज हम यहां पर बोलेंगे पोर इज नॉट ऑफरिंग पोर इज नॉट ऑफरिंग सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पोर इज नॉट ऑफरिंग सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू डिफ्यूजन पोर इज नॉट ऑफरिंग हम लिख सकते हैं यहां पर रेजिस्टेंस टू डिफ्यूजन Then इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए अब यहां से हम कमेंट करते हैं कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन होगा और कौन सा हमारा वीक पोर डिफ्यूजन होगा तो यहां पर पोर जो है वो ऑफर कर रहा है हाई रेजिस्टेंस तो हम इसे बोलेंगे ये आपका स्ट्रोंग पोर डिफ्यूजन स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस डिफ्यूजन के साथ में वर्ड हम यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस है ना तो मतलब कि स्ट्रॉग पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस यहां पर होगा इसे हम बोलेंगे स्ट्रोंग पोर डिफ्यूजन रेजाइम हम इसे बोलेंगे और सेकंड जो है ये हो जाएगा आपका वीक बिकॉज मतलब जो पोर है वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे ये आपका हो जाएगा वीक पोर वीक पोर डिफ्यूजन ये ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जाएगा वीक वीक पोर पोर डिफ्यूजन डिफ्यूजन है ना रेजिस्टेंस रेजाइम ओके इसे हम बोल सकते हैं देखिए कि strong, मतलब सिंपल टाइम में अगर आप रेजिस्टेंस टाइम यूज ना करो तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन रेजाइम और ये हो जाएगा वीक पोर डिफ्यूजन रेजाइम है ना अब सिंपल देखिए यहां पर हमको मिलता है जो नीटा मतलब नीटा हम जो डिफाइन करते हैं इफेक्टिवनेस फैक्टर वो बेसिकली क्या हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन इफेक्टिवनेस फैक्टर जो हम डिफाइन करते हैं वो इनवर्सली प्रपोर्सनल होता है किसके थीले मोड्यूल के फाइव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीले मोडुलस के लिए और ये जो कंडीशन में लिख रहा हूं ये किसके लिए लिख रहा हूं फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ आई टी सिर्फ इसी केस के लिए वैल्यू मतलब कि ये आपका एप्लीकेबल होगा फॉर स्टोन पोर डिफ्यूजन यहां पर मैं सिंपली लिख रहा हूं कि जो एप्साइल है वो हो जाएगा वन अपॉन फाइव टी और इसको हम लिख सकते हैं फाइव टी बेसिकली क्या होता है एमएल तो एप्साइल बेसिकली क्या हो जाएगा यहां पर वन अपॉन एम एल ये चीज क्लियर है और जब वीक पोर डिफ्यूजन होता है वीक पोर डिफ्यूजन जहां पर फाइव टी की वैल्यू लेस देन पॉइंट फोर होती है वहां पर इफेक्टिवनेस फैक्टर जो है वो आपको वन मिलता है ऑलवेज इफेक्टिवनेस फैक्टर जो है वो वन मिलता है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विद पोर डिफ्यूजन विद विद पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस अपॉन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस ये चीज हमने देखा एप्साइल तो एप्साइल मतलब जब आपका जो पोर है कोई मतलब की कोई डिफ्यूजन मतलब रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है है ना तो डायरेक्टली आपका जो जो एप्साइल है बेसिकली इफेक्टिवनेस फैक्टर वो वन मिल जाएगा सेकेंड केस में ओके गाइस यहां तक क्लियर है सारी चीज उसके बाद में देखिए हम लोग थोड़ा सा अब एनालाइज करेंगे जो हमने ये डिस्कशन किया है इसको मतलब जस्ट क्वांटिटेटिवली एनालाइज हम पर फाइनल करने वाले हैं इसको देखिए

एल इज एल इज इक्वल टू आर बाई टू हो जाएगा अब देखिए हमने फाइव जो है वो लिखा था एम की जगह डी ए बी इन टू एल तो मतलब जो है, वो आपका डायरेक्टली एल के है, तो पर हम क्या पुट कर देंगे फाइव इज इक्वल टू स्क् रूट ऑफ के अपॉन ऑफ डिफ्यूजिविटी इन टू एल बाई एल की जगह हम पुट कर रहे हैं आपको देखिए स्फेयर गिवन है अगर स्पेरिकल सेप के लिए बात की है तो यहां पर देखिए एल जो वो क्या हो जाएगा आर बाई थ्री तो सिंपल फाइव का जो अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा एम इन एल उसके बाद हम पुट कर सकते हैं पर रूट ऑफ ऑफ ये चीज क्लियर है अगर फ्लेट सीट है तो सिंपल जो करेक्ट्रिस्टिक लेंथ है वो हो जाता है थिकनेस बाई टू करेक्ट्रिस्टिक लेकनेस तो बाई टू तो अब देखिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं जो हम स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन की बात करें जिससे हम एस बी टी आर बोलते हैं बेसिकली केस वन यहां पर हमारा है देखिए ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पेज हम डिस्कस करते हैं फाइनल जो डिस्कशन है देखिए कि पहला जो केस है फाइवी जो है ग्रेटर देन फोर जहां पर हम बात कर रहे हैं फाइव अगर ग्रेटर देन मतलब कि वेरी हाई है आपका 5T, की वैल्यू अगर वेरी हाई गिवन है तो सिंपल देखिए क्या होगा यहां पर हम लिख रहे हैं स्ट्रोंग डिफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं हमने देखा कि जो एप्स जो जो इफेक्टिवनेस फैक्टर है वो किसके किसके पर डायरेक्टली इफेक्टिवनेस फैक्टर वन अपॉन फाइव टी होता है यहां पर और फाइवी जो है वो होता है एम एल

तो यहां पर सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये इफेक्टिवनेस फैक्टर है वो थीले मॉडलिस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां से हम लोग एम जो है वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है के के और प्रोपोर्शनल के तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिवनेस फैक्टर है वो डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रपोर्शनल हो जाएगा के के रेट ऑफ कॉन्स्टेंट और डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाएगा डिफ्यूजिविटी डी ए बी है ना जस्ट यहां से हम लिख रहे हैं ये सारे ये सारा डिस्कशन हम लोग यहां से कर रहे हैं और उसके अलावा फाइनली यहां पर हम लोग लिख रहे हैं आर मतलब रेट जो है बेसिकली

यहां पर एल परजेंट है तो हम ये देख सकते हैं कि देखिए आर आर जो है मतलब रेट रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्सली लेंथ के तो यहां पर बेसिकली ये जो एल लेंथ बेसिकली क्या है, characteristic length है ये तो लेंथ देखिए एल जो डायरेक्टली किसके परपोर्सल होता है रेडियस के रेडियस को हम लोग मतलब डायमीटर के टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेंड्री ए स्पेयर जिसके लिए भी आपको डायम, मतलब डायमीटर गिवन है तो यहां पर देखिए डायरेक्टली आप लिख लोगे की जो मतलब की फाई है बेसिकली फाई जो है वो डायरेक्टली किसके परपोर्शनल होने वाला है रेक्ट्रिस्टिक लेंथ के प्रपोर्शन होने वाला है और लेंथ डायरेक्टली डायमीटर के लेपोर्शन होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं डीपी टू अपॉन ऑफ डी पी वन मतलब सारा हमने यहां से किया और हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ओके यहां पर डीपी टू बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है डीपी टू और डीपी वन बेसिकली जो है वो डाया ऑफ पोर को डिनोट कर रहा है डाया ऑफ पोर डिफरेंट डिफरेंट डाया हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट के लिए क्लियर है अब सेकंड केस में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है अगर सेकंड केस हम देखें तो वहां तो आपका जो इफेक्टिवनेस फैक्टर है सेकेंड केस फाइटी जहां पर आपका लेस देन है पॉइंट लेस देन है पॉइंट पॉइंट फोर से जब लो है आपका वेरी लो है बेसिकली मतलब फाइव तब तो आपका इफेक्टिवनेस फैक्टर वन ही आ जाता है तो यहां पर तो जो रेट है बेसिकली वो चेंज ही नहीं होगा है ना मतलब अगर का डाया चेंज करो फोर डाया पोर, पोर साइज कुछ भी चेंज करो यहां पर इफेक्टिवनेस चेंज नहीं होने वाली है जब आपका थीले मॉड्यूल की वैल्यू जो है लेस मतलब की आ, लो रहेगी और इफेक्टिवनेस फैक्टर आपको वन मिल जाएगा वहां पर मतलब जो रेट है वो चेंज नहीं होगी विथ डाया ऑफ द केटलिस चीज आप याद रख सकते हो तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा आपको क्वेश्चन जो मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो इसी इसी पॉइंट से पूछा जाता है ओके गाइस सो अब नेक्स्ट देखिए हम लोग सरफेस सरफेस रिएक्शन काइनेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं सरफेस रिएक्शन काइनेटिक्स उसके बाद देखिए गाइस एक और चीज आप यहां पर देख लीजिए ठीक है एक इफेक्टिवनेस मतलब मतलब जो हम लोग इफेक्टिवनेस डिफाइन करते हैं तो मतलब एक होता है देखिए ओके okay, यहां पर मैं बता सकता हूं एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका ट्रू एक्टिवेशन एनर्जी एक होता है ऑब्जर्व एनर्जी है ना ऑब्जर्व एक्टिवेशन एनर्जी तो मैं यहां पर सिंपली लिख रहा हूं कि स्ट्रॉग पोर डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं एसपी डी आर स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन की मैं अगर बात करू तो स्ट्रॉग पोर डिफ्यूजन में देखिए सिंपल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा देखिए ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ट्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसमें प्लस वन हम करेंगे और डिवाइड बाई टू ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन रहेगा डिफ्यूजन के, के केस में वहां पर आपको मिलता है एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट सरफेस रिएक्शन की बात कितना पार्ट बचा है विद इन टेन मिनट लास्ट टेन मिनट बस हम डिस्कस करने वाले रघु लास्ट टेन मिनट जस्ट देखिए इसमें हम लोग मतलब ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हो जाता है ट्रू

सरफेस रिएक्शन काइनेटिक्स सरफेस रिएक्शन काइनेटिक्स ये इंपॉर्टेंट है यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं टू टू मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट है दस मिनट इसमें सिर्फ हमको लगने वाला है ओके सरफेस रिएक्शन काइनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं देखिए मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से आप रेट लो लिख सकते हो अगर रेट लो लिखना आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए डायरेक्टली आता है तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत ईजी हो जाएगा देखिए मतलब

जो आपका रिएक्टेंट बेसिकली जो होता है वो अनदर साइड के साथ में रिएक्ट करता है किस केस में ड्यूअल साइड मैकेनिज्म में और इस केस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक देखिए ए ए डॉट एस आपके पास में है प्लस बी डॉट एस आपके पास में है तो इसमें देखिए लाइक जस्ट आपके पास में A एक रिएक्टेंट है बी एक रिएक्टेंट आपके पास में दो साइट अवेलेबल है, लाइक like एक सी प्रोड्यूस हुआ तो सी आपका मतलब एक एक साइड कि जस्ट उस पर कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद में प्रोडक्ट डी बन रहा है उसने एक अपना साइट ले लिया क्लियर है ये जो मैकेनिज्म बेसिकली इसको देखिए हम लोग क्या बोलते हैं लेंगमर हेंसेल वुड मैकेनिज्म इसको बोलते हैं ये मैकेनिज्म मतलब क्वेश्चन में हो सकता है आपको इस तरीके से गिवन हो बट मैं आपको बताऊंगा ड्यूअल मैकेनिज्म और सिंगल साइड मैकेनिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आपको सिंपल सिंपल क्या करना है आप simple, मतलब कि जो जो आपको ये अरेंजमेंट गिवन होगा है ना ये आपको रिएक्शन तो एटलीस्ट गिवन होगी ना उसी से आप कमेंट कर सकते हो कि ये ड्यूअल साइड मैकेनिज्म है या फिर सिंगल साइड मैकेनिज्म है ना उसके बाद थर्ड एक होता है इले रिडल मैकेनिज्म इसमें देखिए क्या गिवन रहता है इले रिडल जो मैकेनिज्म होता है उसमें सिंपली मतलब जो रिएक्शन हो रही है बिटवीन बिटवीन द अब जो मोलिक्यूल्स देखिए यहां पर मैं रिएक्शन की से समझा देता हूं ए डॉट एस प्लस ऑफ पी ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बना रहा है है ना मतलब इसमें सिंपली क्या हो रहा है एक जो मतलब ये रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द अरजोब मॉलिक्यूल ये आपका अर्जोब मॉलिक्यूल है देखिए एक्टिव ये जो सरफेस है इस पे ये अरजोब और का है ना जो अरजोब मॉलिक्यूल है बेसिकली वो यहां पर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है इफ मतलब इसमें रिएक्शन होता है अरजोब अरजोब जो मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है एक गैस फेस के मॉलिक्यूल के साथ होती है ना पी यहां पर ये जी मतलब लिखा है ये फेस को डिनोट कर रहा है तो एक गैस फेस के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन हो रही है और फाइनली प्रोडक्ट पी बना रहा है अब यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं देखिए इसमें मतलब रेट रेट लो कैसे लिखते हैं देखिए रेट लो लिखने, लिखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं आपको याद रखना है यहां पर देखिए सबसे पहले लाइक आपको सिंगल साइड वाले मैकेनिज्म तीन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया पर सिंगल साइड साइड और इले रिडल मैकेनिज्म सिंगल साइड के लिए देखिए सिंगल साइड के लिए अगर आपको लिखना है ए डॉट एस से बी डॉट एस बन रहा है यहां पर ये आपका सिंगल साइड हो गया इसमें अगर आपको लिखना है रेट लो तो कैसे लिखोगे माइनस आर एडेस माइनस आर एडेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इन टू पी ए k pa अपॉन में देखिए हम क्या लिखेंगे 1 plus ka into pa plus of kb into pa मतलब इसमें देखिए हमें गिवन था यहां पर एक तो देखिए न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आने वाली बेसिकली न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आएगी जो आपका रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट हमारे पास में क्या है a है तो सिंपली हमने यहां पर लिख दिया k pa k pa उसका मतलब बेसिकली प्रेशर आने वाला है यहां पर उसके बाद देखिए यहां पर डिनोमीटर uh, में कौन सी टर्म आएगी देखिए वन वन तो लिखना ही है हर सिस्टम में पहले वन से स्टार्ट करना वन प्लस के ए इंटू पी ए उसके बाद में यहां पर जो प्रोडक्ट है वो भी आएगा तो के बी इंटू के बी इंटू यहां पर पीबी होगा पी ना इस तरीके से हम लिख सकते हैं रेट लो फॉर सिंगल साइड मैकेनिज्म अब देखिए ड्यूएल साइड मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं करूवेल साइड मैकेनिज्म मैकेजमेल साइड मैकेनिज्म तो इसमें कैसे लिख सकते हैं हम लोग डुवेल साइड मैकेनिज्म लाइक ए डॉट एस पहले वाला अरेंजमेंट अगर गिवन है ए डॉट एस

मैकेनिज्म है सेकंड टाइप लाइक ए डॉट डॉट एस एस प्लस बी अगर आपको गिवन हो और ये सी डॉट एस प्लस डी डॉट डी डॉट एस अगर बना रहा है तो इसमें आपको रेट लो कैसे लिखना है देखिए सिंपल अब यहां पर रिएक्टेंट रिएक्टेंट देखिए ए बी है और बी बी यहां पर रिएक्टेंट है तो सिंपल न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा के इंटू के इंटू पी ए इंटू ऑफ पी बी अपॉन ऑफ वन प्लस ऑफ के ए इंटू पी ए प्लस के इंटू पी ए प्लस ऑफ के बी इंटू पी बी प्लस ऑफ के सी इंटू पीसी प्लस ऑफ के डी इंटू ऑफ पी डी और इसका हम लोग लिखेंगे स्क्वेयर डिनोमीटर में आपको ओवरऑल जो टाइम है उसका स्क्वेयर कर देना ये टाइम सिंपल पता समझ आ रही है आपको नो थर्ड देखिए जो इले रीडल मैकेनिज्म है बेसिकली इले रीडल मैकेनिज्म उसके लिए कैसे लिखेंगे हम लोग उसमें होता है ए डॉट एस प्लस लाइक like मैंने यहां पर पहले वहां पर लिखा था लाइक like कोई प्रोडक्ट पी है तो सिंपली यहां पर मैंने कोई बी कंपोनेंट लिख दिया कंपोनेंट है, जो जो है, तो है तो इसके लिए to, तो यहाँ पर क्या के इंटू ए मेरा रिएक्टेंट है तो उसका प्रेशर आएगा पी ए उसके अलावा जो मोलिक्यूल गेसियस मोलिक्यूल जो है उसका प्रेशर भी आएगा यहाँ पर पी बी इज डिवाइडेड बाई वन प्लस इज डिवाइडेड बाई वन प्लस के ए इंटू ऑफ पी ए ये टाइम आपका रिएक्टेंट हो गया उसके बाद यहां पर प्रोडक्ट जो है सी सी यहां पर होगा देखिए के सी इंटू ऑफ पी सी मतलब यहां पर ये यह बोल सकते है कि में ओनली एक ही टाइम आएगा ओनली एक ही टाइम यहां पर आने वाला है लाइक ए डॉट एस है और बी बी जो हमको गिवन है उसमें यहां पर एक ही मॉलिक्यूल बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल के लिए हम लिखेंगे मतलब कि जो ए एडजोब मॉलिक्यूल जो है उसके लिए हम लिखेंगे के ए डॉट पी ए मतलब एक ही टाइम यहां पर आने वाली है जो अडजोब होगी ओके तो इस तरीके से अब आप इन तीनों तीनों टाइम के लिए मतलब जो हमने तीनों मैकेनिज्म किया उसको एक साथ लिख के देखोगे तो आप मतलब इजीली मतलब हर बार किसी भी रिएक्शन के लिए चाहे गेट के तीन से चार जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें आप इजीली रेट लो लिख सकते हो हर एक सिस्टम के लिए यहाँ पर इजीली है ना तीन से चार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर मतलब हिट्रोजीनियस सिस्टम में सर जो जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सरफेस रिएक्शन काइनेटिक्स में आपको सिर्फ रेट लो चूज करना होता है कि कौन से सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट रेट लो है तो मैंने सिंपल ट्रिक आपको बता दी आपको जो चीजें याद रखनी देखिए कौन कौन सी चीजें याद रखनी इस ट्रिक में पहली चीज कि चीजरेटर जो न्यूमरेटर हम लिख रहे हैं न्यूमरेटर में कौन सी टाइम आती है न्यूमरेटर में बेसिकली टाइम आती है न्यूमरेटर में वो टाइम आएगी जो आपकी रिएक्टेंट है ना रिएक्टेंट में जो कॉम्पोनेंट है वो टाइम आएगी रिएक्टेंट कॉम्पोनेट उसके अलावा सेकंड जो यहां पर कंसेप्ट है कि डिनोमीटर में डिनोमीटर में बेसिकली कौन सी टर्म आती है जो है बेसिकली उसमें आपका वो सारे स्पीसीज आते हैं जो अर्जोब हो रहे हैं चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो तो वो सारे कॉम्पोनेंट आते हैं जो कि अर्जोब हो रहे हैं देन थर्ड जो टर्म है वो है कि डिनोमीटर में स्क्वेयर आता है डिनोमीटर में स्क्वेयर आता है स्क्वेयर कब आता है स्क्वेयर इन द डिनोमीटर और वो स्क्वेयर हम कब करते हैं जब ड्वेल साइड मैकेनिज्म ये हम कौन सा केस में करते हैं ड्वेल साइड ड्वेल साइड के लिए एक स्पेशल कंडीशन थी इसलिए मैंने यहां पर लिख दी ड्वेल साइड मैकेनिज्म ओके देन उसके अलावा हमने ये तो देखा है इले इले रिडल जो मैकेनिज्म है उसमें मतलब कि डिनोमीटर में सिर्फ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जो बेसिकली है उसमें सिर्फ एक ही एक ही बेसिकली मतलब मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर आता है प्रेशर वाला सेकंड मॉलिक्यूल है वो नहीं रहेगा लाइक अगर दो मॉलिक्यूल दे रखे उसमें से भी हमको एक ही कोई मॉलिक्यूल ऐसा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको दोनों गिवन दे दिया है ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा ना ऐसा रेट लो आपको गिवन नहीं रहेगा एग्जाम में तो गाई सिंपली आप मतलब कि इरिवर्सिबल ये जो सरफेस रिएक्शन है इसके लिए रेट लिख सकते हो कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको आपको इसमें सिंपल है ये आपको ये चीज मैकेनिज्म सिर्फ याद रखना है उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो लास्ट टाइम जो है ओके ठीक है आई थिंक रघु ने कुछ कमेंट किया था ना मीन मतलब कि नॉन आइडियल रिएक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक टाइम उसने बोला था कि नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए फॉर नॉन आइडियल रिएक्टर फॉर नॉन आइडियल रिएक्टर एक फॉर्मुला होता है फॉर मीन कन्वर्जन फॉर मीन कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला में यहां पर बता देता हूं आई थिंक इसी फॉर्मूले की वो बात कर रहा था कि मीन कन्वर्जन जो है उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं यहां पर इस तरीके से देखिए ओके फॉर नॉन आइडियल रिएक्टर मीन कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला होता है एक्स इंटूटी डी टी और यहां पर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है ना इन फ्लो रिएक्टर इन फ्लो रिएक्टर्स और उसके अलावा देखिए ये मेन कन्वर्जन का कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया उसके अलावा एक टैम हम डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं हट्टा ये भी आप देख लीजिए एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं इसका जो आ, है मतलब टैम का इस, मीनिंग मतलब इसको हम एमएच स्क्ट मतलब डिनोट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमएच स्क्र तो एमएच स्क्त इक्वल टू क्या होता है देखिए मैक्सिमम कन्वर्जन मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन थ्रू द लिक्विड फिल्म थ्रू द लिक्विड फिल्म इज डिवाइडेड बाय थ्रू द लिक्विड फिल्म इज डिडेड बाय द मैग्म पॉसिबल डिफ्यूजन द मैगजिम पॉसिबल डिफ्यूजन द मैग्म पॉसिबल डिफ्यूजन थ्रू लिक्विड फिल्म ओके कन्वर्जन का रेशो बेसिकली हम देख रहे हैं डिफ्यूजन के साथ में तो वो रेशो जो है उसे हम बोलते हैं हट्टा मोड्यूलस है ना उसके बाद एक लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है िसाइकल मॉड्यूलर लास्ट फाइव मिनट गाइस है ना लास्ट फाइव मिनट हमको और लगेगा इसमें रिसाइकल रिसाइकल पल्ल फ्लो के लिए जिसमें फॉर्मूला आपको बता देता हूं रिसाइकल फ्लो रिएक्टर इससे भी एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया है रिसाइकल फ्लो रिएक्टर है ना तो इसमें सिंपली देखिए क्या होता है रिसाइकल प्लग फ्लो रिएक्टर में जो कन्वर्जन है जो कन्वर्जन बेसिकली है वो क्या होता है डिक्रीज होता है कन्वर्जन जो है वो डिक्रीज होता है रिसाइकल फ्लो रिएक्टर के केस के में तो सिंपली गाइस देखिए हम लोग आइडियल 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 पीएफआर के लिए लिखते हैं देखिए पीएफआर आइडियल पीएफआर के लिए हम लिखते हैं डीवी अपॉन ऑफ एफ ए इज इक्वल टू डी एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर ए ये हम लिखते हैं फॉर आइडियल पी एफ आर सिंपल मैंने आइडियल पी एफ आर कंसिडर किया लेकिन अगर मैं यहां पर कंसिडर करूं कि मतलब हम लोग जो पी एफ आर कंसिडर कर रहे हैं वो विद रिसाइकल है ना पी एफ आर विद रिसाइकल है तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा पीएफआर विद रिसाइकल के केस में हम लिख देंगे यहाँ पर कि डीवी अपॉन ऑफ ये हो जाएगा डीवी अपॉन के देखिए यहाँ पर अपॉन में एक टाइम आ जाएगा आर प्लस वन इन टू एफ इक्वल टू डी एक्स अपॉन ऑफ माइनस आर ये टाइम आ जाता है रिसाइकल की वजह से तो सिंपली हम ओवरऑल जब लिखते हैं कि वी अपॉन ऑफ एफ ए हम लिखते हैं तो ये हो जाता है आर प्लस यार प्लस वन जस्ट में चला जाएगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन देखिए हम कहा एक्स टू, टू, मतलब टू मतलब जस्ट मैं एक कर देता हूं। और ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ इससे पहले जस्ट ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं देखिए ये प्लग फ्लो रिएक्टर है पी एफ आर प्लग फ्लो रिएक्टर पी एफ आर यहां पर तो इस प्लग फ्लो रिएक्टर में देखिए यहां पर हम लोग मोलार फ्लोरेट इनलेट मोलार फ्लोरेट डिफाइन कर रहे हैं ये पॉइंट 1 है मेरा और ये पॉइंट 2 है ये पॉइंट 3 हो गया यहाँ से कुछ अमाउंट हम जो है वो वापस मतलब कि रिसाइकल कर रहे हैं इस पॉइंट 1 पे ओके तो ये रिसाइकल अमाउंट r हो जाएगा तो सिंपल देखिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा कि vr अपॉन ऑफ fa नोट vr अपॉन ऑफ fa नोट इक्वल टू r 1 यहां पर हम सिंपली क्या लिख रहे हैं डी एक्स से अपॉन ऑफ माइनस आर ए का इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं किसके साथ X, मतलब लिमिट हम पुट कर रहे हैं वहां पर एक्स वन से एक्स एक्स टू इक्वल टू एक्स थ्री बेसिकली टू और 3 पे बेसिकली जो आ, मतलब कन्वर्जन है वो इक्वल है तो सिंपली ये इक्वेशन आपको याद रखना और ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं ये दोनों केसेज के लिए वैलिड है फोर सीवीआरएस एंड फोर वीवीआरएस और सीवीआर फोर वीवीआरएस दोनों केसेज के लिए वैलिड है ओके okay? और सिंपली ये जो कन्वर्जन है पॉइंट वन पे मतलब जब हम रिसाइकल करने के बाद में कन्वर्जन कैलकुलेट करेंगे तो वो कन्वर्जन क्या हो जाएगा सिंपली जो एक्स थ्री जो यहां से हम लोग मतलब कि जिस कंसंट्रेशन का अमाउंट यहाँ पर हम मतलब कि रिसाइकल कर रहे हैं तो वहां से फाइनल जो कन्वर्जन एक्स वन पे हम लोग लिखते हैं देखिए क्या मिलता है हमको एक्स वन इक्वल टू मिलता है आर अपॉन ऑफ आर प्लस वन इंटू एक्स थ्री क्स वन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं आर अपन आर प्लस वन इंटू एक्स थ्री इस तरीके से हम लोग मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर यहां पर रिसाइकल प्लग फ्लो रिएक्टर पे पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको करेक्ट आंसर जो भी अननोन वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेना है ना सिंपली जो नॉर्मल विदाउट नॉर्मल पी एफ आर के लिखते हैं वहां पर आर प्लस वन ही तो टाइम नहीं आता है ये तो एक एक्स्ट्रा एड किया उसके बाद में जो कन्वर्जन इनलेट जो कन्वर्जन है जो यहां पर देखिए जो कन्वर्जन है वो चेंज हो जाता है बिकॉज यहां से हम लोग कुछ अमाउंट रिसाइकल कर रहे हैं जैसे हम लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है वैसे यहां पर पर्टिकुलर उस कंसंट्रेशन के लिए कन्वर्जन चेंज हो जाता है तो दो टाइम का बस ध्यान रखना है बाकी सब नॉर्मल है अगर लाइक हम बोले कि रिसाइकल अगर आर जो है वो जीरो हो जाएगा तो आपका जो रिएक्टर वो क्या हो जाएगा आइडियल आइडियल पीएफआर ही हो जाएगा अगर हम लोग रिसाइकल आर इक्वल टू तो इंफिनिटी कर दें तो आपका जो प्लग फ्लो रिएक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा आइडियल सी स्टार की तरह बिहेव करेगा? करेगा इस केस में मतलब कि ये आइडियल सी स्टार की तरह बिहेव करने लग जाएगा आपका जो प्लग फ्लो रिएक्टर होता है ओके गाइस ये चीज क्लियर है तो ये मतलब रिसाइकल प्लोफ्लक रिएक्टर की हमको रिक्वायरमेंट होती है जब लाइक मतलब फीड में डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि जो कन्वर्जन है उसकी हमको अगर रिक्वायरमेंट हो लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंसेंटेशन पे आपको अगर मिक्सिंग मतलब कि मिक्सचर चाहिए आउटलेट में तब मतलब कि रिसाइकल का ये यूज होता है बेसिकली तो आपको क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन रिसाइकल पर कर सकते हो अच्छा टू मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है ओके गाइस तो आपको प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए सिंपली मतलब होता क्या है प्लग फ्लो रिएक्टर में अगर हम लोग आर इंक्रीज मतलब कि का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो यहां पर पर पास कन्वर्जन पर पास कन्वर्जन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है पर पास जो कन्वर्जन है वो डिक्रीज हो जाता है क्लियर है गाइस मास ट्रांसफर में रिफ्लेक्स पढ़ते हैं वहां पर रिफ्लेक्स का जो यूज होता है वो आपका टॉप में मतलब जो मोर वोल्टाइल कंपोनेंट जो है वहां पर मतलब उसका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है और यहां पर देख रहे हैं कि रिसाइकल देखिए हम लोग यूज करने में क्या हो रहा है कन्वर्जन जो डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल डॉ डिपेंड ऑन कंडीशन है ना अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेशन पर फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तब हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं रिसाइकल फ्लो रिएक्टर का तो गेट एग्जाम में वो तो पूछेगा नहीं आपसे गेट एग्जाम में यह सब चीजें पूछ सकता है ना आपको क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि फ्रेम किया जा सकता है उसके अलावा यह पूछा जा सकता है पर पास कन्वर्जन जो है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है अगर आप मतलब कीिस मतलब कि की रिसाइकिल पी एफ आर के साथ अगर रिसाइकिल का अमाउंट इंक्रीज करो उसके अलावा अगर आर इक्वल टू जीरो होगा तो कैसा बिहेव करेगा आर इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो कैसे बिहेव करेगा ये सब टाइम्स है अगर ये सब आपको पता है देन ओके है सफिशियंट आपके लिए इस टाइम मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज तो गैज इसके साथ ही जो पार्ट था यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का वो कंप्लीट हो गया है होप सो सारे स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं